Nothing in this world can destroy your happiness more than you're trying to live with an illness, more than you're trying to live with a sickness. दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदायी बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आपका स्वागत करता हूँ डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 क्योर इन 72 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। यू कैन क्योर द डायबिटीज इन जस्ट 3 डेज, 3 दिन। इज इट रियली पॉसिबल? कैसा हो सकता है? इट्स एब्सर्ड, इट्स रेडिकुलस, ये असंभव है। हो सकता है कि इस वक्त आपके दिमाग में सारी बातें चल रही होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस ट्रेनिंग डीवीडी को देख रहे हैं, दैट इटसेल्फ मींस कि आपके दिमाग के किसी न किसी कोने में यह बात है, काश मेरी डायबिटीज ठीक हो जाती। आज अगले 3 घंटे में आप एक ऐसा रिवोल्यूशनरी लाइफस्टाइल मेथड देखने जा रहे हैं जिसकी मदद से ना केवल आप अपने आप को पूरी तरह से आजाद कर पाएंगे डायबिटीज से, यू विल बी एबल टू हेल्प पीपल सो दैट इवन दे आर एबल टू क्योर द डायबिटीज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या हमें परहेज करना होगा? क्या हमें भूखे रहना होगा? आपको भूखे नहीं रहना है, आपको भरपेट खाना। यू हैव टू ईट इन प्लेंटी। रादर मोस्ट ऑफ माई डायबिटीज पेशेंट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्लाइंग दिस लाइफस्टाइल मेथड दे आर एबल टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस और इफ दे लाइक अ डजन ऑफ बनाना और मे बी अ के जी ऑफ मैंगो। यू हैव टू ईट इन प्लेंटी। आज देश में 6.5 करोड़ ऐसे पॉपुलेशन है जो डायबिटीज से पीड़ित है। मेरे इस डीवीडी बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है, वो है आप। आई बिलीव दैट विद दिस मेथड यू विल बी एबल टू क्योर योरसेल्फ ऑफ डायबिटीज एंड देन यू विल हेल्प पीपल सो दैट दे आर हेल्दी अगेन। हेल्थ इज नॉट जस्ट योर राइट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। आपके दिमाग में ये बात होगी, अगर ये टेक्निक इतना रिवोल्यूशनरी है तो मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं है? डॉक्टर्स इसके बारे में बताते क्यों नहीं है? इस बात को समझने के लिए आपको मेरे इस आंकड़े पर गौर करना होगा। पिछले 10 सालों में देश को डायबिटीज और डायबिटीज से जुड़े बीमारियों की वजह से लगभग $246 बिलियन का नुकसान हुआ है, विच इज जस्ट $70 बिलियन लेस देन दिस ईयर्स नेशनल बजट। इट्स अ ह्यूज मनी, इट्स अ बिग इंडस्ट्री। कुछ लोगों को आपके बीमार रहने से लाभ है, बहुत लाभ। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप बीमारी से मुक्त हो जाएं, वो यही चाहेंगे कि आप बीमारी के गुलाम हो, दवाओं को गुलाम हो। तो इस षड्यंत्र को समझने के लिए आपको फूड एंड ड्रग मैकेनिज्म थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा। गौर कीजिए, आप जब कुछ खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी, सब्जी, फल, खाना मुंह से होते हुए सीधा स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल, इट गोज टू द लीवर, लीवर में रीप्रोसेसिंग होती है और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के तहत वो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि बॉडी के एक एक सेल्स तक वो खाना पहुंचे, जिसकी मदद से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, जिसकी मदद से वो रिपेयर कर पाए, ग्रोथ में यूज कर पाए और सम अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दैट्स हाउ द बॉडी वर्क्स, दैट्स हाउ द फूड गोज इन द सेल्स, दैट्स हाउ योर बॉडी बिहेव्स विद द फूड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, इंपॉर्टेंट बात यह है, हर सेल्स को फूड को एक्सेप्ट करने के लिए उसके डोर्स को ओपन करने होंगे, उसके दरवाजों को खोलने होंगे। सेल्स दरवाजे अपने आप नहीं खोल पाते, उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन में एक खास केमिकल की आवश्यकता होती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन को आप चाबी बोल सकते हैं, सेल्स के दरवाजों का चाबी। इसका मतलब कि वो इंसुलिन होगा तो सेल्स के दरवाजे खुलेंगे और तभी ब्लड से फूड ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द सेल्स। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनकी बॉडी इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उनके बॉडी की जो इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री है वो ठीक से काम नहीं करती। इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री का नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास कहीं यहाँ लीवर के पीछे, स्टमक के पीछे अंदर यहाँ होता है, आप यहाँ देख पा रहे। इट इज अ स्मॉल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अ वेरी स्मॉल ऑर्गन। अब पेनक्रियास ठीक से काम नहीं करेगी तो इंसुलिन नामक चाबी ठीक से बॉडी में बनेगा नहीं, तो बॉडी में एनफ फूड सर्कुलेट होने के बावजूद भी सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड शुगर, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। या फिर आप यूं मानिए कि आपके घर में फ्रिज तो है बट उसका दरवाजा लॉक्ड है, उसके अंदर खाना तो भरा हुआ है लेकिन उसकी चाबी आपके पास नहीं है, दैट्स डायबिटीज। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको अ क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड मेटफॉर्मिन देंगे। मेटफॉर्मिन सीधा लीवर पे अटैक करता है,
लीवर को फोर्स करता है ताकि वो ब्लड शुगर को रेगुलराइज करे। लेकिन ये ट्रिक ज्यादा दिन नहीं चलता। कुछ समय के अंदर अंदर मेटफॉर्मिन लेने के बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता, वो दोबारा डॉक्टर के पास जाता। डॉक्टर मेटफॉर्मिन के साथ एक और क्लास ऑफ ड्रग ऐड कर देता है, दैट इज कॉल्ड सल्फोलुरियास। ये ड्रग पेनक्रियास पे काम करते हैं। दिस ड्रग वर्क इन पेनक्रियास। ये ड्रग पेनक्रियास वाली फैक्ट्री को फोर्स करता है कि वो इंसुलिन को ज्यादा प्रोड्यूस करे। कुछ समय तो काम चल जाता है, बट आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ द मेडिसिन पेनक्रियास स्टॉप्स वर्किंग ऑल टुगेदर। दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एट ऑल। अब डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपके बॉडी ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, इसका मतलब आपको रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे दिन में कई बार। जितनी बार आप खाना खाएंगे उतनी बार इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा। बिकॉज द फैक्ट्री ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस इंसुलिन इज नाउ शट डाउन। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो पेनक्रियास डैमेज हो चुके हैं, उनमें से कुछ पेशेंट्स को कुछ साल के अंदर पेनक्रियाटिक कैंसर हो जाता है। बट देयर इज अनदर क्लास ऑफ ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। ये ड्रग इंटेस्टाइन में काम करते हैं। ये ड्रग इंटेस्टाइन को फोर्स करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट को स्लोली रिलीज करें। लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। बिकॉज ऑफ दिस द पेनक्रियास आर ओवरबर्डन, और कुछ समय के अंदर ऐसे पेशेंट्स के इंटेस्टाइन में, कोलोन में प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक ट्यूमर, कोलोन कैंसर। देन देयर इज अनदर क्लास ऑफ ड्रग, दैट इज कॉल्ड ग्लिटाजोन्स। ग्लिटाजोन पूरे बॉडी के सारे सेल्स पे एक साथ काम करती है ताकि सेल्स की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंसुलिन थोड़ा बढ़ जाए। बट इस ड्रग का प्रॉब्लम यह है कि जो पेशेंट ये ड्रग लेते हैं कुछ सालों तक, दे एंड अप बिकमिंग अ ब्लैडर कैंसर पेशेंट। इसीलिए दुनिया के कई देशों में ग्लिटाजोन्स आर बैंड, इंक्लूडिंग फ्रांस एंड जर्मनी। इंडिया में इस वक्त लगभग 30 लाख पेशेंट ग्लिटाजोन ड्रग्स ले रहे हैं। I mean, if you are on diabetes drug for some long time, that will be ending up with some other more serious illness. Aaj Bharat mein 15% population who are diabetic are blind also. About 20% of the population, they lost their limbs. More than 50% of the population, because of the side effect of the medicine, they are also a kidney failure patients. 1947 tak desh angrejo ka gulam tha. आज देश अंग्रेजी दवा गुलाम है। टुगेदर वी कैन हेल्प इंडिया फ्री ऑफ 3 Ds, ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स। एंड फॉर दैट आई नीड योर 3 hours, मुझे आपके 3 घंटे की जरूरत है। यह डायबिटीज ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 घंटे का है। इसका पहला भाग 2 घंटे का, दैट इज डायबिटीज रिवर्सल ट्रेनिंग प्रोग्राम, अ बेसिक कोर्स। इसकी मदद से आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे हाउ आई कैन रिकवर फ्रॉम डायबिटीज, एंड दैट टू जस्ट इन 3 days। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का अगला भाग, द सेकेंड पार्ट, इज ऑफ 10 मिनट्स। इट इज द फर्स्ट 24 hours ऑफ यूजिंग दिस मेथड, एंड द थर्ड पार्ट इज द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द पीपल हु यूज दिस मेथड। इस ट्रेनिंग के बाद अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो, उन सवालों के जवाब के लिए आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं मेरा वेबसाइट bishroop.com/diabetescureFAQs। आप अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट bishroop@yahoo.com। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपके काम आएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। आज का टॉपिक डायबिटीज है, वो भी टाइप 1 टाइप 2। अगर मैं आपको बोलूं कि डायबिटीज भी कोई बीमारी है ही नहीं, मुझे पता आप मानने नहीं वाले, बिकॉज आप में से काफी सारे लोग, मोस्ट ऑफ यू, आप दिन में 2 बार 3 बार डायबिटीज के लिए दवाइयां लेते हैं, ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं, तो कैसे मान लें? मत मानिए। लेकिन लेट मी प्रेजेंट माई सेल्फ, अंत में बताइएगा, राइट? तो सबसे पहली बात याद है कि दवाई हम छोड़ दें, दैट इज द इंटेंशन। वो मेरी इंटेंशन है कि आपकी दवाई छूट जाए फिर भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, और वो भी 72 आवर्स में। एंड दैट इज जस्ट पॉसिबल। ये इतना सिंपल है कि आपको विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक या तो आप खुद नहीं कर लेंगे, या फिर आप ऐसे लोगों को देख नहीं लेंगे जिन्होंने ऐसा किया है। उनमें से ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, तो हमारे मित्र महेश जी यहाँ पे, सर एक बार हाथ रेस कीजिएगा। यस, राइट। सो आपको एक बार वीडियो को दिखाना पड़ेगा।
एक यहाँ पे बैठे हैं कल्याण जी सर, ऐसे आप सबके बीच में कई लोग बैठे हैं, आपके नेक्स्ट वाले भी हो सकते हैं, और आप सोचेंगे तो पाएंगे अरे हाँ इनको तो जानते हैं हम, किसी न किसी रूप में जानते हैं, यहीं के रेजिडेंट हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं ये तो अलग अलग शहरों से अलग देशों से आए हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो मैं एग्जाम्पल दूंगा वो आपके शहर के आपके पड़ोसी के एग्जाम्पल दूंगा, राइट। सो नाउ कमिंग टू डायबिटीज, अगर मैं बोलता हूँ हाउ टू नो आई एम डायबिटिक, कैसे पता चलेगा डायबिटिक, सबसे पहले तो ग्लूकोमीटर से टेस्ट करेंगे और उसमें टेस्ट में कोई रिजल्ट आएगा एंड दैट इज द कंफर्मेशन कि डायबिटीज है कि नहीं। अगर मैं पूछूं क्या रिजल्ट आने से, फास्टिंग शुगर कितना आने से हम मान लेंगे कि हम डायबिटिक हैं, कोई भी आप जवाब दीजिए, व्हाट शुड द फास्टिंग शुगर टू अंडरस्टैंड यस वी आर डायबिटिक, 100 देखिए 100 150। नाउ ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपके जवाब वैलिड है, ये क्वेश्चन अगर आप हॉस्पिटल में जाके पूछेंगे तो बोलेंगे 100 100, राइट। अब ये 100 का चक्कर शुरू कहाँ से हुआ इस पे हम जाते हैं जरा, ये सवाल अगर मैं 1997 से पहले पूछता तो जवाब था 140, राइट। लेकिन 1997 में WHO ने एक पैनल बिठाया, एक पैनल को बोला देखना जरा ये ठीक है कि नहीं, उस पैनल ने बोला नहीं नहीं ये ठीक तो नहीं है, ऐसा करते हैं थोड़ा कम कर देते 126 कर देते हैं, और जैसे ही उसको 140 से लेके 126 किया, एक ही दिन में पूरे दुनिया में 14% न्यू पॉपुलेशन बिकेम डायबिटिक ओवरनाइट। कल रात तक तो ठीक ही थे, सुबह का कौन बोलते अरे मैं भी डायबिटिक रेंज में आ गया, मैं भी डायबिटिक हूं भाई, चलो भाई दवा खाना शुरू कर। बाद में देखा गया काफी बाद में कि वो लोग जिनका जो पैनल में थे, ये उनका नाम है आप शायद नहीं पढ़ पाएंगे वहां से, ये वो लोग हैं, ये वो साइंटिस्ट है जो इन सारे कंपनीज में कंसल्टेंट है, ये कौन सी कंपनीज है, ये वो कंपनीज है जो डायबिटीज की दवाइयां बनाते हैं। ये कोई मेरा खुद का मानना नहीं है, ये रिकॉर्डेड है सारा कुछ, राइट। ये पूरे एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड है, आपको नेट पे भी कुछ मिल जाएगा, कुछ वैसे आप मुझसे भी मांग सकते हैं। लेकिन इसके बाद उससे भी पेट भरा नहीं, तो 2003 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने उसको 100 कर दिया, 100 कर दिया। जिस दिन 100 किया उससे एक दिन पहले भारत में जो डायबिटिक पॉपुलेशन थी वो थी 1.3 करोड़, और जिस दिन उन्होंने 100 कर दिया उसके दो दिन बाद जो डायबिटिक पॉपुलेशन भारत में हो गई 2 करोड़ से ऊपर, और आज जो नंबर ऑफ पीपल आर डायबिटिक इन इंडिया दैट इज 6 करोड़, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आप बीमार हैं कि नहीं बीमार हैं, वो आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं, समबडी एल्स इज डिसाइडिंग एट सम अदर प्लेस, राइट। यानी कि आप डॉक्टर के पास गए, देखें कि 102 आपका ब्लड शुगर आ गया, यू आर डायबिटिक, यू मस्ट टेक इट बिलो, राइट, एंड दैट इज बीइंग डिक्रीजिंग डे बाय डे, वो दिन ब दिन वो कम ही होता जा रहा है। अभी भी झगड़ा चल रहा है WHO और रेडियो ADA में, इससे बात नहीं बन रही है, थोड़ा बिजनेस और करना है, थोड़ा और कम कर दो इसको, राइट। लेकिन आप देखिए हमारी मेमोरी ज्यादा पुरानी बात नहीं कि मैंने 1997 की बात की, हार्डली भी रिमेंबर दैट, वी डोंट रिमेंबर दैट, राइट। सो याद कीजिए 1997 से पहले, राइट, उस वक्त मैं कॉलेज में था, अगर मुझे कोई बोलता कि भाई डायबिटिक ढूंढ के दिखाओ, ढूंढ के नहीं मिलता। याद कीजिए जरा थोड़ा पीछे जाइए, राइट, 96 में 95 में डायबिटिक ढूंढना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम था। आज देखिए कौन सा ऐसा घर है जहां डायबिटिक पेशेंट नहीं है, राइट। सो क्या इंसान की बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री हैज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ 10 years 15 years, क्या मान लें इंसान की जो बायोकेमिस्ट्री है 10 साल पहले कुछ और थी, आज कुछ और हो गई, इसलिए आज अचानक डायबिटिक पेशेंट बढ़ गए और उसकी तादाद बढ़ती ही जा रही, कहां तो वो 1 करोड़ था, कहां वो 6 करोड़ हो गया, और ये बड़ी तेजी से बढ़ रही, बहुत तेजी से बढ़ रही, इट इज गोइंग ऑन वेरी वेरी फास्ट, राइट। सो अब करना क्या होगा, ये हुआ कैसे, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, क्विकली मैं उनका थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज हमारा इंटेंशन आज का ये है कि आज के बाद हम बिना मेडिसिन के, बिना इंसुलिन के हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे और हमें कोई बीमारी ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, दैट इज व्हाट इज द इंटेंशन, सिंपल। लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब थोड़ा बैकग्राउंड जान लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे, एट द थिंग विच यू डोंट बिलीव यू नॉट डू इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो एक कंपनी, उसका नाम है ग्लैक्सो, ऐसी कई सारी कंपनी है, एक कंपनी का नाम ले रहा हूँ ग्लैक्सो स्मिथ लाइन, और इन्होंने 20 साल पहले भाप लिया था कि अगर इंसान को कोई दवा देते हैं, लेट्स से डिप्रेशन की दवा देते हैं, वो डिप्रेस नहीं है, कुछ दिन तक वो दवा लेगा तो वो दवा के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट मेडिसिन, राइट। इमेजिन कीजिए आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप स्लीपिंग पिल लेते हैं यूं ही, कुछ दिन बाद अगर वो आपसे विड्रॉ करा लीजिए, आप सप्लाई बंद हो जाए, तो आपको एक्चुअली नींद नहीं आएगी, आप समझते हैं इस बात,
सिमिलरली लैक्सो को ये पता था कि अगर हेल्दी लोगों को भी अगर हम डायबिटीज की दवा या ब्लड प्रेशर की दवा स्लीपिंग पिल्स एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स अगर देने लग जाएं और थोड़े दिन तक दें तो उसके बाद वो उसके लिए जिंदगी का पार्ट बन जाएगा फोर्सफुली होगा ही होगा राइट तो उन्होंने पूरे दुनिया में अलग अलग सीएमए मतलब दैट इज कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन कर करके डॉक्टरों को ये ट्रेन किया हेल्दी लोगों को भी थोड़ा सा ये दवा दे सकते देना ही चाहिए राइट मैं आपको उदाहरण देता हूँ छोटा सा कोलेस्ट्रॉल की दवाएं आप नाम सुना होगा अपने से कुछ लोग लेते भी होंगे लेकिन कोलेस्ट्रॉल दवा लेने से पहले एक टेस्ट करते हैं उस टेस्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ज्यादा निकलता है तो ही लेते हैं नया नियम आया है कि जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो उसके लिए ये टेस्ट की जरूरत नहीं सीधा ही कोलेस्ट्रॉल की दवा दे दो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का नया नियम आया है ये नियम आपके डॉक्टर के ऑफिस तक पहुंचने में हो सकता है 3-4 या 6 महीने लग जाए राइट तो 6 महीने बाद आज से अगर वहां जाएंगे आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर एज माय एज इज 35 इयर्स ओके यू आर अ पेशेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल ये लो दवा जाओ राइट सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ऑफिशियल हो चुका है ये ऑफिशियल है ये राइट लेकिन ये डॉक्टरों तक पहुंचने के लिए वो मार्केटिंग टीम जाएगी वो पहुंचेगी कन्विंस करेगी तब डॉक्टर आप तक पहुंचेंगे इसको होते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा 1 साल लग जाएगा 6 महीने और लग जाएंगे बट दिस इज बीन डन और मुझे ये पता है कि जब ये होगा तब हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे उसी तरह से जैसे H1N1 को एक्सेप्ट कर लिया उसी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे तभी लगेगा ये तो है ये भी तो ले रहा है ये भी ले रहा है मेरा 35 साल है तो ठीक है राइट आज से पहले कुछ साल पहले 80 साल के लोग बोलते थे कि ये तो बूढ़ा हो गया आज 35-40 साल में बोलते हैं बूढ़े हो गए तो डेफिनेशन धीरे धीरे स्क्वीज होती जा रही स्क्वीज होती जा रही है सो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ग्लैक्सो को पकड़ा और ये बिगेस्ट हेल्थ फ्रॉड सेटलमेंट 2 जुलाई 2012 राइट को किया गया और उसके लिए $3 बिलियन उनको पे करने पड़े लेकिन तब तक वो $13 बिलियन से ज्यादा कमा भी चुके थे ऑलरेडी सो इट डजंट मैटर फॉर देम उन्होंने इसके लिए अलग भी पैसा बना के रखा होगा कि कभी ऐसा पकड़े जाएंगे तो ये कर देना है तो उनके कोर्ट के जो पेपर है वो मेरे पास है तो चाहे तो आप 20 पेज का पेपर है वो कोर्ट का पेपर आप देख भी सकते हैं लेके जा सकते हैं व्हाटएवर खैर इसके चक्कर में नहीं पड़ते सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि दवाइयों से इंसान बीमारी पड़ता है वो ठीक कभी नहीं होता उसे चुंगल से छुड़ाना बड़ा मुश्किल है राइट दैट इज वन थिंग दुनिया में देखा गया है कि जहां जहां पे डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई है वहां वहां पे इंसानियत की जो हेल्थ है अपने आप अच्छी होगी जितना जहां ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अनुसार देखा जहां जहां स्ट्राइक हुआ है वहां वहां का जायदा लिया गया कि वहां पे इंसानियत की हेल्थ अपने आप अच्छी हो गई इंडिया में देखिए अभी मार्च महीने में कानपुर वगैरह में 7-8 दिन के लिए स्ट्राइक हुआ था आपको याद है राइट ब्लैक रिबन लगाया था हम नहीं काम करेंगे आप बार मारने लगा 30 लोग मर गए 7 दिन में 80 हॉस्पिटल में 30 लोग मर गए राइट अब उतने ही 7 दिन में अब तो हॉस्पिटल खुले हैं ना राइट उतने ही हॉस्पिटल में 7 दिन में 1500 लोग मरते हैं राइट जबकि हॉस्पिटल खुले हैं राइट सो डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल इज एन इल्यूजन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड राइट सो तो करना क्या होगा ये हमें समझना जरूरी है व्हाट टू डू आज हम घर जाएं तो क्या करें राइट हम घर पहुंच गए इसके बाद सर व्हाट आई शुड डू ताकि अब मैं डायबिटिक ना हूं दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस इस ये बुलाने का आपका जो मेरा बुलाने का यहाँ विचार था वो ये है ओके क्या करना चाहिए उसके लिए पहले तो डायबिटीज समझना होगा तभी आप कर पाएंगे उसको उसके लिए चलिए मैं अपना अपने बंधु को बुलाता हूँ आप आ जाओ यस यस हाँ आप ही सेकंड हो आ जाओ सबसे पहले तो ये है कि डायबिटीज क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं नए नजर समझते हैं जो शायद आपके डॉक्टर भी नहीं बताएंगे क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होगा ओके क्या नाम है हाँ रत्नेश मेरा एक खास दोस्त है राइट हमारे मित्र जी का बेटा है तो रत्नेश इनको ऐसा लगता है कि इनको शुगर की बीमारी है शायद तो क्या करेंगे ये ग्लूकोमीटर लेंगे भाई उधार देना ग्लूकोमीटर और लगाया देखा आ गया 200 राइट फिगर आ गया ना 200 लेकिन 200 जो रीडिंग आई इसका मतलब क्या है अंदर क्या चल रहा है That is something वो आपको जानना जरूरी है 200 रीडिंग का मतलब क्या है 100 रीडिंग का मतलब क्या है रीडिंग तो देख लिया हमें ये भी पता है 100 रीडिंग है तो इसका मतलब मैं डायबिटिक नहीं हूँ 150 है तो डायबिटिक हूँ ये तो पता है लेकिन 150 है और 100 में फर्क क्या है अंदर कुछ अलग तो हो रहा होगा ना तो ये समझना जरूरी है अगर ये समझ लेंगे तो जो भांडा है वो फूट जाएगा H1N1 का भांडा 3 साल में फूटा और ये डायबिटीज में फिर 30 साल से चल रहा है 30 साल पहले नहीं था ये राइट हमारे जो इंसानियत है वो लाखों वर्षों की है इस लाखों वर्षों की इंसानियत में सिर्फ पिछले 30 साल से लोग डायबिटिक है उससे पहले कहाँ से याद कीजिए 30 साल पहले का कोई भी एक डायबिटिक पेशेंट आपको याद आता हो तो
याद नहीं आएगा था ही। आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अब मान लीजिए रत्नेश आपकी आपका वेट कितना है? ओके 40। आपका हाइट कितना है? 5'4". इनके बॉडी का सारा ब्लड अगर मैं निकाल लूं, सारा ब्लड निकाल लेता हूं इनके बॉडी का, तो अगर मैं बोतल में भर लूं तो करीब ऐसे पकड़ो रत्नेश 4 बोतल भर जाएंगे तो इनका सारा खून आ जाएगा, तो इनके पास एक भी बूंद नहीं बचेगी, सारा इसमें आ जाएगा। अब 4 लीटर है ये, अगर इनकी रीडिंग 100 है, इसका मतलब 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है, समझ रहे हैं? इसका मतलब पूरे खून में कितने ग्राम शुगर होना चाहिए 4 रीडिंग आने के लिए? 4 ग्राम, राइट? तो अगर आपको यह पता करना है कि रत्नेश के बॉडी में कितना शुगर है, तो इनका अगर ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं और 200 रीडिंग आ जाती है तो क्या बोलेंगे रत्नेश भाई साहब आपके बॉडी में कितना शुगर है? 8 ग्राम शुगर है, राइट? सो 1 लीटर में अगर 1 ग्राम शुगर होगा, 1 ग्राम शुगर या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो भी नाम दे दें उसको, तो वो रीडिंग 100 दिखाएगा। इसका मतलब अगर आपको अपनी रीडिंग 200 करना हो तो आपको 8 ग्राम डबल भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे बॉडी से खून निकालेंगे तो 4 नहीं 5 लीटर निकलेगा, राइट? तो मेरे बॉडी में अगर 100 यूनिट मुझे रीडिंग दिखाना हो तो कितने ग्राम मुझे बॉडी में शुगर भरना पड़ेगा? 5 ग्राम। ये कैलकुलेशन समझ आ रही है? ये यहाँ पे बेस है, ये समझ आएगा तो ही आएगा आगे बात को। नहीं क्लियर है ये? हाँ मैं रिपीट करता हूं, इसको रिपीट करता हूं मैं। इनके बॉडी में 4 लीटर ये ब्लड है, वो हर एक के बॉडी में कुछ ना कुछ ब्लड होता ही है, 4 से 6 लीटर के बीच में, राइट? सो 100 रीडिंग आने का मतलब 1 ग्राम 1 लीटर, 1 लीटर। 200 रीडिंग आने का मतलब 2 ग्राम 1 लीटर। किसी का 300 रीडिंग आएगा तो 3 ग्राम 1 लीटर, राइट? तो ये रीडिंग का मतलब इतना छोटा था, राइट? तो पर लीटर द ग्लूकोमीटर इज सेइंग कि पर लीटर ऑफ योर ब्लड इज हैविंग सो एंड सो ग्राम ऑफ शुगर, राइट? ये तो है सिंपल बात, राइट? इसको और सिंपल में कर देता हूं आपको समझाने के लिए। वो पाइप के पाइप और अब ये जो शुगर है, ये ब्लड है, ये कैसे जाता है? ब्लड जाता है इनके बॉडी में थ्रू ब्लड वेसल्स, पाइप है, बहुत सारे पतले पतले पाइप है। वो कितनी लंबी पाइप है ब्लड वेसल, उसकी जो लंबाई है यहां से चांद तक की है, राइट? जो 60,000 किलोमीटर उसकी लंबाई, वो इतने छोटे पतले हैं कि वो दिखाई भी देंगे आपको, कुछ उनमें से कुछ ब्लड वेसल्स, इट विल बी सो स्मॉल, लेकिन कुछ ब्लड वेसल दिखाई देंगे, राइट? आधे सेंटीमीटर का भी हो सकता है वो सबसे मोटा वाला ब्लड उसमें ट्रांसफर होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड ट्रेवल करता है, ब्लड ट्रेवल करता है और वो शुगर को, ब्लड में शुगर क्यों होता है? क्योंकि शुगर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को वो ट्रांसपोर्ट करता है टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी, टू वेरियस ऑर्गन, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, उन सेल्स को एनर्जी मिलती है, तभी तो हम जिंदा हैं। तो एनर्जी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? Who is doing it? ब्लड कर रही है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, राइट? लेकिन वो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? शुगर कर रहा है, राइट? क्योंकि शुगर एनर्जी है, राइट? वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है शुगर। भाई साहब आप भी शुगर लो, लंग्स को बोलता है थोड़ा शुगर आप ले लो, हार्ट को बोलता है थोड़ा आप ले लो, हर ऑर्गन को ब्लड का काम है पहुंचाना शुगर, राइट? लेकिन वो जो ब्लड है, ब्लड की अपनी एक लिमिटेशन है। अब इमेजिन कीजिए रत्नेश का ब्लड वेसल इतना बड़ा है, हालांकि ताकि आप पीछे तक देख पाए तब मैं इतना बड़ा मॉडल आया पकड़ो उसको, राइट? और ये रत्नेश का ब्लड है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर है, राइट? ऐसे, और इसके अंदर क्या क्या पड़ा होगा? शुगर होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है शुगर को। लेकिन इस ये ब्लड की जो कैपेसिटी है, लाल से याद रहेगा ब्लड है, वो ज्यादा नहीं है, राइट? इंसान के ब्लड का जो शुगर भार उठाने का कैपेसिटी है वो पहले से फिक्स्ड है, वो है कि 1 लीटर ऑफ उसमें सिर्फ 1 ग्राम ही वो भार उठा सकता है, उससे 50% ज्यादा या 50% कम कर लो तो वो ट्रक संभाल लेगा, 100% कर लो तो ट्रक बोलेगा ये मैं नहीं संभाल पाऊंगा, राइट?
तो ये आपको समझना होगा कि ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ये शुगर ट्रांसपोर्ट करता है. क्यों करता है? क्योंकि शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और वो एनर्जी बॉडी में जाएगी, उस एनर्जी को बॉडी बर्न करेगी और उससे ही तो हम जिंदा रहेंगे. वो एनर्जी वो स्पेंड करेंगे, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सारा कुछ तो एनर्जी है, राइट? एनर्जी कहाँ से मिलेगी? शुगर से. शुगर कौन पहुंचाएगा? वो ब्लड पहुंचाएगा. लेकिन ब्लड की लिमिटेशन है, वो बोलेगा कि भाई एक लीटर ब्लड में मैं सिर्फ एक ग्राम एक वन टाइम पे ट्रांसपोर्ट करूंगा, उससे ज्यादा होगा तो वो मना किया हुआ. ब्रेन में इसे कहते हैं मॉडल, इट इज कॉल्ड टारगेट 100 मॉडल ऑफ द ब्रेन. ब्रेन में ऐसी प्रोग्रामिंग है कि टारगेट 100 मॉडल, 100 मतलब द ब्रीडिंग 100 रन का मतलब एक लीटर में एक ग्राम. अब इमेजिन कीजिए रत्नेश क्या करते हैं. रत्नेश बहुत सारा इन्होंने चॉकलेट खा लिया, बहुत सारे शुगरी चीज खा लिया, लेकिन तो एक ग्राम रहेगा क्या? वो बढ़ जाएगा, राइट? तो ट्रक में एक ग्राम की जगह कितने ग्राम हो जाएगा? मान लो दो ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम हो गया ट्रक में. इट विल बी 2 ग्राम्स डबल, राइट? तो अब ब्रेन क्या करेगा? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि अगर डबल हो जाएगा तो ट्रक कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि ट्रक टूट जाएगा. तो गए रत्नेश. तो ब्रेन को पहले पता ही, रत्नेश इंसान क्या कर रहा है, ये सारा का सारा ना मेरे ऊपर बोझ डाल रहा ट्रक के ऊपर, राइट? 100 तक संभाल लूंगा, 150 तक भी संभाल लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो ब्रेन को चिंता होने लगती है. पहली चीज ब्रेन क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको रास्ते में गिरा देगा, राइट? रास्ते में गिरा देगा. तो रास्ते में रास्ता क्या है? ब्लड वेसल्स, राइट? आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, दैट इज द रास्ता, राइट? जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वही तो रास्ता, उसमें गिरा देगा. उसमें गिराने से क्या क्या गड़बड़ होगी? उसमें गिराने से ये जो ब्लड वेसल है ये टाइट हो जाएगा या लूज हो जाएगा? टाइट हो जाएगा. पहले इलास्टिक था, अब प्लास्टिक हो जाएगा. जब टाइट हो जाएगा तो आपके हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी पंप करने के लिए. उनको हार्ट डिजीज हो जाएगा या उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से वो शुगर है वो बाहर गिराएगा. शुगर क्या होगा कि इन बाउंड्री से लिंक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, राइट? जुड़ जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा. तो उससे वो टाइट हो गया, अब लूज था पहले, अब उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा. तो ब्रेन ने आपको बचाने के लिए, ट्रक को बचाने के लिए शुगर तो गिरा दिया, लेकिन उससे टाइट हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो हार्ट डिजीज, क्योंकि हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, राइट? एक दिन में नहीं होगा हार्ट डिजीज. हाई ब्लड प्रेशर वालों को हाई ब्लड प्रेशर रहने के 1 साल 2 साल 3 साल में धीरे धीरे हार्ट डिजीज होना शुरू हो जाता है. ये तो हो गया एक प्रकार. लेकिन ब्रेन चाहता नहीं कि भाई रत्नेश को या मुझे हार्ट डिजीज हो जाए या हाई ब्लड प्रेशर हो जाए. ब्रेन के पास एक और टूल है. एक और टूल क्या है? ब्रेन सोच सकता है कि ऐसा करता हूं, इस ट्रक को बोलता हूं, या तुम ऐसा करो जल्दी जल्दी शुगर ना अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा दो, जहां जहां पहुंचाना फटाफट पहुंचाओ, राइट? ताकि जल्दी पहुंचाने से, डबल स्पीड से पहुंचाने से जो टारगेट है उससे नीचे रहेगा ना. समझ नहीं पा, राइट? या तो ट्रक जल्दी दौड़ाया, फटाफट पहुंचा दे शुगर, राइट? जहां जहां पहुंचाने, दिन दिन सेल्स को पहुंचाने, दिन ऑर्गन को पहुंचाना, दिन टिश्यू को पहुंचाना है. लेकिन एक बात हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं शुगर, ये ब्लड यूं ही नहीं शुगर को ले जाके डंप कर देगा. उसके लिए चाबी चाहिए, राइट? चाबी से सारे सेल्स खुलेंगे और तभी शुगर उसके अंदर एंटर कर सकता है. उस चाबी को कहते हैं, कोई बता सकता है? इंसुलिन. इंसुलिन, राइट? अब इंसुलिन कहां होता है? अब जो इंसुलिन का एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का नाम है पैनक्रियास. वो दिखने में ऐसा होता है, वो कहीं यहां कहीं होगा, इनके थोड़ा आगे ऊपर पीछे पीछे भी हो सकता है, राइट? तो बॉडी ब्रेन ब्लड को बोलेगी या पैनक्रियास को बोलेगी, ऐसा करो चाबी ज्यादा प्रोड्यूस करो, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करो. चाबी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा बार ताला खुलेगा और सेल्स ज्यादा शुगर अपने अंदर खींच लेगी, ताकि अपने अंदर खींचने से ब्लड के ऊपर बोझ कम पड़ेगा. तो ये आइडिया तो ठीक है ब्रेन का, राइट? सो ब्रेन का ये आइडिया, इट इज गुड, राइट? लेकिन ब्रेन के इस आइडिया में गड़बड़ है. वो क्या गड़बड़ है कि जब बॉडी ज्यादा इंसुलिन यानी चाबी प्रोड्यूस करती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी एक और चीज ज्यादा बनाने लगती है, उसका नाम है IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. इट्स कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, राइट? बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है. कितना प्रोड्यूस करती है? जितना इंसुलिन बनता है. IGF का काम क्या है? आपके बॉडी में ग्रोथ करना, जिसकी वजह से, राइट, इनकी हाइट बढ़ गई, मेरी हाइट बढ़ गई,
राइट, दैट इज कॉल्ड IGF, वो हम सभी बॉडी बनाती है। लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में बनेगा तो गड़बड़ है, तो बॉडी के कुछ ऑर्गन ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। कोई भी बॉडी का ऑर्गन अगर ज्यादा तेजी से बढ़ता है उसका एक नाम है, उसे कहते हैं कैंसर। तो क्या आपको क्लू मिल रहा है? राइट, तो ब्रेन ने ट्रक के लोड, ब्लड के लोड को कम करने के लिए इंसुलिन की फैक्ट्री को बोला, भाई साहब आप थोड़ा ज्यादा इंसुलिन तो बनाओ, चाबी तो बनाओ। वो चलो चाबी, लेकिन ज्यादा चाबी बनने से ऑटोमेटिकली ये है कि IGF ज्यादा बन जाएगा। ये ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनने का मतलब बॉडी के कुछ ऑर्गन ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। बॉडी का कुछ पार्ट ज्यादा जल्दी से बढ़ेगा तो उसे ट्यूमर कहते हैं, उसे कैंसर कहते हैं। राइट, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ज्यादा जल्दी ग्रोथ होना दैट इज कैंसर इन सिंपल टर्म। लेकिन ज्यादा जल्दी ग्रोथ होने से फिर बहुत सारे और गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं, उसके हम नहीं जाते अभी। राइट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉडी एक बैलेंस मेंटेन करके रहती है, उसका थोड़ा इधर उधर तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो आपके मतलब की बात है, ज्यादा दवा एक है, एक दवा है उसे कहते हैं पायोग्लिटाजोन। आप सुना पायोग्लिटाजोन, एक दवा है पायोग्लिटाजोन, आप सबने सुना कुछ लोग यूज भी करते होंगे। पायोग्लिटाजोन ये वाला काम करता है, जो डायबिटिक लोग होते हैं 200 आ रहा है, डॉक्टर ने बोला इसको 100 के नीचे लाओ, तो पायोग्लिटाजोन उन्होंने ले लिया, उससे क्या हुआ कि जल्दी जल्दी जो शुगर है वो सेल्स के अंदर भरने लगा। लेकिन उससे, उस मेडिसिन से IGF ज्यादा जल्दी और ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अच्छा, IGF ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा उनको? What will happen to them? कैंसर होगा। तो ऐसे पेशेंट जो लोग पायोग्लिटाजोन लेते हैं कुछ साल तक, वो अल्टीमेटली कैंसर पेशेंट बन जाते हैं। इसीलिए पूरे दुनिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में पायोग्लिटाजोन इज बैन 2007 से। इंडिया में पिछले साल जुलाई 31 जुलाई को पायोग्लिटाजोन को बैन कर दिया पिछले साल। लेकिन एक महीने में ही राइट, इतना ज्यादा जोर पड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का उनके ऊपर, बैन को हटा दिया। अभी मिलता है दुकान में, आप में से कुछ लोग लेते भी होंगे। राइट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप सोचते हैं कि आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी उस डॉक्टर को या उस एसोसिएशन को या उस गवर्नमेंट की बॉडी के ऊपर है, ऐसा नहीं है। दिखने में तो लग रहा है कि मेरी शुगर लेवल कम हो रही है, लेकिन क्या आप शुगर लेवल कम करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग कैंसर? ऑफ कोर्स नॉट। राइट, अब एक और प्रॉब्लम होगा। राइट, वन मोर प्रॉब्लम इज, जब शुगर ज्यादा इसमें गिरेगा, जब इसमें ज्यादा शुगर गिरेगा तो एक और प्रॉब्लम क्या होता है, एक काम कीजिएगा, कल थोड़ा शुगर गला के ना आप अपने हाथ में लगा दीजिए, मल दीजिए अच्छी तरह से, सूख जाएगा। सूखने के बाद वैसे रहने दीजिए, वहां पे घाव हो जाएगा। राइट, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे इन्फ्लेमेशन। वो बाहर होगा तो आप देख पाएंगे अरे घाव हो गया, लेकिन वो बॉडी के अंदर होगा तो नहीं देख पाएंगे, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। राइट, और उस घाव, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस घाव से जुड़े हुए बीमारियों का नाम क्या है, आर्थराइटिस, पैनक्रियाटिस, गैस्ट्राइटिस, ओटाइटिस। जब भी कभी आइटिस वर्ड आ जाए, समझ लीजिए वो घाव हो गया उस जगह पे और आइटिस, और उससे क्या होगा, आपको दर्द होगा, पेन होगा, डॉक्टर पास भागेंगे। राइट, सो थैंक यू, सो रत्नेश थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू आपके लिए, थैंक यू सर। राइट, सो गिव हैंड टू रत्नेश। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी को आर्थराइटिस हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, राइट, किसी को हार्ट डिजीज हो गया, ये अलग अलग बीमारी नहीं है, ये ब्रेन का मैकेनिज्म है। ब्रेन को कुदरत ने बोला हुआ है, देखो भाई 100 मतलब पर लीटर पे 1 ग्राम, इससे ज्यादा फालतू हो तो 50% इधर या उधर, बस उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे उससे ज्यादा होता है तो ब्रेन अलार्म हो जाती है। अब मान लो हम 5 लोग हैं, राइट, आपके ब्रेन में, ब्रेन सोचेगा कि इसका फैक्ट्री में चालू कर देता हूं, चाबी ज्यादा बना देता हूं, तो हो सकता है आपको कैंसर हो जाए। आपके लिए वो सोचेगा मैं उल्टा बाहर रास्ते में गिरा देता हूं, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सो ये किस ब्रेन पे निर्भर करता है, आपके जेनेटिक मेकअप पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा वाला होने वाला बीमारी। वो चॉइस इज डिपेंड ऑन द जेनेटिक। जैसे ज्यादा अमेरिकन जॉइंट को ज्यादा कैंसर होता है, इंडियन को हार्ट डिजीज ज्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और फिर उसके बाद डायबिटीज हो जाता है। राइट, सो डायबिटीज होने का मतलब कि ब्रेन इनमें से कुछ भी नहीं कर रही है, ब्रेन बोल रहे मैं कुछ नहीं करता, तो 200 ही रहेगा ना। लेकिन वही अच्छा, कुछ भी ना करे 200 ही रहे, लेकिन 200 रहने से क्या, ट्रक पे ज्यादा लोड पड़ेगा या भूल गए, ट्रक पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो जो
पूरे ब्लड वेसल से उनमें जो सबसे थिनेस्ट कमजोर वाला ब्लड वेसल होता है जैसे आंखों के पीछे, उस पर ज्यादा जरूर पड़ेगा। ऐसे लोग अंधे हो जाते हैं, राइट, ऐसे लोग अंधे हो जाते हैं। सो दुनिया में करीब 20% पेशेंट डायबिटीज के वो ब्लाइंड होते हैं, राइट, या फिर सबसे ज्यादा जोर पड़ता किडनी की। सो किडनी डैमेज, किडनी फेलियर, 50% तक डायबिटिक पेशेंट का अंत ऐसा ही होता है। या फिर जो अंत नीचे वाले जो नर्व्स हैं, एंडिंग नर्व, जहां ज्यादा प्रेशर पड़ता है, राइट, वो नर्व जवाब दे जाते हैं तो उनके पैरों को काटना पड़ता है, राइट, 15% पेशेंट, यानी 100 लोगों को डायबिटिक अभी है तो आज से कुछ साल बाद उनमें से 15 लोगों के टांगे नहीं दिखेंगे आपको, टांगे उनको काटनी पड़ेंगी, राइट, ये चीज है। लेकिन कुछ केसेस में ब्रेन अलग ढंग से काम करता है, इनमें से भी अलग। बॉडी में एक पार्ट है बॉडी का जहां पे चाबी की जरूरत नहीं पड़ती ब्लड को, शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो कौन सा पार्ट है? इसके ऊपर हेड। यहां चाबी की जरूरत नहीं, इंसुलिन की जरूरत नहीं है बॉडी को, उसके बिना ही बॉडी में ब्लड शुगर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो जब किसी का ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो ब्रेन सोचता है यार बिना चाबी के मैं काम चला लूं, तो ऐसा करता हूं ये ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर जो है वो ब्रेन में डाल देता हूं। तो उन सारी बीमारियों को मिला के एक नाम दे देते हैं, 1998 में उन्होंने नाम दिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट। सो दुनिया के अलग अलग कंपनीज ने अलग 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 एसोसिएशन ने अलग अलग नाम दे दिया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं चलो इसे डायबिटीज टाइप 3 बोल देते हैं, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं इसे डायबिटी डायबिसिटी बोल देते हैं, WHO बोलता है नहीं हम तो भाई इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल देंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई अलग अलग बीमारियां नहीं है, इसको कैंसर हो गया, इसको डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज, वो हमें बहराने के लिए है। उसका रूट कॉज क्या है कि भाई वो जो हमारे ब्लड में जो शुगर है वो जरूरत से ज्यादा है। अच्छा, जरूरत से ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? तो वो पहले क्यों नहीं होता था, 10 साल पहले क्यों नहीं होता था जरूरत से ज्यादा, 20 साल पहले क्यों नहीं डायबिटिक थे? ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए फरीदाबाद का ट्रैफिक समझ लेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा। जिनको फरीदाबाद के ट्रैफिक में जाने की आदत है या दिल्ली के ट्रैफिक में जाने की आदत है उनको समझ आ जाएगा। देखिए, ट्रैफिक दो तरह के होते हैं, एक होता है VIP ट्रैफिक, ये कोई रूल नहीं फॉलो करती, राइट, जब ये आती है तो वो रेड लाइट होगी, ग्रीन लाइट होगी, कौन सा वाला लाइट हो ये तो सीधे निकल जाएगी। VIP का फुल फॉर्म पता आपको? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। दूसरा, हम और आप जैसे लोग, DIP, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल, राइट। सो जो देखती है रेड लाइट है तो रुकना चाहिए। अब क्या है कि हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन, यहाँ पे इंटेस्टाइन है, खाना जब आप खाते हैं खाना यहाँ से होके स्टमक से होके इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद उसके अंदर का जो शुगर है वो ब्लड में घुलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपने आप नहीं घुलता है। जब खाना आपके यहाँ पे पहुंचता है तो वो ब्लड में जाने से पहले इंटेस्टाइन के एंडिंग में यहाँ पे कुछ पहरेदार गॉड ने बिठाए हैं, उन पहरेदार का नाम बायोलॉजिकली से बोलते हैं इम्प्रिंटिंग, वो केमिकल होता है। वो इम्प्रिंटिंग क्या करता है, खाने को ब्लड में भेजने से पहले ब्लड देखो, जरा ब्लड शुगर जैसे शुगर वाले करते हैं, अब वही 90 हो गया चलो थोड़ा सा खा लो, अब देखो कितना हो गया, अच्छा 100 हो गया, ऐसा आपको टीच किया जाता है कि ऐसा करो, है कि नहीं, ऐसी ट्रेनिंग डॉक्टर देते हैं। क्योंकि देखिए ग्लूकोमीटर एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप एक बहुत बड़ा बिजनेस है, अनुमान भी नहीं लगा सकते आप इस बात से अनुमान लगाए, डायबिटीज की जो सबसे सस्ती दवा है मेटफॉर्मिन, राइट, वो एक दवा इंडिया में हर महीने, हर साल नहीं, हर महीने 100 करोड़ की, 10 साल में इंडिया में पिछले 10 साल में डायबिटीज पे इतना खर्चा हुआ जितना कि एक साल की इंडिया की GDP है, राइट, दैट इज द बिग इंडस्ट्री, राइट। तो ऐसा एजुकेट किया जाता है कि आपको बार बार ग्लूकोमीटर टेस्ट करना चाहिए, स्ट्रिप लेना चाहिए, डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, राइट, दीज थिंग्स, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, गॉड को पता है। तो गॉड ने पहरेदार बिठा दिए कि भाई ये इंसान पता नहीं कितना खाएगा, ज्यादा खाएगा कम खाएगा, लेकिन पहरेदार क्या करता है कि जो भी खाना आप खाते हैं उसका जो शुगर है, शुगर देखिए सारे खाने में होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा ध्यान रहता है केला कम कर दो, आम कम कर दो, वो बेचारा केला आम पे सारा कुछ चला जाता है, उसमें तो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा उस फॉर्म में होता है, राइट, जो कि आपको हार्म करे, ज्यादातर DIP होता है। अब DIP खाना क्या होता है, कुछ खाना ऐसा होता है कितना भी खाएं वो आपके ब्लड वेसल में घुलने से पहले वो इंप्रिंटिंग कौन है, पहरेदार, वो पहरेदार उसको बताएगा देखो भाई अब वो 90 पे आ गया है, थोड़े लोग चले जाओ अंदर, तो थोड़े लोग तब तक जाते हैं जब तक कितने में नहीं, कितने में ना आ जाए 100 पे, फिर पहरेदार बोलते रुको भाई रुको रुको, जब इंक्लूड कर लिया है,
जो डीआईपी नहीं है, वो डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल नहीं है, वो वीआईपी है, उसे इंक्रीडेंस से, उस पहरेदार से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपने अपना बोला, अभी अभी दिवाली है, दिवाली में आप कुछ पकवान बनाने में सिखाना चाहता हूँ, कुछ साथ साथ ले जाओ भाई, इस बार दिवाली में क्या खिलाएंगे, तो थोड़ा सा जल्दी जलाओ, एक 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 खाना, स्वादिष्ट खाना आपको बताऊं, क्योंकि टूट नहीं है, राइट, लेकिन आप इसको क्या कीजिए, आपके घर में कोई अगर आता है गेस्ट दिवाली में, दिवाली में आते हैं, तो आप इसको इसको धीरे धीरे डालते हो, राइट, इसको, ये बड़ा अच्छा टेस्टी खाना बनता है, ठीक है ना, खैर ये खाना बनता रहेगा, जाने से पहले लेके जरूर खा के जरूर जाइएगा, तब तक हम इस पे बात करते हैं जब तक खाना बनेगा। तो वीआईपी फूड क्या है, कुछ ऐसे फूड, ऐसा खाना जो हम खाते हैं और खाने के बाद वो इनक्रीटिंग यानी कि पहरेदार से ना पूछ के सीधे अंदर चला जाएगा, और तब क्या होता है, आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाएगा, किस मात्रा में बढ़ेगा, जिस रेशियो हमने खाना खाया हो, समझ आ रही बात है इसको, राइट। अब सवाल ये आता है कि वो वीआईपी फूड है क्या, कौन से वाले हैं, ताकि हम देखें कि हम उनमें से तो कोई नहीं ले रहे, राइट, सो उसको हम समझ लेते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और आपको याद भी रखना होगा, उसके लिए आप सिर्फ इसको याद रखिए, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, राइट, लेकिन एक और एमआरपी है, वो इट इज आर इज रिफाइंड प्रोडक्ट, राइट। रिफाइंड प्रोडक्ट क्या है, जब भी आप रिफाइंड प्रोडक्ट लेंगे, कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट लेंगे दुनिया में, वो पहरेदार की बात हो गई, मुझे समझा जाना है, राइट। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों बिहेव करता है, राइट, उसको समझते हैं थोड़ा, इसका साइंस क्या इसके पीछे, पीछे लिखा, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। देखिए शुगर लेते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, राइट, ये सारी चीजों के एग्जाम्पल एक साथ ले लेता हूँ। शुगर जब रिफाइंड नहीं होता है तो उसमें क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, कोबाल्ट होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, उसको रिफाइन कर देते हैं, तो ये सारा उठा के बाहर फेंक देते हैं, अब आपको मिलता है पैकेट में। अब जब इसको खा रहे होते हैं आप, तो इस जो हमारे बॉडी में इंक्रीडिंग वो पहरेदार है ना, वो पहरेदार इनको पहचानता है, इनको पहचानता है, तो इनको ये होगा तो वो पहरेदार से बातचीत करेगा कि भाई साहब रुको, और ये पहरेदार को पहचानते हैं, अब ये तो है ही नहीं, राइट, तो इस जब ये नहीं है तो शुगर जो रॉ जो रिफाइंड फॉर्म में है वो इस पहरेदार को बाईपास करके सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाके खुल सकता है, राइट। तो इसीलिए कोई भी रिफाइंड चीज जब लेंगे तो वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। अच्छा ये बताइए, केला आम रिफाइंड है या नहीं है, नहीं है, तो वो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, राइट, लेकिन हमें तो पता है ऐसा, राइट, बढ़ाता है, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा, राइट। पिज्जा रिफाइंड है या नहीं है, रिफाइंड है, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आप लोग घर जाके अपने बच्चों के साथ, एक एप्पल, एप्पल रिफाइंड है या नहीं है, नो, एक एप्पल लीजिए, एक पिज्जा लीजिए, रिफाइंड, रिफाइंड वाला वीआईपी और एप्पल डीआईपी, दोनों को जमीन काट दीजिए, जमीन में, और 3 महीने बाद दोबारा जमीन को खोदिए, जो एप्पल है वो गायब होगा, मिलेगा ही नहीं, राइट, और पिज्जा बिल्कुल वैसे का वैसे ही मिलेगा, कीड़े मकोड़े पिज्जा नहीं खाते, सिर्फ इंसान खाते हैं। कोई भी चीज जो खराब ना होती है, जो बाकी जानवर कोई नहीं खाता हो, राइट, जो सड़ती ना हो, वो खाना नहीं कहलाती, वो खाने कहलाने का जो उसका प्रॉपर्टी है, उसकी क्वालिटी, वो खत्म होगी, वो खाना नहीं। अच्छा ये बताइए खाना है क्या, ये खाना क्यों नहीं, बिकॉज ये सड़ेगी नहीं, इसका शेप चेंज नहीं होगा, ये 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा। अब आप अंडरस्टैंड कीजिए, रिफाइनिंग इसलिए की जाती है ताकि वो चीज सड़े ना। मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, एक बिजनेस ऐसा जिसमें रोज ही सड़ जाता हो चीज, फेंकना पड़ता हो, एक बिजनेस ऐसा 10 साल तक नहीं सड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप वाला बिजनेस करेंगे जो 10 साल तक जो चीज ना सड़े, चाहे वो कितना भी खतरनाक बाकी लोगों के लिए क्यों ना हो जिनको आप बेच रहे हो, राइट, बिजनेस वाइज तो यही सेंस कहता है। तो रिफाइनिंग की जो दुनिया है वो 1973 से पहले नहीं थी इंडिया में, 1973-1974 तब नहीं थी, और उससे पहले याद कीजिए पेप्सी, मैगी, नूडल्स सब कहाँ थे, उसके बाद आए 1976-1977, तब अमेरिका ने फैला दिया और खुद अपने भी, राइट, बीमार पड़ गए, पूरे दुनिया में भी फैला दिया। कई लोग बोलते हैं तो क्या उसके बिना हम जिएंगे कैसे, लेकिन वो तो थी नहीं थोड़े दिन पहले, तब हम जीते तो थे, तब थोड़ा ना मर जाते थे, राइट। तो ये सोच
कि उसके बिना जीवन नहीं है, रिफाइंड के बिना ये गलत है। अब आप इमेजिन कीजिए सफोला, राइट, आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है बाई चांस, सफोला वर्ल्ड हार्ट डे मना रहा है, ताकि आपको एसोसिएशन हो जाए कि मेरे हार्ट की अगर मुझे ध्यान रखना है तो मुझे सफोला लेना चाहिए, जबकि है इसका विपरीत, अगर आपको हार्ट का ध्यान रखना है तो सफोला को तो उठा के कहीं कचरे में ही डालना चाहिए, राइट। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा सफोला लो, उसको पूछेंगे सफोला क्यों लो, तो बस वो पूछने ना पूछे आप तो वो अपना गंभीर सा चेहरा ऐसे बना के हमेशा रखते हैं ताकि कोई पूछने की दावत आए ही नहीं, राइट। मैं आपको बोलता हूँ आप मेरे इस सेमिनार के बाद जितना चाहे पूछ सकते हैं मुझसे, कौन डॉक्टर बोलेगा ऐसा, कोई बोलेगा नहीं, राइट। सो ये रिफाइनिंग की दुनिया है, राइट। इसीलिए रिफाइंड चीजें जब हम खाएंगे वो फूड नहीं है, दैट इज नॉट अ फूड फॉर द वेरी फर्स्ट प्लेस। और जो चीज खाना ना हो वो खाएंगे तो भाई हमें बीमार तो पड़ना ही, राइट। सो अब आते हैं दूसरे पे, मिल्क। मिल्क एक खाना जरूर है, लेकिन अब क्या है कि आज के मिल्क और पहले मिल्क में थोड़ा फर्क हो गया। इसको थोड़ा गहराई समझिए। हमारे कुछ मित्र हैं, जब भी मैं लेक्चर का ये पार्ट देता हूँ तो वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं। महर सिंह यहाँ पे हैं कहीं, वहाँ पे हैं, राइट। मैं नाराज नहीं करूँगा, राइट, लेकिन मैं बोलूंगा वही जो एक्चुअली मुझे पता है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, राइट। अब दूध हमारे परदादा हमारे पुरुष सब खाते थे और सब हेल्दी थे, 100 साल जीते थे, लेकिन आज एक गड़बड़ है, क्योंकि आपने रिफाइंड फूड बहुत ज्यादा खाया पिछले 10-20 साल में। अगर आपका फ्रिज खोल के देख लूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं इसको समझाता हूं। नागपुर में गया, वहां एक डॉक्टर पोर्तू गए, वहां के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर साहब आज ब्रेकफास्ट मेरे घर कीजिए। मैंने कहा कि मैं तो बाहर खाता नहीं, मेरे घर में घर का खाना होगा ना, मैं चलिए चलते। घर में गया तो खाना दिया, उसमें सॉस था, जैम था, ब्रेड था, बिस्किट था। मैंने कहा घर का खाना खाएं, अरे घर पे खा रहे तो घर का खाना हुआ नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि, और ये डॉक्टर पोर्तुगी की बात नहीं है, हालांकि वो कार्डियक सर्जन है, राइट, उनके बड़े भाई MP रह चुके हैं, मतलब अच्छे खासे एस्टेब्लिश कर लिए हैं, लेकिन छोटी सी नॉलेज ये समझ नहीं आती कि धीरे 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 हमारी एक्सेप्टेंस हो जाती है। हमें ब्रेड को अब खराब नहीं मानते, फास्ट फूड का मतलब यही रह गया कि जो हम जाके रेस्टोरेंट जहाँ मैकडोनल्ड लिखा वो खाएं तो वही फास्ट फूड है, लेकिन बॉडी में मैकडोनल्ड का पिज्जा वैसे ही काम करता है जैसे आपके घर पे रखा हुआ ब्राउन वाला ब्रेड काम करता है। ब्राउन अब क्या है कि व्हाइट ब्रेड थोड़ा सा लोगों में, राइट, वो मिसलीडिंग या लोगों में उसको थोड़ा सा उसका नाम खराब हो गया तो उसको ब्राउन पेंट कर दिया कि ब्राउन ब्रेड खाओ, ब्राउन ब्रेड खाओ। ब्राउन हो या व्हाइट हो वो कलर है या आपके दिमाग का, बट उसके जो बॉडी में जो काम करेगा, बोथ ऑफ देम आर इक्वली रिफाइंड एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली डैमेजिंग। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्योंकि हम रिफाइंड फूड खाते हैं और इस ढंग से खाते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि हम वो रिफाइंड है। अब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सब बोला मैंने कितने सर नाम लिए, बिस्किट ले लिया, रस सुबह सुबह पीते हैं जो पहले नहीं किया करते थे, 20-30 साल पहले नूडल खा लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारे जो बॉडी में इंटेस्टाइनल एरिया है उसमें जो इंटेस्टाइनल लेयर है उसकी जो वॉल है वो वॉल इज बिकमिंग थिन, जरूर ज्यादा कमजोर होगी। कमजोर होने से अब क्या है, इस बात को जरा गहराई समझिए, जब आप दूध पीते हैं, स्पेशली गाय का दूध पीते हैं, तो गाय के दूध में हर एक जितना भी खाना आप खाते हैं दुनिया में सब में ठीक पक रहा है, जितना भी खाना आप खाते हैं सब खाने में वॉट एवर यू ईट, राइट, हर खाने में प्रोटीन एनिमल होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसके बिना कोई खाना दुनिया में होगा नहीं। एनीथिंग विल हैव थ्री थिंग, राइट, कम ज्यादा वो अलग बात है। जब दूध लेते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, दूध के प्रोटीन का एक नाम है उसे कहते हैं केसीन। दूध का प्रोटीन का जो अगर आप देखें, अगर उसको माइक्रोस्कोप में वो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा दूध का प्रोटीन माइक्रोस्कोप में, लेकिन ये कितने कितने होंगे रिंग, 17 रिंग होंगे, लेकिन किसी और का प्रोटीन में 18 हो सकते हैं, प्रोटीन में 19 हो सकते हैं, दूध वाले में कितने हैं 17। इसीलिए वो दूध है, किसी का 18 होगा तो कुछ और बन जाएगा प्रोटीन, राइट। और ये जब पेट में जाता है आपका दूध, तो पेट क्या करता है, इसको टुकड़ों में काटता है, हर रिंग को अलग अलग कर देता है। अब वो इस लायक है कि बॉडी के ब्लड में जाए, राइट, नहीं तो इस लायक में नहीं जा सकता। तो पेट का काम ही है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, हर रिंग को अलग कर देगा। लेकिन दूध का प्रोटीन क्या करता है, ट्रिक करके वो हमारे इंटेस्टाइन अब थोड़ा कमजोर पड़ गया तो बिना छोटे छोटे टुकड़ों में कटे ही वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है, राइट। अब इससे क्या होगा,
इस फॉर्म में घुलने से वो हमारे बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, नुकसान का है। तो हमारा ब्रेन ऐसा कोई चीज जो गलती से घुल जाए ब्लड में और जो बिना अलग अलग हुए घुल जाए किसी भी खाने का, तो ब्रेन ऐसे सोल्जर्स एंटीबॉडीज बनाता है, ऐसे इम्यूनिटी सोल्जर बनाता है जो इसको मार सके। उन सोल्जर को ब्रेन सिखाता है, देखो जहां भी 17 मिल जाए, 17 मिल जाए ना, उसको मार देना, राइट। मान लो यूं कि इंस्पेक्टर पीछा कर रहा है एक पीछे वाले कोई चोर का, और रास्ते में आप मिल जाए कि जो भी मुचालों में मिल जाए ना, मार डालना उसको, तो चांसेस ये कि आपको गलत आदमी को भी मार देंगे, बिकॉज आपने आइडेंटिफिकेशन क्या रखी, मूछ। तो ब्रेन आइडेंटिफिकेशन क्या रखी, 17, राइट। इंटरेस्टिंगली हमारा जो फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री, इंसुलिन की फैक्ट्री, राइट, जो मैंने बताया था ना केले के एग्जांपल से, उस फैक्ट्री का जो बीटा सेल है, जो फैक्ट्री का वर्कर है जो इंसुलिन बनाता है, उसका जो कोड है वो भी 17 है, 17। तो ब्रेन के जो सोल्जर्स हैं, दूध को के वो गलती से घुसाए गए प्रोटीन को मारने के चक्कर में, वो गलती से वो जो हमारे वर्कर है जो इंसुलिन बनाते हैं उनको भी वो प्रोटीन मार लेता है, क्योंकि वो भी 17 है, उनको मारना वो शुरू कर देता है, राइट। लेकिन बॉडी तो बनाता है रोज, लेकिन वो रोज ही मार रहा है, बॉडी बना रहा है, रोज मार रहा है, लेकिन वो जो इंसान है वो रोज दूध भी पी रहा है। तो जैसे जैसे दूध पीने की स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रोटीन और अंदर घुसेंगे, जितना प्रोटीन अंदर घुसेंगे ब्रेन सोचेगा सोल्जर थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, वो सोल्जर और बढ़ा देगा, और एक टाइम आएगा कि वो सोल्जर क्या करेगा, दूध के प्रोटीन को तो रोज मार रहा है, दूध तो वो बंदा पी रहा है, रोज ही मारना पड़ रहा है, उस चक्कर में जो बीटा सेल है यानी कि जो वर्कर है जो इंसुलिन बनाते हैं वो पूरी तरह खत्म करते हैं, और ऐसा अक्सर होता है, उसे कहते हैं डायबिटीज टाइप वन, राइट। सो उसका जो सोल्जर जो वर्कर है जो इंसुलिन बनाते थे, बेचारों का लेवल 17 था, तो वो सारे मर गए, बॉडी ने फिर प्रोड्यूस किया, फिर मर गए। अब ब्रेन ने इतने ज्यादा तादाद में बना दिया क्योंकि वो दूध ज्यादा पी रहा है, राइट, तो बॉडी में से वो वर्कर सारे चले गए। अब जब उसका बॉडी इंसुलिन नहीं बनाएगा तो जो भी खाना वो खाएगा वो ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, कहां पे, बॉडी का अलग अलग अंग में, तो शुगर बॉडी में घूमता रहेगा, शुगर हाई आ जाएगा, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही सेल्स में, तो सेल्स में जान नहीं रहेगी, तो वो थका थका सा फील करेगा, उसे चक्कर आ जाएंगे, उसे उल्टी आएगी, वो बीमार पड़ जाएगा, वो राइट ही में डाय। तो दूध मैंने देखा, राइट, मेरे क्लिनिकल एग्जाम्पल में आज आपको मैं मिलाऊंगा कई सारे मेरे पेशेंट से, जैसे ही दूध वो खत्म करते हैं तो दूध खत्म करते ही ब्रेन का जो सोल्जर है, ब्रेन वो सोल्जर का प्रोडक्शन भी बंद कर देता है, राइट। और वो प्रोडक्शन बंद हो गया तो बॉडी तो बीटा सेल बना ही नहीं थी, राइट, नया बीटा सेल बनाएगी, तो बीटा सेल मतलब वर्कर, तो वो इंसुलिन बनाएगी, तो इंसुलिन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट। लेकिन अब इस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी डॉक्टर की बात कीजिए, राइट, अब मैंने अपने टीम में से हमारे डॉक्टर इंदु उनको भेजा था अपोलो हॉस्पिटल, यूं ही इस सेमिनार की, उनको बोलो कि भाई हमें डायबिटीज है, कोई लिख के सबसे ऊपर लिख के दिया, दिन में 2 बार 2 ग्लास दूध जरूर पीना है, 2 बार दूध जरूर पीना, सबसे ऊपर लिख के दिया, राइट। सो ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर हमें मारना चाहता है, हमें डायबिटीज बनाना चाहते हैं, लेकिन दैट इज हाउ दे आर एजुकेटेड, राइट। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिस इज बीइंग ऑलरेडी प्रूवन, ये हार्वर्ड में हर जगह ये मान्यता ऑलरेडी मिली हुई है कि डायबिटीज टाइप 1 का सबसे बेसिक कारण होता है दूध, ऑलरेडी मान्यता है हर इंस्टीट्यूशन में, राइट। जितने सारे इंस्टीट्यूशन आप मेडिकल साइंस के जानते हैं दुनिया में, आप चेक कर लेंगे, आजकल तो सब कुछ गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, मान्यता है। मेरा सवाल आपसे भी उनसे भी कि जब ये मान्यता पता चल गया है तो हम पेशेंट को क्यों नहीं बता रहे, राइट। मिल्क इज नॉट ए पॉइजन, बट फॉर दैट पेशेंट इज अ पॉइजन, क्यों, क्योंकि उसका ब्रेन कुछ और गड़बड़ करने लगा है, राइट। सो यहाँ पे हम आगे अगर बढ़ते हैं एमआरबी में, तो 3 तरह की चीजें होंगी हैं, एक हो गया मिल्क, एक हो गया रिफाइंड प्रोडक्ट, एक हो गया पैक फूड। ये तीनों हैं, दीज आर कॉल्ड वीआईपीस। जब भी ये कोई भी खाएगा दुनिया में, और खाते हुए 2-3 साल हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता उसको बीपी ना हो, उसको हार्ट डिजीज ना हो, उसे कैंसर ना हो, उसे डायबिटीज ना हो जाए, वो मोटा ना हो जाए। मोटा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, राइट। हमारे इंडिया में जब लोग मोटा होते हैं तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को डस्टबिन पता है, वो ये ब्रेन यहाँ जमा करने लगता है, तो एक पतला इंसान भी यहाँ से मोटा होता है। अमेरिका में जो जेनेटिक है ब्रेन की मेकअप, वो ब्रेन जो जमा करती है वो पीछे जमा करती है इधर, राइट। तो बहुत मोटा होगा तो इधर से मोटा होगा, इधर से मोटा होगा। अब ये बताइए, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो इधर है कि इधर है,
पेट में इधर है ना, राइट, तो हमें ज्यादा खतरा है क्योंकि हमारी टेंडेंसी है इधर जमा करना पॉइजन को, राइट, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, हम यहाँ से ज्यादा ओबीज होते हैं, कहीं और से कम ओबीज होते हैं, इसलिए और ज्यादा खतरा है हमें डायबिटीज से, ओबेसिटी से। जेनेटिक मेकअप हमारी ऐसी है, शायद हमारा ब्रेन हमें चाहता है देखो रो दो, देख के याद दिला, देखो यार कुछ गड़बड़ कर, ठीक कर लो उसको, इसलिए वो आगे देता है, पीछे होता रहेगा मैं क्या दिखेगा थोड़ा ना कि क्या हो रहा है पीछे, राइट। कई बार मैं, आज ही मैं दोपहर को दुबई से लौटा हूँ, मैं ज्यादा ऐसे ट्रेवल ही करता रहता हूँ, और जब मैं इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट में खड़ा होता हूँ मैं देखता हूँ बाप रे कितना लंबा लाइन है, कितना टाइम लग जाएगा, फिर देखा टाइम तो जल्दी आ गया, वियतनाम के एयरपोर्ट में खड़ा रहता हूँ ये लाइन तो है नहीं लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, मैं भूल जाता हूँ कि बीच में ये तो मैंने गिना ही नहीं इंडिया में। सो लेकिन अब क्या है कि इंडिया में इतना देखने की हमें आदत जो पड़ गई है कि हमें लगता है ये तो ठीक ही तो है, इसको भी है, इसको भी है, मेरे पास भी है, तो ठीक तो है ये, राइट। तो ठीक क्या होता है, गलत क्या होता है, दैट इज समथिंग ट्रिकी। कोई भी चीज ठीक कब होती है जब उसको बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। When we see a particular thing again and again and again and again, तो हमें लगता है ये तो ठीक है, right? Logically क्या है? That is not important, right? But उस चक्कर में क्या हो रहा है कि हम मारे जा रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, बुरी तरह बीमार पड़ रहे हैं, right? So अब करना क्या होगा? That is more important. आज के बाद हम क्या करें यहाँ से जाके? मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसमें कि आज के बाद आप 72 घंटे 72 hours वो करें जो मैं आपको बोलूंगा, और उसके बाद आप रिपोर्ट दें। रिपोर्ट मुझे पहले से पता है, जो लोग जिनकी डायबिटीज पिछले 3 साल तक है, 3 years, 72 आवर्स में उनकी गोलियां खत्म करना मजबूरी हो जाएगी, मजबूरी इसलिए क्योंकि गोलियां खाते रहेंगे तो हाइपोग्लाइसिमिया, हाइपोग्लाइसिमिया मतलब कि शुगर इतना लो हो जाएगा कि वो ही खतरनाक हो जाएगा, राइट। तो मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वाकई में रोज 2-3 बार ग्लूकोज ब्लड शुगर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत फास्ट ठीक हो रहे होंगे, आपका ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा होगा, और 2-3-4 दिन में, हफ्ते भर के अंदर, अगर जो 3 साल तक के डायबिटिक पेशेंट हैं, दे विल बी फोर्स टू लीव देयर मेडिसिन, दैट इज फर्स्ट थिंग, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जिनकी डायबिटीज से ज्यादा है, 4 साल 5 साल 10 साल वाले, राइट, 3 दिन के बाद हर दिन, हर 1 साल के लिए आप 2 दिन ऐड कर लीजिए, यानी कि कोई अगर 10 साल से डायबिटिक है तो उसको कितना दिन लगेगा, 3 plus how many days? 20 days. वो जो दवा ले रहा था उस दवा से जो फोर्सफुली जो बॉडी में गड़बड़ होती है, दैट इज द थिंग, साइड इफेक्ट की वजह से टाइम लग रहा है, ना कि शुगर के एक्चुअली बैलेंस बिगड़ने से टाइम लग रहा है, राइट। जो नए नए शुगर पेशेंट बने 1 साल के अंदर वाले, वो तो पहले दिन में ही उनको शुगर का मेडिसिन तो फेंकना ही पड़ेगा, पहले दिन में, फर्स्ट डे। सो ये क्या करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, पहले तो आप इसको समझिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पैक्ड फूड, राइट, पैक्ड फूड। और इसमें इस बार दिवाली में आपको वो नहीं करना जो आपने इस बार अभी तक किया है, ये है ट्रॉपिकाना मेरे पास, और एक और ये है संतरा, राइट। इमेजिन कीजिए कि संतरे को मैं जूस करता हूँ, ट्रॉपिकाना का भी इसमें लिखा है कि 100% प्योर जूस, कोई भी चीज एडिट नहीं है, ऐसा कुछ लिखा है इसमें, और ये भी 100% प्योर ही है बिकॉज आपके सामने है। इन दोनों का अगर जूस करते हैं, राइट, अगर मैं संतरे को जूस करता हूँ और उसको मैं एक माइक्रोस्कोप के अंदर डालता हूँ, तो वो कैसा दिखेगा वीडियो, उस पर आप ध्यान दीजिए, हाउ द वीडियो विल बी। और आप गौर से देखिए इस वीडियो को, क्या ये जिंदा है या मरा हुआ? इट इज लाइव, इट इज लाइव। ये जो है इसे कहते हैं एंजाइम्स, लाइव एंजाइम्स, राइट, ये जिंदा है और ये संतरे के जूस के अंदर माइक्रोस्कोपिक व्यू है। लेकिन अगर ट्रॉपिकाना का जूस अगर आप करेंगे और वो माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, राइट, कोई लाइव चीज नहीं होगी। इसका काम क्या है, इसका 2-3 काम। पहला काम क्या है कि ये बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूसरा काम क्या है कि बॉडी के अंदर कुछ अगर गंदगी है, कोई अगर पॉइजन है, तो उसको वो क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, तो बाहर से कवर कर लेगा, तो उससे क्या होगा, उससे वो गंदगी, वो पॉइजन, वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड्स आपको आपको तंग नहीं करेंगे, या आपको वो डिजीज नहीं करेंगे, या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, राइट। सो लेकिन अगर ये नहीं रहेंगे ट्रैप, ये चीजें नहीं रहेंगी, राइट, लाइफ फोर्स नहीं रहेंगे जैसा कि इसमें नहीं है, राइट,
ये जो लाइफ फोर्स है इसका एक और काम कि जब ये बॉडी में जाता है तो ये इंक्रीटिन वो जो पहरेदार है उसका दोस्त भी है, सबसे पहले जाके बोलता भाई साहब सब ठीक है क्या, मैं अंदर जा सकता हूँ ब्लड के साथ? वो बोलेगा नहीं रुको भाई अभी देखता हूँ मैं। लेकिन शाइनिंग आपने देखा लाइफ फोर्स वो तो मर गया। तो अब ये जो जूस आप पियेंगे ये सीधा के सीधे इंटेस्टाइन से होता हुआ बिना पूछे इंक्रीटिन से वो सीधा ब्लड में घुल जाएगा, राइट? तो चाहे इसमें और इसमें विटामिन सी एग्जैक्टली सेम हो लेकिन विटामिन सी से हम जिंदा नहीं रहते, हम ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, ये भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा, राइट? सारा ध्यान साइंटिस्ट कहाँ देते हैं या कोई डॉक्टर कहाँ देते हैं, देखो दोनों में विटामिन सी सेम है, विटामिन ए सही सेम है, मिनरल सेम है, प्रोटीन सेम है, लेकिन वो जिंदा है या वो मर गए हैं वो भी देखना हमारे लिए जरूरी है। सो ये बात का हमें ध्यान देना कि जब भी मैं कोई भी खाना खा रहा हूं अगर उसको मैं माइक्रोस्कोप में डालूंगा क्या वो ऐसा दिखेगा, अगर तो ऐसा दिखेगा तो वो खाना है और ऐसा नहीं दिखेगा तो उसको थ्रो करना है, फेंकना है, राइट? तो दैट इज वन थिंग। लेकिन ये मैंने देखा कि डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल, कई बार मैं बोलता हूँ लोगों को तो लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट? ये हो नहीं सकता, राइट? इसके पीछे भी एक साइंस है, राइट? उस साइंस पे मैं अभी आऊंगा। वीआईपी डाइट जो है वो आपके सामने है, आप स्पेशली मैं डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर डायबिटिक लोग हैं, राइट? उनको क्या करना है, ये जरा माइक देखो, डिस्टर्बेंस देखो इसको। सो यहाँ पे क्या करना है, काउ मिल्क को नट मिल्क में कन्वर्ट करना है, राइट? दूध पीना है लेकिन काउ का नहीं, नट का दूध। नट का दूध कैसे बनाना है, कोई बादाम है, राइट, कैशो है, उसको 4-5 घंटे भिगो लीजिए, उसको मिक्सी में डालिए, एक ग्लास पानी डालिए, आधे कप कैशो नट में, वो दूध बन जाएगा। चाय की जगह, चाय में क्या होता है, चीनी होता है, चीनी रिफाइंड होता है, दूध होता है, वो तो मना किया हुआ है। हुंजा टी, हुंजा टी कैसे बनाएंगे, आज जाने से पहले हुंजा टी आप पी के जाए और उसकी रेसिपी लेके जाएंगे, राइट? ये इसकी रेसिपी भी ले जाएंगे, इसको ठीक करो ना। नाउ पैक फूड की जगह ये रेसिपी आपके लिए, 12 बजे से पहले सिट्रस फ्रूट, सिट्रस कौन से होते हैं, जैसे मौसमी है, जैसे पाइनएप्पल है, जैसे अनार है, इवन एप्पल है, सिट्रस फ्रूट 12 बजे से पहले, राइट? यहाँ थोड़ा कम लिख दिया है, 500 ग्राम से आप 1 kg कर लीजिए, छिलका छीलने के बाद, राइट, गुठली निकालने के बाद, बीज निकालने के बाद, तब एक बार में नहीं खाया जाएगा, 2 बार में 3 बार में खाना ही खाना है, जितना खाएंगे उतनी भूख बढ़ेगी, घटेगी नहीं, राइट? और रिफाइंड फूड, राइट, को छोड़ के रॉ वेजिटेबल 400 ग्राम × 2, राइट, 2 बार लंच में डिनर में, यानी कि सैलड टाइप, और उसके खाने के बाद अगर जगह बचे तो जो आप ऑलरेडी खा रहे रोटी चावल सब्जी जो वो उसके बाद आप खा सकते हैं। सो कोल्ड ड्रिंक को आप रिप्लेस कर देंगे कोकोनट वाटर, राइट? कोल्ड ड्रिंक को छोड़िए, कोकोनट वाटर को अपनाइए, राइट? तो ये अगर करते हैं और ये करते हुए अगर 3-4 दिन हो जाते हैं, राइट, आपकी मजबूरी होगी, जैसे अब मैंने आपको बताया यू हैव टू ड्रॉप द मेडिकेशन, छोड़ना पड़ेगा, राइट? सो लेकिन ये दिखने में लगता है ये तो कितना आसान है लेकिन कोई करता नहीं है इसको, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? तो सवाल मेरे दिमाग में आता था, कई लोगों दिमाग में आएगा, तो अगर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सब लोग इतने बीमार क्यों है, सबको बता दो ये सब ठीक हो जाएंगे, कौन ठीक नहीं होना चाहता? ये सवाल मैंने पूछा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, इनका नाम है रॉबर्ट ज़िबरमैन, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है क्लीवलैंड क्लिनिक यूएसए में, उसका डायबिटीज डिपार्टमेंट का के डायरेक्टर ज़िबरमैन, उनको मैंने यही सवाल पूछा कि सर ये दिस इज अ डाइट और इस पे तो मेरे सारे पेशेंट 3-4 दिन में 5 दिन में 6 दिन में ठीक हो जाते हैं, जो इसको ठीक से फॉलो नहीं करता वो 20 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक तो हो जाते हैं। तो उनका जवाब था कि नहीं ऐसा नहीं होता। फिर मैंने उनको याद दिलाया, सर ऐसा होता है, ऐसा आपके हॉस्पिटल में भी होता है, आपके हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, उनका नाम है कॉल्डवेल असिस्टेंट, वो ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हम उन्हीं को बोलते हैं जो बहुत बीमार हैं और वो लोग ठीक होते हैं, सबको नहीं।
अब समझिए कि बहुत बीमार हो तो उससे ठीक हो सकता है, कम बीमार है तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेट मी बी मोर सिक ताकि मैं उससे ठीक हो जाऊं, राइट? सो थैंक यू। फिर मैंने इनको याद दिलाया कि बिल क्लिंटन जो ठीक हुए थे वो भी तो ऐसे ठीक हुए थे, राइट? तो बिल क्लिंटन की बात मैं आपको बताऊं, 2004 में बिल क्लिंटन को 4 बाईपास सर्जरी हुए, 2005 में एक लंग सर्जरी हुआ, हार्ट ब्लॉकेज था, राइट? उसके बाद हार्ट ब्लॉकेज सर्जरी करते करते लंग्स भी कमजोर हो गए, लंग सर्जरी दोबारा करनी पड़ी, 2010 में दोबारा ब्लॉकेज हो गया, और जब दोबारा ब्लॉकेज हुआ फिर दो एंजियोप्लास्टी करने पड़े 2010 में, और वो इतने बीमार पड़ गए 2011 तक, इतनी सारी सर्जरीज हो चुकी थी, वो इतने मोटे हो चुके थे, उनके दिमाग का न्यूरॉन इतना डाउन हो चुका था कि वो बुद्धू से दिखने लगे, 2010 का गूगल कीजिए, बुद्धू से नजर आएंगे वो। तब डॉक्टरों ने भी अब हाथ खड़े कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब बिल क्लिंटन को किसी ने इस डाइट के बारे में बताया इन्हीं हॉस्पिटल में, क्लीनिंग क्लिनिक में, उन्होंने फैसला किया कि 6 महीने मैं इस डाइट पर रहूंगा। 6 महीने वो इस डाइट पर रहे, जो मैंने आपको बताया अभी, उनकी हार्ट की ब्लॉकेज खुल गई, उनका किडनी दोबारा ढंग से फंक्शन करना, लंग्स की फंक्शन प्रॉपर हो गई, उनका वेट रिड्यूस हो गया, उनका ब्रेन की न्यूरॉन दोबारा ठीक से हो गए, वो पूरे दुनिया भ्रमण करने लगे। और तब मीडिया ने पूछा आपके नए हेल्थ का राज क्या है, उन्होंने जो राज खोला वो आपकी आंखें खोल देंगी, ध्यान से सुनिए देखिए उन्होंने क्या बोला। Different reasons, but I mean, I want to lose a little weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey, I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Genoa in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren. यहाँ पे आपने देखा, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो जब बहुत बीमार पड़ गए तब उन्होंने अपने आप को इस डाइट पे रखा और उसके बाद कैसे वो पूरी तरह रिकवर करके आपके सामने है, ये दुनिया के सामने कोई छुपी हुई बात नहीं है, राइट? और उन्होंने एग्री किया कि पहले डॉक्टरों की वजह से मैं कितना, ये तो आपने थोड़ा सा देखा, पूरे वीडियो देखेंगे कैसे मैं बीमार पड़ता जा रहा था, उनकी बात मानता जा रहा था, बीमार पड़ता जा रहा था। आप गौर कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम सोच लें मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे डॉक्टर हैं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो बिल क्लिंटन पहले ही ठीक हो चुके होते, राइट? तो जब भी ऐसा लगे आपको भरोसा हो कि मेरे पास तो बड़े हॉस्पिटल है तो मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा, या इंश्योरेंस है या कुछ भी है, तो इनको याद कर लीजिए। बल्कि दुनिया का जो सबसे बड़ा, सबसे सबसे अमीर देश है, अमीर देश वो है कुवैत। कुवैत कुवैत में एक, वहाँ का एक दिनार $4 के बराबर है, वहाँ का एक दिनार यहाँ के 200-250 रुपए के बराबर है। कुवैत में मैं काफ़ी समय रहा, वहाँ का जो भिखारी है उसके पास भी गाड़ियाँ हैं, गाड़ी है, उसके घर है, भाई मजाक नहीं है। और भीख मांगने से पहले देखता है कि स्टेटस है भी इसका भीख मांगने लायक, तब वो मांगता है, नहीं तो भीख दे ही देता है वो, राइट? सो और ये बड़ा ताज्जुब की बात है, इसी दुनिया की बात है, राइट? और तो वो भिखारी इतना अमीर कैसा है, उनके जो राजा, वहाँ राजा की प्रथा है कुवैत में, राजा चलते हैं, तो राजा क्या करता है, हर साल अपने खजाने में से उनका एक रकम होती है 40% 50% वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, वो एक फैमिली को 50 लाख, राइट? एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूट करना ही, तो हर फैमिली के हिस्से में 50-50 लाख आएंगे। तो यानी कि जो भिखारी है वो भी अगर वहाँ का सिटीजन है तो 50 लाख तो हर महीने मिलने ही मिलने हैं। तो 50 लाख में घर है उसके और गाड़ी है, लेकिन वो भिखारी है, राइट? तो
वो उसका प्रोफेशन है। तो कुवैत दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कुवैत जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा बीमार देश है, वेरी सिक। वहां पे डायबिटीज का जो रेट है दैट इज 17.5%, यहाँ पे इंडिया में है 8.5%, इंडिया से डबल है। एक तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, राइट, 8% या 10% ज्यादा माना जाएगा, लेकिन वहाँ इससे भी डबल है, राइट। वहाँ पे आई गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज, आप देख रहे हैं कुवैत में मेरी फोटो, वहाँ पे इंडियन ब्रांड इंडियन एम्बेसडर के साथ और कुवैती डेलीगेट्स, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन ने मुझे कई बार वहाँ इन्वाइट किया अपने लेक्चर के लिए, उनको लेक्चर सुनना बढ़िया लगता लेकिन खाने के अलावा कुछ और बोलते तो ठीक है, राइट। तो मेरी बीवी जब भी जाती है बोलती है आप तो बोलते इतने लोग बीमार हैं, रास्ते में तो कोई दिखता ही नहीं बीमार, सब तो हेल्दी दिख रहे हैं, क्योंकि जो लोग बीमार होते हैं जिनकी आंखें चली गई हैं, जिनके किडनी काम नहीं कर रहे हैं, उनके पैर ही नहीं है, तो वो लोग घर में ही बंद रहते हैं, इसलिए बाहर से सब कुछ अच्छा लगते हैं, कि टूरिस्ट के हिसाब से जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा वो कितने ज्यादा बीमार हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, ये हमें समझना होगा कि हमने एसोसिएट कर लिया कि पैसा हमारे हेल्थ को खरीद सकता है, वो कभी हो ही नहीं सकता, बल्कि उसका उल्टा जरूर हो जाएगा, राइट। सो उसका उदाहरण आपके सामने है, वहीं एक और उदाहरण आपको देता हूँ, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लेडी, राइट, ओल्डेस्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन ऑफ द वर्ल्ड, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो उनकी उम्र कितनी होगी? 120। पिछले हफ्ते मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, राइट, और अगली फोटो मैं दिखाता हूँ उनको, राइट, 121 ईयर्स, राइट। ये वियतनामीज लेडी है और ऑफिशियली दिसंबर महीने में इनका हमने आयोजन रखा है कि इनको हम ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड की रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन अभी पिछले दिनों मुझे जब खबर आई कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे लगा कि चलो एक बार जाके तो मिल ही आना चाहिए, एक बार उनको तो पर्सनली मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर ही दूँ। तो ये पिछले हफ्ते की मेरी फोटो आप देख रहे हैं उनके साथ, राइट। थैंक यू, थैंक यू। सो जाहिर सी बात है कि इनका जो डाइट है, मैंने क्योंकि मैं जब भी मौका मिलता तो मैं और गहरे में जाकर अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि व्हाई हाउ शी कुड लिव फॉर सो लॉन्ग, राइट। और जाने से मुझे लगा था कि वो बेड पे होंगी और बातचीत नहीं करेंगी, वो जस्ट ऑलमोस्ट एक डेड इंसान की तरह होगी, बट वो वेट कर रही थी एक्चुअली और तैयार भी हो रही थी कि कोई आने वाला है मिलने के लिए, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से चीफ एडिटर आने वाले हैं, तो शी वॉज प्रिपेयरिंग और इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और वही सारे उनके भी ख्वाब हैं उनके इस एज में जो आपके और मेरे अभी हैं, उतने ही वॉर्म्थ के साथ वो मिली जितने वॉर्म्थ साथ आप और हम मिलते हैं जब हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है। सो इनसे काफ़ी लंबे समय मेरी बात हुई, मैंने जानने की कोशिश किया और जो भी किया वो मैंने कलेक्ट किया, राइट, उनमें से कुछ मैं आज आपको बताऊंगा भी। एक चीज़ तो जाहिर है, इनका जो खाना पीना है बचपन से अभी तक वो क्या है, VIP होगा कि DIP होगा, राइट। सो जब मैं ये बना रहा था तो मैंने कोऑर्डिनेट किया, इट इज़ लाइक दैट। और ऐसा नहीं कि इनके घर के परिवार में बाकी लोग भी इतने उम्र वाले हैं या इतने हेल्दी हैं, उनमें से एक आध तो ज़रूर हैं लेकिन सारे नहीं हैं, बाकी सब नॉर्मल हैं। So I strongly believe and I strongly understand ki more than genetic factor, what is important for your health is that is on continuous basis what you are doing to your body, right? Lekin ab ek important masla hai jo mere dimag mein ek question aata rehta hai, wo question main aapke share karta hu ki ye itna aasan hai aur aap aaj se 3-4 din mein dekhenge ki ye to waqai mein ho jayega, right? और यहाँ पे मैं आपको मिलाऊंगा ये काफी लोगों से जिन्होंने इसको अचीव किया है, दैट इज नॉट 3-4 दिन में नहीं, चलो एक हफ्ते में, किसी ने 20 दिन में, राइट, क्योंकि उन्होंने 100% नहीं किया, 100% जो करेंगे 3-4 दिन में कर ही लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी मैं बोल सकता हूँ, यहाँ तो पूरी ऑडियंस है और यहाँ पे आज इस वक्त यूट्यूब के माध्यम से देश भर में दुनिया भर में इसी प्रोग्राम को लोग देख रहे हैं, राइट, VIQ के माध्यम से, राइट, और लोग आसानी से इसको करते नहीं है, तो मैं जानना चाहता था ये करते क्यों, इतना आसान तो लग रहा है, कौन बीमार होना चाहता है, कौन अपने जिंदगी का आखिरी कुछ महीने आखिरी कुछ साल दुख में दर्द में तड़प के गल के सड़ के कौन जीना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस मोर देन यूर ट्राइंग टू लिव विद इलनेस, यूर ट्राइंग टू लिव विद सिकनेस, कि बीमार रहते हुए जिंदा रहते रहने की कोशिश में लगे रहना, इस दुखदाई बात कुछ हो नहीं सकती। फिर भी मैं देखता हूँ कि इतना आसान होते हुए भी लोग फॉलो भी नहीं करते। ये राज मैं आपको दो स्टेप में खोलता हूँ कि क्या है। पिछले दिनों पेप्सी ने एक रिकॉर्ड बनाया, पेप्सी
ने रिकॉर्ड बनाया, उनकी लॉन्चिंग थी, उनका एक प्रोडक्ट है सेवन 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 अप, नाम सुना आपने राइट, सेवन अप का एक नया कैन लॉन्च हुआ है, नया एक अलग कलर का, उस लॉन्चिंग में उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड है सबसे बड़ा टेबल 777 मीटर लंबा टेबल, दुनिया का सबसे बड़ा टेबल और 777 मीटर, उसमें 7000 लोग खा सकते हैं और क्या पी सकते हैं, सेवन अप पी सकते हैं, ये उनका रिकॉर्ड था उसमें। क्योंकि मैं चीफ एडिटर हूँ तो मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे ऐसे रिकॉर्ड में जाना पड़ता कई बार, तो उस ये 7 जुलाई की बात है, दिस इज 7 जुलाई राइट, ये पेप्सी के सीईओ के साथ आपको ये मेरी फोटो गिविंग द रिकॉर्ड। लेकिन मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने देखा मौके में इतना ज़्यादा ग्लैमर था, इतना ज़्यादा ग्लैमर था, इतना ज़्यादा ग्लैमर था, एक बार तो मुझे लगा कि अगर मैंने पेप्सी नहीं पिया ना तो मेरी ज़िंदगी तो बेकार है राइट। तो कुछ कुछ बात मैं समझ आ रहा था मुझे कि इंसान जो है वो लॉजिक को नहीं समझता है, जो भी चीज़ रिपीटेडली आपके सामने आता है बड़े रूप में दिमाग सोचता है कि यही ट्रू है और इस चक्कर में गड़बड़ होता है। मैंने उनको बोला कि आपको तो सभी जानते हैं पेप्सी को, तो बच्चा बच्चा जानता है, तो इतना प्रमोशन क्यों, इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 3 से 4 हफ्ते अगर पेप्सी अपना प्रमोशन बंद कर दे तो उनकी सेल जीरो होने में 4 दिन नहीं लगेंगे, 3 से 4 हफ्ते, जस्ट 3 to 4 weeks। सो अब ये 3 से 4 का क्या मसला है, इतना ज्यादा एडिक्शन होने के बाद एडिक्शन दुनिया में 3-4 हफ्ते में कैसे चली जाएगी, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। नासा के साइंटिस्ट ने खोज की इस पर, दे डिड वन रिसर्च ऑन दिस। वो रिसर्च ये था, उन्होंने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को इकट्ठा किया, एस्ट्रोनॉट यू नो स्पेस में जाने वाले यात्री, उनको इकट्ठा किया और उनके आंखों में चश्मा लगा दिया, इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स ग्लासेस, ऐसा चश्मा जिससे दुनिया उल्टी दिखाई दे, सब कुछ उल्टा दिखाई देगा, और वो ग्लासेस पहनने के बाद कुछ घंटे तो पहना, उसके बाद उल्टी आने लगी उनको, उसके बाद उनको चक्कर आने लगे। और आप इमेजिन कीजिए, आप सबके पैर ऊपर दिख रहे हैं, सबके सिर नीचे दिख रहे हैं, तो कैसा लगेगा, उनको नींद आना बंद हो गया राइट, वो डिप्रेशन में चले गए कुछ लोग, इंडाइजेशन होने लगा, लेकिन फिर भी वो सहते रहे, करते रहे, सहते रहे, पहने रहे, और वो उतार, इट वॉज लॉकेबल, इवन उसका चश्मा नहाते वक्त भी या सोते वक्त भी नहीं उतारना। ऐसा उन्होंने किया 15 दिन 20 दिन 21वें दिन एक एस्ट्रोनॉट ने रिपोर्ट किया, अब चश्मे के साथ मुझे सब कुछ ठीक ही दिखाई दे रहा, नो प्रॉब्लम। और 22वें दिन 23वें दिन लेके करते करते 30th डे तक सारे के सारे एस्ट्रोनॉट ने रिपोर्ट किया, अब हमें सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, चश्मे पहने हुए जैसा हमें पहले दिखाई दे रहा था। और जब ऐसा रिपोर्ट हुआ तो साइंटिस्ट ने उन सबका चश्मा उतारा, और जैसे ही उतारा चश्मा, बिना चश्मे के उनको दुनिया उल्टी दिखाई देने लगी। और अब उनको फिर कुछ दिन लगे राइट टू गेन द नॉर्मल राइट व्यू। साइंटिस्ट ने अब एक्सपेरिमेंट एक बार फिर किया, बट थोड़ा चेंज करके, 2 टीम बना दी, दोनों का चश्मा बना दिया। एक टीम को क्या किया, टीम बी 15 दिन 1 दिन के लिए चश्मा डिसकंटिन्यू कर दिया। उस टीम में देखा गया कि 21 दिन बाद भी और 30 दिन बाद भी वो चेंज नहीं आया जो पहले वाली टीम को आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस राइट, दे कुड नॉट गेट द चेंज। साइंटिस्ट केम टू द कंक्लूजन, ह्यूमन बिहेवियर साइकिल इज ऑफ 21 डेज। किसी भी चीज को लगातार आप 21 दिन तक करेंगे, 22वें दिन में वो आपकी आदत बन जाएगी, वो आपका बिहेवियर बन जाएगा। बिहेवियर बनता भी 21 दिन में है और बिहेवियर ब्रेक भी 21 दिन में होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोथ आर पॉसिबल राइट। एक बार मैंने क्या किया राइट, मैं बंगाली फैमिली से हूँ, यहाँ बंगाली हैं कुछ लोग राइट, कोलकाता के हैं, मैं आप भी हो कल्याण जी राइट, सो बंगाली परिवार से हूँ, वहाँ पे बचपन से सुबह ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इट हैज़ टू बी नॉन वेजिटेरियन राइट, अंडा होगा, मीट होगा, मछली होगा। अभी दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ को भी हम फिश देते हैं राइट, और फिश को हम वेजिटेरियन ही मानते हैं राइट। एक बार 21 दिन के लिए मैंने वो बंद कर दिया, 21 दिन के लिए, 22वें दिन से लेकर आज तक राइट। ऐसा नहीं कि मुझे परहेज या मुझे बंदा लगने लगा है, लेकिन ऐसे मैं देखता हूँ ये क्या है खाने की चीज़, ये तो रबर है, ये क्यों खाएं राइट। उसकी जो क्रेविंग थी ऐसे ही खत्म हुई कि अभी लगता है लोग क्यों खाते हैं, और मैं ये भी सोचता मैं क्यों खाता हूँ। सो दैट वॉज जस्ट अ मैजिक ऑफ 21 डेज राइट। कई बार पेरेंट्स मुझे बोलते हैं सर आप बोल रहे हैं 21 दिन के बाद मेरा जो बच्चा है ना वो तो 10 साल से स्कूल जा रहा है, मैं सुबह मार मार के 6 बजे उठाती हूँ, अभी तक बिहेवियर का पार्ट क्यों नहीं बना। स्कूल में दिक्कत क्या है कि सैटरडे के बाद एक संडे आता है, मम्मी बोलते कोई बात नहीं बेटे आज 9 बजे 10 हो जाए, उस बच्चे के पूरे जीवन में 21 डेज का साइकिल कभी आए नहीं इन इज ओन लाइफ। अब एक काम कीजिए, घर जाके आप अलार्म लगाइए कि सुबह मुझे 5 बजे उठना ही, कुछ भी हो जाए, अलार्म बजते मैं सोऊंगा नहीं, कुछ और कर लूंगा। ऐसा आप 21 दिन तक कीजिए अलार्म, और 22वें दिन अलार्म मत लगाइए। क्या लगता है क्या होने वाला है, सोना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा राइट। तो जो की
चीज हमें लगता है इसके बिना नहीं रह सकता, दैट इज अ मैटर ऑफ जस्ट 21 डेज अवे, दैट्स ऑल, राइट। तो कोई भी चीज ज्यादा टेस्टी है, कोई भी चीज कम टेस्टी है, कोई भी चीज मैं नहीं रह सकता इसके बिना, कोई भी चीज इसके बिना मैं रहूंगा कैसे, ये सब 21 दिन की बात है, 21 डेज, मैटर ऑफ 21 डेज, राइट। सो अब आते हैं अपने उस डाइट पे, जिस डाइट की हम बात कर रहे हैं, उस डाइट की भी हालत कुछ ऐसी है, राइट। इट इज अ मैटर ऑफ 21 डेज, 21 डेज के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ मेरे अपने बाकी पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ जो अभी आएंगे अभी स्टेज पर आपसे मिलने, इनके बिना आप नहीं रह पाएंगे। कई बार मेरे पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं तो बाहर घूमने जा रहा हूँ, वहाँ कहाँ मिलेगा, राइट। मैं जब भी बाहर जाता हूँ मैं 90% बाहर ही रहता हूँ, बाहर ही, इंडिया के बाहर और अपने शहर के बाहर। और जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अपने साथ एक छोटा सा जूसर लेता हूँ और एक पीलर और एक चाकू, राइट। वो एक बॉक्स है मेरा, जैसे लेडीज का मेकअप बॉक्स नहीं है, जहाँ भी जाते हैं मेकअप बॉक्स लेके जाते हैं, राइट। वो मेरा एक इंटरनल मेकअप बॉक्स है, और जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ उस एयरपोर्ट से होटल जाने से पहले रास्ते में वेजिटेबल शॉप से होते हुए जाता हूँ, ये छोटा सा रूल बनाया हुआ मैंने, राइट। तो आप ये मानिए जो चीज आप चाहेंगे वो हो ही जाएगी, शराबी को शराब मिल ही जाती है ना जहाँ भी जाता है वो, राइट। ढूंढने की बात है, जो हम चाहेंगे दिल से वो तो मिल ही जाएगी, राइट। सो कई बार लोग बोलते हैं कि आप क्या कैसी बात कर रहे हैं, वेजिटेबल खाने बोल रहे हैं, फ्रूट खाने बोल रहे हैं, पता आप कितना पेस्टिसाइड है आजकल इसमें, इसको खाएंगे पेस्टिसाइड तो हम मर जाएंगे। इसको मैं दो पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, राइट, इससे पहले कि मैं और डिटेल में आपको बताऊँ कि इसको कैसे अपनाना है, अपने कल से कैसे करना है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बैग लेके जा रहे हैं अब सब्जी बाजार, अपने सब्जी सारे डाल दिए, आप हाँ ना में जवाब दीजिए उसमें पेस्टिसाइड है या नहीं है, है। आपने घर आके धोया और उसको काटा छीला, पेस्टिसाइड है या नहीं है, अब भी अब थोड़ा कम है लेकिन है। आपने कढ़ाई में डाली, पेस्टिसाइड है कि नहीं है, अब भी है। लेकिन लेकिन जब आपने उसको तड़का लगाया, पेस्टिसाइड डर के हमारे घबरा के वहां से भाग गया होगा, ऐसी मान्यता हमारी है, राइट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे आप उसको कुक करें या अनकुक रहे, द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इज द सेम, इट इज नॉट डिफरेंट, पहली बात तो। इसलिए अगर हम सोच रहे हैं कि हमें इस फॉर्म में खाना है, फुल फल ज्यादा खाना है, रॉ वेजिटेबल ज्यादा खाना है, तो अब पेस्टिसाइड ज्यादा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी उतना ही था। कुकिंग से कुछ लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड मर जाते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड तो पहले ही मरा हुआ है, मरी हुई चीज दोबारा थोड़ा ना मरती है, वो तो जिंदा चीज एक बार मर सकती है बार, राइट। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कुछ, तो हमारे शहर में ऐसे ऑर्गेनिक स्टोर काफी सारे हैं, राइट, हमारे भाई बंधुओं के हैं, मेयर सिंह जी यहाँ पे हैं, राइट, वहाँ पे एक बार हाथ खड़ा करना, थोड़ा खड़े भी हो जाओ, और ऐसे कई सारे और हैं, अगर आपको पता तो आप बताइए, तो उनको आप प्रमोट कीजिए, वहां जाइए, वो घर पे सब्जी पहुंचा देंगे उतने ही रेट में लगभग, राइट। लेकिन हम बात तो करते हैं कि पेस्टिसाइड वाला खाना नहीं खाना, ये नहीं, एक्शन में कन्वर्ट करना बात तो तब है, और वही मैं चाहता हूँ कि आज से आप करें, राइट। तो या फिर राइट, या फिर अपना थोड़ा बहुत ग्रो करना शुरू कीजिए, या तो इसके बाद, इस शो के बाद हम मेहर सिंह से मिलकर इनका एड्रेस ले सकते हैं, या और भी कोई ऑर्गेनिक हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि लोग मुझसे आगे पूछते हैं, ताकि मैं भी वहां से लूँ जैसे मैं इनके वहां से लेता हूँ। लेकिन मैं बताऊँ कि इनसे लेना तो मैंने अभी शुरू किया, पिछले 7-8 साल से मैं वही वाला वेजिटेबल खा रहा हूँ, वही वाला फ्रूट खा रहा हूँ जो आपकी सब्जी मंडी में मिलता है, राइट। मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं पड़ता, ये मेरी एक उपलब्धि है, कभी नहीं बीमार पड़ता, पड़ता ही नहीं कभी, नॉट ए सिंगल टाइम। तो घबराने की जरूरत नहीं है, शुरू कीजिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर भी डर लगे तो हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जिन्होंने शुरू किया है, तो आपको थोड़ा हौसला देंगे। उस हौसला से पहले एक इंटरेस्टिंग बात जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपका हार्ट है, राइट, और ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर से ब्लड जाता है। अब कुदरत ने एक मैकेनिज्म आपके लिए बनाया हुआ है बचपन से ऑलरेडी, राइट। ये मैकेनिज्म मैं चाहता हूँ आपको समझ आ जाए, तो आपको बात पूरी तरह पता चल जाएगी। ये मैकेनिज्म क्या है, जिस तरह से जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में स्टेपनी मिलती है आपको ऑटोमेटिकली, इट इज अ पार्ट ऑफ द गाड़ी। लेकिन उस वक्त स्टेपनी का अहमियत, इसकी अहमियत आपको समझ नहीं आती, वाई, बिकॉज उस वक्त तो गाड़ी के टायर भी तो नए हैं। लेकिन कुछ साल बाद जब टायर खराब होने लगते हैं तब स्टेपनी क्या होती है। जब आप पैदा हुए थे तो गॉड ने क्या किया, आपके ब्लड वेसल के साथ साथ कुछ कोलेट्रल ब्लड वेसल, कुछ स्टेपनी भी बना के भेजा सिर से लेके पैर तक, इसे कहते हैं कोलेट्रल आर्टरीज, इट्स कॉल्ड कोलेट्रल आर्टरीज। और ऐसे कितने भेजे, हजारों हजारों कोलेट्रल आर्टरी बॉडी में, जो माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरफ से बंद है,
इट इज क्लोज बोथ द साइड्स, राइट, ये बंद है दोनों तरफ से। ये उस दिन खुलेंगे जिस दिन यहां पे हार्ट ब्लॉकेज होगा, तो बॉडी क्या करेगी, इसको खोल देगी ताकि ब्लड नए रास्ते से पहुंचे और उस आदमी को हार्ट अटैक ना आए। इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। आपने देखा कभी, आप करते ना, आपने देखा कि मेन सड़क है, सड़क जैम है, आप इधर उधर झांकते हैं, एक पतली सी कोई गली निकलती तो आप वहां से ऐसे करके निकल के फिर मेन रास्ते से जुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। वही वाला पार्ट गॉड ने आपके लिए बनाया है। लेकिन तो हार्ट अटैक क्यों होते हैं? हार्ट अटैक इसलिए होते हैं उसके बावजूद भी कि जब ये पूरी तरह बंद हो गया तो कई बार या ज्यादातर हमारा बॉडी इसके दोनों छोर को खोल नहीं पाता। इसे खोलने की जो प्रसार है प्रोसेस है उसे कहते हैं एनास्टोमोसिस, बायोलॉजिकल मेथड जिससे बॉडी खोलता है दैट्स कॉल्ड एनास्टोमोसिस। बट कई बार कुछ लोगों के लिए एनास्टोमोसिस नहीं हो पाता तो ये खुलता ही नहीं है और यहाँ ब्लड आगे पहुंच नहीं पाता, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक या दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। तो अब क्या है, वो जो मैंने आपको डाइट बताया था DIP वाला, वो डाइट अगर आप 3 महीना लेते हैं, तीन महीना लगातार कोई लेता है, तो 3 महीने में क्या होगा कि चाहे ये ब्लॉक हो ना हो, आपका जो बॉडी है इसको खोल देगी, पहले से खोल देगी, राइट। सो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक प्रूफ। अब आपको जीवन में हार्ट अटैक नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि कभी अगर बाई चांस ब्लॉक हो भी गया तो पहले से खुला हुआ है, राइट। So that is called natural bypass. ये जो natural bypass है, ये medical science को 10 साल पहले नहीं पता था। Body बनाती थी, right? Body is making it, but पता नहीं, अब पता है। आजकल के जो medical college में जो cardiology department है, उसमें ये सारा कुछ अब आता है, अब उसमें आता है कि natural bypass एक चीज होती है, right? So और मैं अपने patients को बोलता हूँ कि natural bypass करा लो। नेचुरल बाइपास करा लो मतलब आप DIP डाइट ले लो, लेट इट हैपन इटसेल्फ, राइट। सो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके मेरी तरह कई सारे हमें अच्छा तो लग रहा है लेकिन क्या हम इसको अपनाएंगे, दैट इज अ बिग थिंग। तो एक पेशेंट की कहानी मैं आपको बताता हूँ, हमारे बीच में यहाँ पे है और उनको अगले दिन दांत के सर्जरी के लिए जाना था, कोई और ऑप्शन था नहीं उनके पास, ऐसा उनको डॉक्टर ने बोला। लेकिन उनकी वाइफ जो कि इंडियन में टीचर है, यहाँ बैठी है, राइट, उनके बारे में बताऊंगा मैं। उन्होंने उनको सर्जन के पास भेजने से केक की बजाय मेरे वहाँ पे ले आए और हमारी बातचीत हुई और उसके बाद आगे की जो स्टोरी है वो स्टोरी कुछ ऐसी, वो न केवल खुद ठीक हो गए, अगर उन्होंने कोई पेशेंट देख लिया तो जब तक वो ये कराना थे नेचुरल बाईपास तब तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ते, अगर वो फोन उठाना बंद करते उनके घर पर ही पहुँच जाते हैं, राइट। मैं तो मानता हूँ तो पागलपन है, तो जुनून है, इसका क्या फायदा है। उनका खुद का बिजनेस भरतपुर से लेकर जयपुर तक फैला हुआ है, लेकिन अगर जयपुर में भी अगर सुना कि भाई ये आदमी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, वहां से गाड़ी उठा के उनकी उनके अंदर यही खुशी है कि यार एक इंसान का भला हो रहा है, पता नहीं क्या खुशी मिल जाती है, मुझे तो समझ नहीं आया कभी, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं उनको खुद ही बुलाता हूँ सर स्टेज में, मित्तल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। आगे कहानी आते हैं, आज का आयोजन सिर्फ इसलिए नहीं कि डॉक्टर साहब का सुनना है, आज इस चीज़ की भी शपथ लेनी है कि हमें इस हिंदुस्तान को सेहतमंद बनाना, स्वच्छ के साथ सेहतमंद बनाना। आज एक योगेश मित्तल नहीं, आप सब योगेश मित्तल बनेंगे, आज आप सब डॉक्टर विश्वरूप बन करके जाएंगे। मेरी कहानी शुरू होती है अपनी बीमारी से, जिसके अंदर डॉक्टर साहब का ये कहना था कि बिगर सर्जरी के आपका काम नहीं चलेगा, एंड आई टुक 3-4 ओपिनियंस फ्रॉम द डिफरेंट डॉक्टर्स एंड इट कंक्लूड दैट कि वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी। पर मैं सर्जरी के लिए अपनी वाइफ रचना की वजह से नहीं जा पाया क्योंकि MVN में इनका लेक्चर था और इन्होंने मिलने के बाद में कहा कि भी आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अभी दांत का दर्द इतना बुरा होता है कि इसके अंदर में आदमी के पास कोई ऑप्शन होती नहीं क्योंकि ठहरने नहीं देता। पर मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर साहब का कि सिर्फ 20 दिन के अंदर ही मेरे को जो आराम आना था वो पूरी तरह से आ गया। मेरे दिमाग में कहीं कोई बात घूम रही थी 20 साल पुरानी, एक साइंटिस्ट हुए एथरहॉफ जिन्होंने रॉ फूड के ऊपर में एक बुक लिखी थी, मैंने कभी 89 के अंदर 5 रुपए की किताब खरीदी थी,
उसी किताब की कोई जहन में मेरे कहीं कड़ी कड़ियाँ कहीं बातें कई डायलॉग घूम रहे थे, उसी को लेकर के मैंने कहा कि हाँ रॉ फूड से काम हो सकता है, और उससे इसे काम हुआ। काम होने के बाद में मैं आप इसे बोर ना होइएगा, 5 मिनट जरूर लूंगा। 10 तारीख को इलेक्शन थे यहाँ पर हरियाणा में फरीदाबाद में। मेरी माता जी 75 साल की हैं, उनकी 19 टैबलेट और 80 यूनिट इंसुलिन चलती थी। इन्होंने कहा कि रोज देखती है वो उसे इलेक्शन के कैंपियन को देखती हैं, तो इनके मन में आता कि भी मुझे आज वोट देने के लिए जाना है। तो मैं इनसे कहता कि भी आपकी बाईपास होनी है, 500 मीटर आप चल नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे? क्यों कर नहीं, जैसे तू कर रहा है ऐसे करूँगी। तुमने कहा है कि भी मेरे सब ठीक हो जाते हैं इससे, तो दोस्तों यकीन मानना 10 तारीख को माता जी इलेक्शन में वोट डालने के लिए खुद गई और इनकी बाईपास स्किप हो गई। मेरा विश्वास और बढ़ गया। मेरे फादर 81 ईयर्स हैं, इनको पार्किंसन था, हाथ कांपते थे, इनका पार्किंसन रिवर्स हो चुका। वाइफ को माइग्रेन था, माइग्रेन रिवर्स हो चुका है। मैं जो खुद खड़ा हूं, मैं खुद डायबिटिक था, मेरी डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है। मेरी 10-12 टैबलेट्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। इस बार मैंने सीजन में गन्ने का जूस और पूरे आम एंजॉय किए। 25 मई को हमने एक ऐसे ही सेमिनार मॉडर्न स्कूल में किया था, उसके अंदर एक हमारे दोस्त हैं आलोक श्रीवास्तव, जो अब दोस्त बन गए हैं, वो उस फंक्शन में आए थे। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको हमने कहा कि भी आप इसी चीज़ को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उनकी मिसेज भी MBN में ही काम करती हैं। उन्होंने हमारी बात मानी और 1 महीने तक इसी चीज़ को, इसी डाइट को फॉलो किया। उन्होंने TMT कराई पर उन्हें कोई भी आराम नज़र नहीं आया। हम बड़े निराश हुए, पर उन्होंने कहा है कि काम तो करता है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। हमने इधर उधर भेजा पर कोई रिजल्ट ना निकला। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बाईपास कराई। बाईपास कराने के वक्त में डॉक्टर साहब उनसे पूछते हैं कि आपको अटैक क्यों नहीं आया, आपको तो आ जाना चाहिए था। उन्होंने उस समय देखा कि इनकी जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा नेचुरल बाईपास हो गई और एक स्टंट उनका पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। अगर वो 1 महीना ये ना करते, आज हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें भी बुलाऊंगा अभी, और वो अपने मुंह से रूबरू हो करके आपको बताएंगे कि उनके स्टंट डले और वो ब्लॉक हुए। क्योंकि ब्रेन मैसेज देता है जब स्टंट डलता है, तो इट इज़ ए गार्बेज पॉइंट। साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में वो बंद होना ही होना और दोबारा से स्टंट डलना। इसके अलावा हमारे बीच में सुशील जी अग्रवाल हैं, दिल्ली से आए हैं, डायबिटीज़, अब ये डायबिटीज़ फ्री हो गए। जरा सुशील जी खड़े हों, ये आपके बीच में हैं, ये भी 10 साल से डायबिटिक थे और ये डायबिटिक फ्री हो चुके हैं पूरी तरह से। मेरी मदर हैं, उनकी 19 टैबलेट और 60 यूनिट इंसुलिन कम हो गई, सिर्फ 20 यूनिट में 38 साल से उनकी शुगर है। और अब मुझे लगने लगा है कि भी ये भी पूरी तरह से डायबिटिक फ्री हो जाएंगे। अभी मैं आपके बीच में आलोक श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूँगा, वो आपके सामने अपने दो शब्द कहेंगे। आलोक जी, बहुत एग्जर्शन में हैं, फिर भी उन्होंने हमारा साथ दिया और आपको ये बताने के लिए कि भी इस खाने से, इस डाइट से नेचुरल बाईपास हो सकती है, उसको बताने के लिए एक रूबरू सबूत आपके सामने आया है। सबसे पहले तो हम इनका तालियों से स्वागत करेंगे कि इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और ये बिस्तरे से उठ करके आपके बीच में आए हैं इस बात को बताने के लिए। आलोक, नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है, मैं 51 वर्ष का हूँ। पिछले साल की बात है, मैं फरीदाबाद की एक MNC में जनरल मैनेजर था और नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हम लोगों का पैकेज तय हुआ था। वहाँ जब हमने TMT कराई तो TMT मेरी अबनॉर्मल आई, यानी कि पॉजिटिव, तो मुझे कहा गया कि आप एंजियोग्राफी कराइए। तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, वहाँ उन्होंने बोला
सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपकी कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है क्या? मैंने कहा जी कंपनी से 5 लाख की है। बोले ठीक है आप आ जाइए, आपके एंजियोग्राफी कर देंगे, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम कर देंगे। मैं और मेरी वाइफ दोनों अकेले चले गए हॉस्पिटल कि शायद कुछ चेकअप करेंगे, एंजियोग्राफी में कुछ निकलेगा तो दवाई का ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम लोगों को ले जाके वहाँ एंजियोग्राफी की गई, उसके बाद जो डॉक्टर्स के डायलॉग थे वो मैं आपको बताता हूँ। मुझसे कहा गया श्रीवास्तव जी आप तो बारूद के ढेर पे बैठे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? बोले आपकी तो चारों आर्टरी ब्लॉक है, 2 95%, 1 80% और 1 60%, तो आपकी तो हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरी वाइफ को बुला के यही बात बोली गई। वो MBM 17 में टीचर हैं, हिम्मत रखती हैं, पर उस समय उन्होंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल उसमें आए थे कि शायद कुछ छोटी मोटी खराबी निकलेगी। उस समय मुझे याद आता है जो डॉक्टर विश्वरूप ने जो बुक लिखी है हार्ट माफिया, उसे क्या कहते हैं, ऐसा डरा दिया गया हमको कि हम लोग कुछ नहीं कह पाए। हमने कहा जो आपसे बेस्ट हो सकता है वो करिए। तो उन्होंने बोला अच्छा आपके 3 स्टंट लगा देते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है आप लगा दीजिए। 3 स्टंट का ओके हो गया। उसके बाद उन डॉक्टर ने बोला कि 1 स्टंट हम आपके वो लगाएंगे जो हमारे पर नया है, बायोडिग्रेडेबल, जो कि 3-4 साल में डिजॉल्व हो जाता है। तो मेरी वाइफ ने पूछा क्यों? बोले आगे कभी बाईपास करनी पड़ी तो ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये पिघल जाएगा। तो मेन आर्टरी जो बोलते हैं LAD, उसमें मेरे अस्थि वाला भाई वो लगा दिया स्टंट मना करने के बाद भी, क्योंकि मेरी वाइफ ने कई जगह पता किया डॉक्टर्स को फोन करके, उन्होंने कहा नहीं आप और नॉन मेटेलिक पे मत जाइए, ये जो स्टंट होता है नया वाला ये नॉन मेटेलिक था, और 2 जो स्टंट लगाए मेरे वो मेटेलिक थे, और 3 स्टंट मेरे लगाए। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके 1 हफ्ते बाद उस हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहाँ बताया गया कि मैं पहला इंसान हूँ मैं जिन्हें बताया गया है। उसका नाम था एब्जॉर्ब करके और USA की कंपनी का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला के वहाँ बताया गया कि मैं फरीदाबाद का पहला इंसान हूँ जिसके ये स्टंट लगाया है, और वहाँ जो लोग मौजूद थे मुझे जो ध्यान पड़ता है अमर उजाला, दैनिक जागरण, उसके अलावा मुझे याद नहीं है, उन लोगों ने फिर क्वेश्चन किया डॉक्टर से कि आपने ये स्टंट लगाया ये कहाँ का बना हुआ है? मैंने बोला USA का। बोले वहाँ ये लगा रहे हैं क्या? बोले नहीं वहाँ अभी शुरू नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले अभी इसकी ओके रिपोर्ट नहीं आई है FDA से, वो अभी नहीं आया है इसलिए। बोले तो पत्रकार लोगों ने पूछा कि फिर आपने इनके क्यों लगाया? तो बोले नहीं इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसलिए हमने इनके लगाया। हाँ मुझे मालूम पड़ा कि ये जो स्टंट मेरे लगाया गया है ये ऐसा है जो मेडिकली और मेरे लगा दिया गया है। ठीक लगा दिया तो लगा दिया है। खैर 1 साल तक मेरा सब कुछ ठीक रहा। 1 साल बाद मेरे को छाती में दर्द शुरू हुआ तो मैं वापस उन कार्डियोलॉजिस्ट से मिला। उन्होंने देखा, उनको कुछ डाउट तो हुआ। बोले नहीं श्रीवास्तव जी ऐसा है आपका 1 साल पूरा हो गया है और वैसे भी आपकी एक रूटीन एंजियोग्राफी बनती है। सब कुछ ठीक होने के बाद एंजियोग्राफी कोई मजाक तो है नहीं कि रूटीन एंजियोग्राफी दोबारा करनी पड़ेगी? मैंने कहा ठीक है आप मुझे अभी दवाई दे दीजिए, मैं सोच के आपको दोबारा बताऊंगा। मैंने दवाई ली और मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया फरीदाबाद के, वहाँ मैंने TMT कराई, वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट से बात करी, उन्होंने भी यही कहा कि आपके कुछ प्रॉब्लम है आपको फिर से एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। उसी दिन रात को फिर हम डॉक्टर विश्वरूप से मिले। डॉक्टर विश्वरूप से क्यों मिले? क्योंकि मेरे बेटे को ठीक किया था, उसके जॉइंटेस होने वाला था, उसको इन्होंने नेचुरल इलाज से बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो मैं भी इनके पास गया, इन्होंने मुझे 21 दिन का डाइट प्लान बताया। साथियों
मैं अपनी फैमिली से अलग रहता था, मेरी नौकरी थी पधेड़ी राजस्थान में जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ रह के मैंने इनका ट्रीटमेंट फॉलो किया। सबसे पहले मैं सुबह मौसमी का जूस पीता था एक शॉप पे जाकर, और आधा किलो फ्रूट खरीद के फैक्ट्री ले जाता था, वो आधा किलो फ्रूट काट के मैं खुद वहाँ खाया करता था। लंच में मैं सैलेड खाता था, लौटते समय फिर मौसमी का जूस पीता था, और रात को लौकी पालक चुकंदर और टमाटर इन सबको मैं मिक्सी में फेंट कर कपड़े से छान कर दो गिलास ये पिया करता था, और सोने से पहले दो आम और एक खरबूजा, क्योंकि जून के महीने की बात है, मैं ये खा के सो जाता था। एक महीना पूरा मैंने रिलीजियसली ये किया, उसके बाद मैं फिर DMT करने गया, लेकिन मेरे DMT में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बहुत निराश हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर डॉक्टर से मिला और दूसरे डॉक्टर से, क्योंकि मेरे को एक महीने के लिए US जाना था अपनी बेटी के पास। डॉक्टर ने दवाई दी और बोला नहीं आप चले जाइए। मैंने अपने कैलकुलेटेड रिस्क पर मैं US चला गया। लौट के आया, आके मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने फिर से मेरी एंजियोग्राफी करी। उस एंजियोग्राफी में क्या निकला, जो दो स्टेंट थे वो बिल्कुल ठीक थे, मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो तीसरा स्टेंट मेन आर्टरी में लगाया था वो एकदम चोक हो चुका था, वो फुस हो चुका था। स्टेंट का काम है फूले रहना और आर्टरी को फुलाना, वो एकदम खत्म हो चुका था, बिल्कुल चोक हो चुका था। तब मुझे याद आया कि ये कैसे हुआ होगा, जो मैंने डॉक्टर विश्वरूप का कोर्स एक महीना किया ये उसका कमाल था। तो आज मेरी लाइफ बचाई है और मैं यहाँ के जिंदा खड़ा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर विश्वरूप, और ये कहने में कोई वार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेडिकली मुझे समझाया गया, मुझे स्क्रीन पे दिखाया गया कि देखिए आपकी मेन आर्टरी जो है वो 100% चौक है, और ये जो बाईपास आर्टरी आपकी खुली है, जो ये मुझसे कहा करते थे कि हम ये आपको डाइट चार्ट दे रहे हैं इससे आपकी बाईपास आर्टरी खुल जाएंगी जो अभी आइडल है, मैं समझता नहीं था वो क्या होता है। जब मुझे स्क्रीन पर दिखाया गया तो मुझे समझ में आया कि ये उसका कमाल है। मेरे पास कल मिस्टर योगेश मित्तल का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हम एक सेमिनार कर रहे हैं और आप स्काइप पे कनेक्ट हो सकते हैं क्या? लेकिन मैं इनका इतना बड़ा भक्त बन गया था, मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट बोला है, मेरे हाथ अभी कांप रहे हैं, मेरे अंदर की ताकत नहीं है, फिर भी मैंने कहा नहीं मैं खुद आऊँगा और मैं लोगों को बताऊँगा ये बात कि कैसे मेरा प्रैक्टिकल केस देखिए कि मेरी नेचुरल बाईपास खुली और मेरी जान बची और मेरा वो स्टंट 100% ब्लॉक है, आज भी वो अंदर है, मेरी बाईपास पूरा काट के, क्योंकि कोई और इलाज नहीं था, उस स्टंट को हटा नहीं सकते थे और उस स्टंट के अंदर एक और स्टंट लगा नहीं सकते थे। अल्टीमेटली मेरे को बाईपास करवानी पड़ी, कितना पेनफुल था मेरे लिए, कितना मुझे कष्ट हुआ है ये मैं ही जानता हूँ। मुझे अपनी भिवाड़ी की नौकरी छोड़नी पड़ी, आज मेरे पास जॉब नहीं है। मैं इस बाईपास के बाद अब जब 3 महीने बाद ठीक हो जाऊँगा तो फिर मैं नई जॉब के लिए फिर से ट्राई करूँगा। तो इस पूरे सिलसिले में जो हार्ट माफिया था उसकी वजह से मेरे साथ क्या हुआ, कितना कष्ट, मेरी नौकरी गई, मेरे साथ इतना मेरा कितना खून हुआ और मैं कितनी दवाइयाँ भी खा रहा हूँ और फिर भी मैं रिकवर होके नॉर्मल हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। बट डॉक्टर विश्वरूप के कोर्स की वजह से मैं और लोगों को बताता हूँ कि ये करिए, कुछ मत करिए, सुबह उसका 40% भी कर लें कि सुबह उठ के स्टार्टिंग करें मौसमी के जूस से, या अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नींबू के जूस से शुरुआत करिए, उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है अंदर और वो आपकी नर्व्स को और आर्टरीज को खोलता है। उसके बाद जितनी कच्ची चीज़ खा सकते हैं, फल सैलड वो खाएं। मेरी गैस एक महीना बंद रही, मेरे पास गैस थी, कोई चीज़ मैंने पकी हुई नहीं खाई, हर चीज़ मैंने कच्ची खाई। वो एक महीना जो मैंने मेहनत करी उसका फल मुझे उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन जब मेरी एंजियोग्राफी हुई तब मुझे समझ में आया कि उसका क्या फ़ायदा हुआ। आज मैं जिंदा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर विश्वरूप के पैर छूता हूँ कि इनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। ये चीज़ मुझे तब मालूम पड़ी 2 महीने बाद,
और मैंने इनको उस समय ये क्लियर कर दिया कि मुझे आपके कोर्स से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जो मेरी TMD रिपोर्ट आई थी दैट वॉज अ मैकेनिकल रिपोर्ट, उसमें कोई मैनुअल लैप्स नहीं था कि कोई इसने रिपोर्ट चेंज कर दी या कुछ कर दी। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ तो मैं तो मैकेनिकल रिपोर्ट मानूंगा कि मशीन ने जो मेरी TMD रिपोर्ट दी है मुझे उसमें जीरो एडवांटेज दिखाई दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि सारा फ़ायदा उससे हुआ था। मेरी एक महीने की US ट्रिप में मैंने जो रिस्क लिया था वो मैं जिंदा लौट के आया, वो सिर्फ इसी वजह से आया कि मेरी नेचुरल आर्टरीज बाईपास जो थी वो खुल गई। बस ऐसे आधा घंटे पाऊंगा, मैं थोड़ा थक रहा हूँ, धन्यवाद। दो घंटे की बात को दो शब्दों में कैसे समेटा जाए, और वास्तव में मुझ जैसे कार्यकर्ता को यहाँ बोलने की नहीं सुनने की जरूरत है, और सुनने के बाद उसे गुनने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि भारत में एक कॉन्सेप्ट रहा, अवधारणा रही है, और वह धारणा है आरोग्य की। रोग हो जाए तो चिकित्सा होनी चाहिए, पर रोग हो ही ना इसका कुछ इंतजाम होना चाहिए। और अभी डॉक्टर विश्वरूप ने जो बातें कही वे ही सब बातें हैं सामान्यतया जो पहले शायद हम लोग जानते थे कि हर मौसम में हमारा खाना अलग होता था। आजकल साल भर हम एक साथ खाते हैं, क्योंकि ये जो जिसको शिक्षा कहते हैं हम लोग, उसने कुछ सिखाया जरूर है हमको, पर जितना लर्न किया है उससे ज्यादा अनलर्न किया है, इसलिए हमको नहीं मालूम कि वर्षा में क्या खाना चाहिए, सर्दी में क्या खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए, बसंत में क्या खाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आहार व्यवहार, आहार व्यवहार आरोग्य की कुंजी है, और वह कुंजी बहुत लोगों से खो गई है। एक डॉक्टर विश्वरूप है, उसके पास एक कुंजी है, हम लेकर चलें, इस्तेमाल भी करें तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वरूप जी, विश्वराज जी चौधरी साहब, लगातार पिछले काफी टाइम से मेरे पीछे ऐसा लगे, और मैं सोचता हूं कि शायद मैं इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचता तो कुछ कमी मैं मेरे जीवन में महसूस करता। मुझे यहां पर लाने वाले रामगोपाल जी, आदरणीय मित्तल जी, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक इस हॉल में विराजमान सभी जागरूक बंधुओं, मातृशक्ति, मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई भी परिवार इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगा जिसके घर में एक और एक से अधिक और कोई रोगी डायबिटीज का नहीं होगा। साफ साफ कहा है हमारे शास्त्रों में कि मनुष्य जीवन के अंदर, और अगर कहीं सुख है तो सात सुख का वर्णन किया गया है, और सात सुख में, क्योंकि मैं पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ और उधर सीमावर्ती क्षेत्र से आया हूं, हमारे यहां पूर्वजों ने कहा है कि सात सुख में अगर सर्वश्रेष्ठ नंबर एक अगर कोई सुख है तो वो है पहला सुख निरोगी काया। यानी हमारा सबसे पहला सुख जीवन का अगर कोई है तो वो है निरोगी काया। मैं आया था कह के 10-15 मिनट रुकूंगा, चूंकि मेरी पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र जाने का आदेश दिया था, लेकिन मैं ये सही कहता हूं कि मुझे इतना आनंद आया कि मन न करा कि आज नहीं तो कल सही फ्लाइट जाए तो चली जाए। मैं एक दिन रुक जाऊंगा, एक दिन मेरे नेताओं को कहूंगा कि मैं विलंब से आऊंगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा बढ़कर कोई सेवा हो नहीं सकती,
हम कर नहीं सकते कि अगर एक व्यक्ति को अगर ये बात पहुंचा दे, पहले हम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाए उसके बाद में और उसको और हम आगे बढ़ाए समाज में, तो मैं सोचता हूं कि ये आपकी स्वयं की नहीं, समाज की नहीं, ये राष्ट्र की सेवा है, इस देश की सेवा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्वच्छ भारत का जो अभियान शुरू किया है, मैं सोचता हूं कि इस संकल्प को लेकर हम आगे जो बढ़ेंगे कि नहीं मैं इस बीमारी को जरा मूल से समाप्त करके रहूंगा, इस देश के अंदर किसी प्रकार की डायबिटीज नहीं रहेगी, ऐसा संकल्प मैं कहूंगा डॉक्टर साहब से कि सबको दिलाए, सबका सहयोग रहे। आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आयोजकों को विशेष करके मित्र साहब का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
Myself Kalyan, Kalyan Sarkar. I have been suffering from diabetes since 2004. So it's been 10 years long. So I have been on medication. I started with 1 Dianyl per day, but progressively it was increased, and the final dose was 7 tablets per day, which includes 3 500 mg metformin and 4 1 mg glimepirids. So it was February when I came across with a press conference by Dr. Bishwarup Rayachaudhuri about releasing a book on heart mafia. Actually, I work for a company called VizIQ.com, which deals with online education, and through using VizIQ, the press conference was live webcasted across the country. So there I came to know about the China study diet plan through that book, Heart Mafia. And it was just amazing and eye-opening. I had been in search for any kind of treatment for my diabetes so that I can get rid of my medicines, but there was none. I couldn't find any doctor or any medical practitioner who encouraged me to leave the medicine. But this is the diet plan which was assuring medicine-free life, kind of. So I adopted that, and I contacted Dr. Rayachaudhuri after the conference also, and he gave me a prescription and a diet plan. And I started following that diet plan, and simultaneously I had been doing internet research on China study diet plan. So I went a little bit ahead of his suggestion. More or less he suggests that 70% to be the China study diet plan, and 30% could be the continued normal diet plan. So what I did, I tried to shift most of the time 100% to this raw vegetable diet plan. And when I started this diet plan, every day I had been checking my blood sugar level twice at least. So progressively I have seen that the blood sugar level was moderated and coming down. Then slowly I started leaving my medicine, and I started monitoring my blood sugar from 1st March. Then by 12th of April, it's just 1.5 months. By 12th of April, I took my last dose of medicine. I reduced my medicine doses progressively, and it was very crucial. And in between, there was a footloose by me also. Like sometime I went for chicken, sometime I went for fried things also. But immediately after that, I could realize that it's the wrong way I am going, and there was a self-counseling process continuously. Then I could leave all those temptation, and now I can claim that I have shifted to China study diet plan completely, and I'm leading a medicine-free life. So medicine-free life doesn't mean that you'll not get the diseases. Sometime I get fever, sometime there are stomach upset or those kind of things, but naturally, with this natural healing and the body healing process, those are being treated. And I'm very glad that I came across with that press conference, and thanks to Dr. Rayachaudhuri and his team. Thank you. I am Mahesh Kaushik, Bharatiya Jeevan Bima Nigam mein senior branch manager, Neelam Bhatta Road branch mein posting hai meri. Main 2012 से शुगर से पीड़ित था, जिसमें पीपी और फास्टिंग, मेरी फास्टिंग जो है वो 120 से ऊपर थी और पीपी 180 से ऊपर थी. उसके बाद बीपी मुझे 2001 से था. डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में मुझे एक पास मिला जब मॉडर्न विद्या मंदिर स्कूल में उनका
स्कूल में उनका 25 मई को प्रोग्राम था, उसमें मैंने अटेंड किया। उसके बाद 5 जून को मैंने उनकी ओपीडी अटेंड करी विश्व राय चौधरी जी। डाइट मैंने 1 जुलाई 2014 से शुरू करी। 3 दिन में मुझे लगा कि मेरा बीपी जो है वो मुझे ठीक सा लग रहा था, तो मैंने दवाई छोड़ दी, शुगर भी की भी दवाई 3 दिन बाद छोड़ दी। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया तो मेरी जो शुगर थी वो 93 आई फास्टिंग, और HbA1c जो है 5.6 आया। बीपी की दवाइयाँ मेरी छूट गई और बीपी मेरा नॉर्मल आया। मैंने बहुत सारे दिन उसको रेगुलर चेकअप किया तो नॉर्मल आता था। नॉर्मली मेरा बीपी 200 तक पहुँचता था, तो जब मैंने चेक किया तो 130-90 आता था, वैसे 110 तक नीचे वाला पहुँचता। तो ये मेरा रिवर्सल इस डाइट के खाने से हुआ, जिसको मैं रेगुलर अभी भी डाइट ले रहा हूँ। मॉर्निंग में मैंने 2-3 ब्रेकफास्ट चेंज हुए, पहले स्टीम जो है स्प्राउट के साथ हुआ, अब नाइट्रो ऑक्साइड जो ब्रेकफास्ट है वो ले रहे हैं, और लंच में चना की दाल और वो सब्जियां कच्ची, और रात को एक चपाती में लेता हूँ, इसी के साथ नारियल पानी पीता हूँ। तो ये देखा गया कि जिस दिन से मैंने ये लेना शुरू किया है मेरी एनर्जी लेवल भी बढ़ी है। पहले मैं पार्क में जाता था तो एक चक्कर लगा के बैठ जाता था, अब मैं 5 चक्कर लगाने के बाद मुझे थकान महसूस नहीं होती, और मुझे लगता है कि और मैं 5 चक्कर लगा सकता हूँ। उसके बाद आधा पौने घंटे योगा करता हूँ तो एनर्जी मुझे मिली, जबकि लोग मुझे देख के कहते हैं पहले से कमज़ोर हो गए। मेरा 103 किलो वजन था जो 83 किलो पे आ गया आज की डेट में, तो बहुत अच्छा लगा। सारी पेंटें दोबारा सिलवानी पड़ रही हैं, तो ये खर्चा मैं ज़रूर विश्व राय जी की तरफ डालना चाहूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलके, और मैं ये चाहता हूँ कि हम इस अभियान को के साथ मिलकर इसको और आगे तक पहुँचाएँ, लोगों में एक जागृति फैलाएँ। और डॉक्टर विश्व राय चौधरी निसंदेह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये जो कार्य है वो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम आते हैं समाज में, सभी को कुछ ना कुछ कोई लोभ होता है। मुझे उनके किसी व्यवहार से ऐसा नहीं लगा कि उनको कोई लोभ है या लालच है, सिर्फ समाज की सेवा का है। हाँ, हमें भी देखना चाहिए कि उनका किस तरह से जो इतना ओवरहेड्स मेंटेन करते हैं उसको किस तरह से हम कोई सहयोग कर सकते हैं, ये सब हमारा देखने का कार्य है। लेकिन एक चीज़ मैं समाज से आग्रह करूँगा कि वो इस अभियान को अपनाएं ज़रूर, आपका जो हो सकता है वो सिर्फ इसी से ठीक हो सकता है। तो कृपया सभी लोग इस डाइट को, या डॉक्टर विश्व राय चौधरी से मिलके, या हमने एक एजुकेटर प्रोग्राम जो किया है 8 तारीख को, उसको भी सीख कर और आगे लोगों को और इस अभियान में जुड़ें। आप लोग अपने यहाँ सेमिनार करा सकते हैं, लोगों को OPD में भेज सकते हैं, लोगों के अवेयरनेस कर सकते हैं, पार्क में अवेयरनेस कर सकते हैं। अब जहाँ भी आपको कोई मिले, एक ऐसा और टूल है कि जहाँ भी आपको मिलता है, आपको जहाँ भी कोई लोग मिलते हैं तो उनको आपने आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं तो एक और चीज़ इसमें एक और फ्यूचर देख रहा हूँ कि जिसका जो प्रोफेशन है वो इस प्रोफेशन को भी इस के सहयोग से आगे बढ़ा सकता है, कि वो किसी से भी बात कर सकता है, उसके पास एक जरिया है बात करने का। तो डॉक्टर विश्व राय चौधरी, जिन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में माइंड और बॉडी को अलाइनमेंट के साथ उनका नाम दर्ज है। एक और बात जो उनकी मिसिस ने हमें एक दिन खाना बनाना सिखाया ज़बरदस्त, मैं तो बल्कि कह रहा था कि इसके हमें आउटलेट्स भी खोलने चाहिए, हम जस्ट स्नैक्स के, हम जो लंच के और डिनर के। तो मेरी तो यही आशा है और भगवान से प्रार्थना है कि उनको बहुत कामयाबी मिले और समाज से ये जो बीमारियाँ हैं ये दूर हों। उनके अनुरोध से डॉक्टर विश्व राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनको लंबी उम्र दे, हजारों वर्ष जिए। धन्यवाद। मेरे को 38 साल से शुगर थी और सारे शरीर में दर्द होता था, घुटनों में भी दर्द होता था, कमर में भी दर्द रहता था, चलती थी मेरी सांस फूलती थी और मेरे पर 10 कदम भी नहीं चला जाता था। उसके बाद जब से ये मैंने डाइट प्लान लिया है तब से मुझे बहुत फ़ायदा। 20 गोलियां लेती थी मैं सारे दिन में, और 35 और 40 इंसुलिन लेती थी। उसके बाद जब से ये डाइट प्लान लिया है, 1 महीने बाद ही मेरी सारी गोलियां ख़त्म हो गई। और ये डाइट प्लान में जो मैं लेती हूँ वो मैं ऐसा है, सुबह को एक सेब लेती हूँ और उसके बाद में मैं ये मोट और अंकुरित मोट लेती हूँ, उसके साथ मैं सलाद लेती हूँ,
और उसके बाद दोपहर को एक चपाती या थोड़े से चावल लेती हूँ। शाम को भी इस तरह से ही लेती हूँ, एक सेब ले लिया, सलाद ले लिया और एक चपाती। चाय वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, दूध चाय बाजार की कोई भी चीज बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। और मैं अब घूमने को भी जा रही हूँ, एक महीने से मैं पार्क में घूमने भी जाती हूँ, एक चक्कर भी लगाती हूँ। अब काम करने में मेरे ना तो कमर में दर्द होता है बिल्कुल भी, और ना मेरे सांस ऊपर नीचे होती है, हर वक्त धड़कन बनी रहती थी, करवट बदलने में भी ऐसा लगता था कि दम निकल जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम ललित तायल है, आई एम फ्रॉम बसंत कुंज। मुझे अभी 2-3 महीने पहले मैंने रेंडमली अपने शुगर टेस्ट कराई अपने फ्रेंड के पास, तो इट वॉज 350। तो वो ही वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई आपको इतना ज़्यादा है, तो जो टेस्ट वगैरह मैंने अपने डॉक्टर लाल के पैथ से मैंने अपना टेस्ट कराया, तो इट वॉज 328 पीपी एंड फास्टिंग वॉज 223। सो मेरे कज़न है मिस्टर सुशील कुमार जी, हु इज फ्रॉम फतेहपुर फतेहपुर देवी, तो उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर विश्व के बारे में एंड अबाउट दिस डाइट प्लान। तो मैं डॉक्टर के पास गया, पहले मैंने टेस्ट कराया अपना, तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अपनी प्रिस्क्रिप्शन दी। मुझे पैरों में काफ़ी भड़काव रहता था और सिर में भी काफ़ी पसीना आता रहता था, तो डॉक्टर साहब से मैंने उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन में टैबलेट्स वगैरह ली थी, टैबलेट मैंने परचेज भी कर ली, लेकिन फिर मेरे कज़न से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा अभी टैबलेट्स आप मत लो, एटलीस्ट आप एक हफ्ता टाइम दो, तो आपको अगर आराम आए तो ठीक कंटिन्यू करना, अदरवाइज दवाई ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जो उन्होंने मुझे डाइट प्लान बताया, अकॉर्डिंगली आई फॉलोड दैट डाइट प्लान, और विद इन 3-4 डेज मुझे पैरों में भी काफ़ी आराम आ गया, और सिर से जो पसीना वगैरह आता था, भारीपन था, वो भी सब रिलीफ हो गया। तो आई कंटिन्यूड दैट डाइट प्लान, और विद इन ए मंथ नाउ माय फास्टिंग इज 97 एंड पीपी इज 140। तो उसके बाद फिर मेरे फादर जो इज डायबिटिक फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, तो उन्होंने देखा भी जब मेरे अपने बेटे को इतना आराम आ गया, तो आई शुड फॉलो दिस। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी आप कैसे कर रहे हो और टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन वगैरह, तो मैंने बताया भी ऐसे आई एम फॉलोइंग दिस डाइट प्लान। कि उसमें फिर उन्होंने बताया क्या नहीं आप नहीं लेना चाहिए, तो मैंने बताया आपको दूध दही छाछ इन सबको परहेज करना है, दाल चावल वगैरह नहीं लेना, और बिफोर लंच और डिनर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि प्री लंच और प्री डिनर शुड बी सैलेड 400 ग्राम्स, वो आपको लेना है, और ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स एंड सैलेड लेना है, और सुबह जैसे खाली पेट नींबू पानी और तुलसी के पत्ते वो मैं लेता हूँ। तो विद इन 3 डेज जो उनकी पैरों में स्वेलिंग्स थी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, और जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही थी, वो तीसरे दिन ही वो सब स्वेलिंग गायब हो गई। 4th डे से उनकी इंसुलिन लेना बंद कर दिया, और अभी 6th या 7th डे हुए हैं, तो उनकी अभी फास्टिंग 150 है, 150 जो कि उनकी 200 रहती थी आफ्टर इंसुलिन वगैरह भी। तो इट्स ए मिरेकल, आई वुड से इट्स ए मिरेकल। थैंक यू। मेरा नाम नीलम पवार है, मैं पिछले 3 साल से डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन पीछे 2 महीने पहले मुझे डॉक्टर विश्वरूप जी के बारे में किसी से पता चला और मैं इनसे मिली, और पिछले 2 महीने से पहले मेरा शुगर लेवल 350, 325 और 300 के नियर अबाउट ही रहता था, और मैं ग्लूकोनाम G2 की 2 टैबलेट सुबह और शाम डेली लेती थी, और उसके बावजूद भी बीच बीच में शुगर बढ़ जाता था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, मैं अक्सर बीमार पड़ी रहा करती थी, सारा सारा दिन घर में पड़ी ही रहती थी। लेकिन जब से मैं डॉक्टर विश्वरूप जी के यहाँ आई और यहाँ का डाइट चार्ट फॉलो किया, 15 दिन के अंदर ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। पहले मैंने कम की और उसके बाद बिल्कुल छोड़ दी, और अब मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती। मुझे 2 महीने हो गए इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हुए, और मुझे बहुत ही रिलीफ है और मैं बहुत खुश हूँ। ये डाइट चार्ट मैं 100% भी नहीं कर पाई हूँ, 90% कभी 80% और कभी 85% ही कर पाई हूँ। थोड़ा बहुत बीच में मैंने और कुछ ले भी लिया, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और मेरी शुगर अब 150 के अराउंड ही रहती है, कभी 135 कभी 150, बस यही रहती है, और मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती।
और मैं सबको डायबिटिक पेशेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप डाइट चार्ट फॉलो करो और डाइट से ही अपनी शुगर कंट्रोल करो और मेडिसन्स ना लेनी पड़े हमें, क्योंकि मेडिसन्स के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी और मैं अपने मन से चाहती थी कि मैं एलोपैथिक मेडिसन ना लूँ। इसलिए अपनी विल पावर हमें खुद ही स्ट्रांग करनी पड़ेगी और अगर हम खुद से ही तय करेंगे कि हमें मेडिसन्स नहीं लेनी तो तभी हम मेडिसन्स छोड़ पाएंगे। और ये डाइट चार्ट तो डाइट तो हमें लेनी ही है, तो हम अच्छी और सॉलिड डाइट लें ताकि हम, और इसके साथ ही मुझे और भी बहुत फ़र्क, मुझे और भी काफ़ी बीमारियों में फ़र्क लगता है, अपने आप में बहुत चेंज लगता है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मुझे ये पिछले 12-13 साल से बहुत चल रही मेडिसिन थी, डायबिटीज की भी और बीपी की भी, एंड तब से कंटिन्यूसली मेडिसिंस दे वर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या क्या लेवल्स थे? वो मेडिसिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इवन मेडिसिन की डोज भी बढ़ती जा रही थी, मेडिसिन का जो प्राइस था वो भी बढ़ता जा रहा था, मतलब सॉल्ट चेंज हो जा रहा था मेडिसिन के। एंड उसके बाद आपने हमारा ये डॉक्टर बसवर रूप रॉय चौधरी जी के कॉन्टैक्ट में कब आए और कैसे आए? मैम जी, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे, इनका सेमिनार था वहाँ पे सेक्टर 17 मॉडर्न स्कूल में, उसका सेमिनार अटेंड करने के लिए मेरे फ्रेंड ने मुझे पास किया था रचाती पढ़ते, तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने कभी उनसे पहले नाम भी नहीं सुना था डॉक्टर साहब का, तो वहाँ जाके मैंने इनका सेमिनार सुना, तो तब से मैंने अपने आप में चेंज लाना शुरू किया। तो इनकी वो प्रेजेंटेशन वहाँ पर काफ़ी पावरफुल लगी कि हमें जो मेडिसिन है उससे अपना बाहर कैसे आए अपना, तो उसके बाद से मुझे काफ़ी फायदा, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ मैम। मेरी अभी महीने के अंदर ही मेरी बीपी की गोली तो बंद हो गई थी और मैं शुगर वाली कभी लेता था नहीं लेता था, अब पिछले एक महीना और हो गया सारी मेडिसिन बंद है बिल्कुल, और दोनों चीज़ें पहले से ज़्यादा अच्छी कंट्रोल हो रही है, बीपी भी और शुगर भी। अभी आपका क्या कुछ सैक्रिफाइसिंग लाइफ चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है? नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक है, वेट भी कम हो गया पहले से काफ़ी ज़्यादा अपना, और अभी मैं रिहर्सल वहाँ जाता हूँ अमरनाथ यात्रा पर, पहले जो मैं ट्रैकिंग 2 दिन में करता था इस बार वो सिर्फ 1 दिन में पूरी हो गई। एंड डाइट में आप हर एक चीज़ खा पा रहे हैं जो आपके आसपास वाले सब लोग खाते हैं? हाँ हाँ, डाइट में तो ऐसा तो पूरा ही खा रहा हूँ, ऐसा वो नहीं है डाइट, सब प्रिकॉशनरी जो पहले नहीं खाते थे अब वो तो अपना सारे जैम है, ब्रेड है, जो प्रोसेस फूड तो सारा बिल्कुल बंद कर दिया अपना, फ्रेश फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, स्टीम वेजिटेबल्स, मतलब अपने आप को भूखा नहीं रखता बिल्कुल भी, क्वांटिटी तो पूरी खा रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, मैंने अपना जी आजकल जैसे आम आ रहा है तो आम बहुत खा रहा हूँ, पहले तरबूज थे तरबूज बहुत खा रहा था, नाशपाती है, हर तरह का फूड, बनाना है, अभी थोड़ी देर पहले अपने 3 बनाना खाए हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी फूड में, तो प्रॉब्लम तो मुझे वो लगता है उसमें रोटी वगैरह में रहती ज़्यादा, उससे ठीक हो जाएगी। मेरा नाम नमिंदर, सेक्टर 49 सेनाकलनी का निवासी हूँ। पिछले 11 दिन से मैं ये जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने बताया था, उस हिसाब से हमारे तिलक विरमानी ने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, उस हिसाब से मैंने अपना इलाज शुरू किया था, जो कि लगभग 6-7 दिन से मैंने अन्न नहीं खाया था और मेरा शुगर जो 470-480 फर्स्टिंग चल रहा था वो 130 और 135 के बीच में आ गया है, बीच में कई बार 108-107 भी आ जाता है, जो दवाई में 1.5 गोली सुबह और 1.5 गोली शाम को खाता था, अब मैं आधी गोली सुबह खाता हूँ, बाकी मैंने सारे दवाई बंद कर रखी है, अब मेरे को हल्का पन भी महसूस हो रहा है और थोड़ा सा वेट भी लूज हो गया है, बिल्कुल शरीर सही आ रहा है, उस हिसाब से मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं जो भी ये देखेगा उससे निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर साहब जैसे इलाज बता रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि अन्न बंद करने से हमारा शुगर बिल्कुल अपने लेवल पे आ गया है, बिल्कुल कंट्रोल है। ओके सर, मेरा नाम है सुभाष गुलाटी, मैं 15-16 साल से मेरे को डायबिटीज़ है और जब ये डायग्नोज हुई थी तो उस वक्त वो 400 डायबिटीज़ थी तब मेरे को डायग्नोज हुई, तो उसके बाद फिर मैं रेगुलर मेडिसिन वगैरह ले रहा था काफ़ी, तो उसको फरीदाबाद में डॉक्टर्स वगैरह उनसे काफ़ी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने 40s में डॉक्टर अरुण मिश्रा हैं क्योंकि अथॉरिटी माने जाते हैं इस समय, तो उनसे मैं पिछले 3-4 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो उसमें कंट्रोल में तो थी मेरी डायबिटीज़ लेकिन मेडिसिन काफ़ी लेनी पड़ती थी, मतलब आलमोस्ट दिन में 14 टैबलेट्स मैं रोज़ लेता था, उससे फिर
ब्लड प्रेशर हो जाएगा। एक दिन फिर मुझे डॉक्टर साहब के बारे में पता चला तो फिर मैं मेरी वाइफ पहले आई अपना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, उसने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो नेचुरल से ठीक करते हैं, तो मैं इनसे मिलने आया, मेरे को अच्छा लगा, इन्होंने डाइट प्लान दी मेरे को और कुछ नहीं, मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ मेडिक दवाई मिल जाए, अपनी डाइट प्रॉपर्ली दीजिए और उससे आपका ठीक हो जाए। साथ एक महीने के अंदर मैं हैरान हो गया कि मैंने एक दिन डाइट ली तो अगले दिन मैंने जब चेक की शुगर तो 98 आ गई। तो अभी मैं 15 दिन से जब ले रहा हूँ तो मैंने मेडिसिन एक टाइम कर दिया, तीन टाइम लेता था मैं सुबह दोपहर को शाम को, अब मैं सिर्फ सुबह लेता हूँ, बाकी दो टाइम मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ पिछले 15 दिन से। और मेरी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल मतलब पहले से बेटर, अब 98, 108, 110 ऐसे भी नहीं आते। मैं तिलक विरमानी, मैंने 30 सितंबर को सेमिनार अटेंड किया था डॉक्टर बी आर चौधरी जी का ऑडिटोरियम में, जहां मुझे डायबिटीज़ के बारे में पता लगा कि कैसे हम इसे नेचर से क्योर कर सकते हैं। मेरा इलाज अपोलो हॉस्पिटल से चल रहा था और मेरी दिन की कम से कम 60 टैबलेट चल रही थी, लेकिन जब मैंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया और फर्स्ट 3 दिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने समझाया कि आपने अन्न को छोड़ना है और फ्रूट लेना है, सैलड लेना है, जो भी इन्होंने प्रतिक्रिया बताई उसी रूप से मैंने स्टार्ट किया, तो मेरी 3 दिन बाद शुगर नॉर्मल हो गई, जो 250 हुआ करती थी वो 140 पे आ गई, और इस तरह मुझे काफ़ी हल्कापन भी महसूस हुआ, जो मेरा शरीर थका सा नज़र आता था, सिर में दर्द या पैरों में दर्द उससे भी काफ़ी राहत मिला, और मैं अब इस प्रतिक्रिया को जारी रखते हुए काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ, और भाइयों से भी निवेदन करूँगा कि वो भी इस प्रतिक्रिया को सीखें और जीवन में बनाएं, इससे काफ़ी फायदा पहुँचेगा सबको। मैं सुशील कुमार गोयल, मुझे 10-11 साल से है डायबिटीज, मुझे तब पता लगा जब मेरे हाथ में बिल्कुल ये काम करना बंद कर दिया, तो मैं डॉक्टर मोहनलाल जी आनंद लोक में दिल्ली में रेडी रहूँगा, तो तब चेक कराया तो मुझे 472 शुगर था, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर मेरे मित्र हैं गोपाल जी, उन्होंने मतलब इसके बारे में बताया, फिर मैंने ये एक महीने मुझे 10 दिन के आसपास हुए तो मेरी सारी दवाइयाँ बंद और 168 के आसपास मतलब अभी फास्टिंग रहती है, किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है। ये मेरी बेटी है प्रज्ञा, जिसकी उम्र 8 साल है। हम 5 महीने से बहुत परेशान थे, इसको डायबिटीज़ हो गया था और काफ़ी इलाज किए, कोई फ़र्क नहीं लगा, और तब जाके हमें कहीं ये विश्व स्वरूप डॉक्टर का उनसे कॉन्टैक्ट हुआ हमारा, और फिर हम इनसे मिले और इन्होंने हमें एक डाइट चार्ट बताया जो हम आज फॉलो कर रहे हैं, और इससे काफ़ी फ़र्क है। आज पहले इसकी शुगर 400 से भी ऊपर हो जाती थी और आज काफ़ी इसको फ़ायदा मिल रहा है, जो अधिकतर इसकी शुगर नॉर्मल ही आती है। तो हम सब मैं चाहती हूँ कि सबको ये डाइट प्लान इनका फॉलो करना चाहिए, और ताकि जो भी परेशान है अपनी बीमारियों से वो ठीक हो जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सुजीत सिंह है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, मेरा बेटा है 9.5 साल का, और इसे लास्ट अगस्त 27th of August 14 को डायग्नोस हुआ कि टाइप 1 है। उसके बाद हमने एलोपैथ किया, फिर हमारे मित्र हैं उन्होंने बताया था कि एक बार डॉक्टर साहब का नाम कि इनसे एक बार मिल लूँ, तो मैंने डायरेक्ट सेमिनार अटेंड किया था। सेमिनार के बाद मैंने इनकी डाइट जो था वो इस पर अप्लाई किया बच्चे पर, उसमें ये था कि
सारी इसने फॉलो नहीं की है, कुछ फॉलो की है, जैसे पैसे की जो लीव्स थी वो पास की, तो ये बेटा मेरा एक ही ले पाता है, वेजिटेबल फॉलो नहीं कर पा रहा है, हाँ बाकी सारी फॉलो कर रहा है, जो फ्रूट्स वगैरह हैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट है। आज से 4 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे डायबिटिक है। वो कैसे पता लगा कि जब मैं डॉक्टर के पास जाता रहता था अपने किसी न किसी पर्पज़ के लिए, कोई अपना इलाज कराने, कोई फीवर है, कोई वायरल है, तो वो मेरे एक डॉक्टर है डॉक्टर डुडेजा, तो वही मेरे जो मेडिसिन वगैरह वही देते हैं। तो एक दिन जब मैं घर पे अपना, मेरे को डाउट हुआ कि शुगर है, मगर फिर भी शुगर नहीं मिली थी, उसमें मेरी शुगर बहुत लो आ रही थी उस टाइम, तब मुझे उन्होंने कहा कि आप अभी और जाके कुछ मीठा ले सकते हो, तो मैंने मीठा लिया, अपना शिकंजी वगैरह नींबू की शिकंजी बनवाई, तो मुझे ये डाउट हुआ कि मेरा भाई शुगर लेवल इतना लो क्यों है, तो मैं अपना मीठा लेने लग गया। तो मैंने फिर भी चेक कराया, 6 महीने बाद फिर चेक कराया, रेगुलर मैं चेक कराता रहता था शुगर, तो उसमें भी मेरे को लो ही नज़र आई शुगर, तो भी मैंने मीठा कंटिन्यू रखा। फिर मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया कि भाई शुगर तो चलो है ही नहीं मुझे, और मैं अपना थोड़ी वॉकिंग भी जो करता था वो भी नहीं हुई मेरी, किसी वजह से मैं बिजी हो गया। तो मैं अपना बिजी होने के बाद जो है लापरवाह भी हो गया इस बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में। तो बाद में पता लगा कि मेरे को जब थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा आने लगा, तो मैंने किसी को कहा कि आज मुझे यूरिन ज़्यादा आ रहा है, तो किसी ने कहा हो सकता है कि आपको जो है शुगर हो। जब मैं चेक कराने गया उन्हीं डॉक्टर के पास दोबारा, तो उन्होंने जब चेक की रैंडमली तो 300 शुगर थी, तो मैं वरीड हुआ। उन्होंने जो है कहा कि भाई शुगर ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी। तो मैंने जो है मेडिसिन ना खाते हुए, किसी ने कहा कि आप करेले का जूस पियो, करेले खाओ, जामुन खाओ, जामुन की कोई ऐसी कोई चूर्ण सा बनता है वो लीजिए, किसी ने कहा वॉक करो, मैं मतलब वॉक वगैरह करने लगा, इवनिंग में भी मॉर्निंग में भी, अपना थोड़ा सा भाई आम नहीं खाना, किसी ने कहा केले नहीं खाने, चीकू नहीं खाने, सभी चीज़ मैं बंद करता गया, मगर थोड़े टाइम बाद फिर मेरा मन करता था खा लेता था। तो उसके बाद भी शुगर जो है मैं चेक नहीं कराया करता था, मगर फिर किसी ने जब चेक कराने जाता था तो फिर मेरी 250, 270, 300, 350 ऐसे ही आती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो मेरी राय में आप जो है मेडिसिन लेना शुरू कर दीजिए। तो मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया उनके कंसल्टेशन से। तो उन्होंने पहले जो टैबलेट की कि आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले लेनी है, तो मैंने वही लेता रहा, और थोड़ा सा उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आपको परहेज रखना है और थोड़े वॉक भी करनी है, तो मैं वो भी करता रहा, मगर फिर वॉक बंद हो गई, फिर जो है खाना पीना भी अपना वही रूटीन में ही चलता रहा, टैबलेट भी चलती रही कि भाई टैबलेट ले रहे हैं आप तो कुछ खा भी सकते हैं, भाई शुगर कम ही आती है। फिर उन देखा फिर शुगर लेवल फिर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, जब भी मैंने चेक कराई जो 3 मंथ्स में एक बारी होती है HbA1c वो मैंने चेक कराई, तो उसमें जो है एवरेज जो है ठीक नहीं आया। फिर उन्होंने एक टैबलेट और लिख दी कि आपको इवनिंग में भी आपको एक टैबलेट लेनी है डिनर से पहले, तो मैं वो भी लेना शुरू कर दिया। तो टैबलेट जैसे मैंने सोचा अब तो दोपहर की भी हो जाएगी, फिर इंसुलिन पे आ जाएंगे, तो ऐसे थोड़ा सा वरीड भी रहता था अपनी शुगर के बारे में, थोड़ा सा वेट भी मेरा इंक्रीज हो गया था, थोड़ा सा पैरों में घुटनों में भी दर्द रहता था। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, खाना पीना भी बंद हो रहा है, अभी एज भी मेरी ज़्यादा नहीं हुई थी, बच्चे भी छोटे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा, तो वॉक करूँ या परहेज रखूँ, पर किसी वजह से कुछ भी नहीं हो पाता था। मतलब यही होता था कि बार बार यही वरीड होता था कि शुगर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा। पेरेंट्स को भी थी, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को। एक दिन ऐसी मेरी मीटिंग स्कूल में, जब भाई डॉक्टर साहब आए हुए थे तब उनसे मीटिंग हुई, पर मैंने सोचा हमारे स्कूल में सभी आते हैं, सभी ऐसे ही लेक्चर देते हैं, कोई एंड ऑफ इलनेस, मतलब ठीक है इनका अपना ड्राइव है कि एंड ऑफ इलनेस कर, कि इनकी भी कोई होगा, ऐसे ही कुछ पहले आए थे भाई, सब अपना अपना बताते हैं, हम सुनते रहते हैं, तो कभी मैंने इतना विश्वास नहीं किया था। मगर जो मेरी प्रिंसिपल मैम है मिसिस अपर्णा गौतम पांडा,
एक दिन ऐसे ही मैं बैठा था तो तब उन्होंने बताया कि आप एक बार डॉक्टर साहब के पास जाइए, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जो एक डायबिटिक के लिए उनके पास एक नई थेरेपी फ्रूट्स से रिलेटेड या वेजिटेबल प्लान है कुछ। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मेडिसिन नहीं भी है कम से कम कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, अगर गलत भी होंगे तो भाई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, सब कुछ अपने घर में ही बनाना था, घर में ही खाना था, कुछ बाहर से नहीं लाना था, कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ भी नहीं थी जो कि साइड इफ़ेक्ट्स लाएँ। तब मुझे थोड़ा सा जब मैं आया था उनके ऑफिस में तो उन्होंने सारे डाटा जो मेरे से फिल कराए थे तो मैंने फिल करे, अपना फिल करने के बाद उन्होंने जब मेरे देखा तो उन्होंने मेरे को एक डाइट चार्ट दिया। मैंने उसको नेक्स्ट डे से ही सारा घर पे जो सामान लाना था, जो भी वेजिटेबल्स लाते थे वो लाया, उसी हिसाब से मैंने फॉलो किया। तो मेरे को जो है फर्स्ट उन्होंने बोला था 7 डेज में ही आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी मेडिसिन छूट जाएगी। तो उन्होंने जो फ्रूट्स वगैरह भी लिख के दिए थे कि लंच और डिनर के बीच में, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो फ्रूट्स लेने हैं, तो मैं वो फ्रूट्स भी लेता रहा और वेजिटेबल वगैरह जो भी उन्होंने लिखी थी, जो भी डाइट चार्ट दिया था, जो मॉर्निंग में नो ब्रेकफास्ट के नाम से और लंच और डिनर में रेनबो मील के नाम से जो दिया मुझे, उसे मैंने फॉलो किया। और फॉलो करने के बाद मैंने जो है, उन्होंने ये भी बोला था कि आपको मेडिसिन नहीं छोड़नी है, पहले मेडिसिन जैसे जैसे आपको लगे कि भाई आपकी शुगर लेवल डाउन जा रही है और उसी हिसाब से आप इवनिंग की छोड़ना, फिर मॉर्निंग की। मैंने पहले इवनिंग की छोड़ी, जब शुगर लेवल मैं चेक कर रहा था तो मेरा शुगर लेवल काफ़ी कम था, तो मैंने सोचा मेडिसिन से तो और भी कम आ रहा है, तो मैंने वो मेडिसिन छोड़ी। फिर मैंने अगले दिन शुगर लेवल चेक किया तो चेक करने के बाद देखा कि तब भी मेरे को मतलब उतना ही शुगर लेवल आ रहा है कि मेडिसिन ना लेने के बाद भी मेरे को मतलब रिलीफ मिल रहा है, तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी। ऐसे ही मॉर्निंग में भी मैंने जो है मेडिसिन जो है मॉर्निंग में जो डबल डोज दी थी डॉक्टर साहब ने, हैवी डोज, तो मैंने उसको भी जीमर 2 के नाम से वो मैंने हाफ टैबलेट कर दी। फिर हाफ टैबलेट को भी थोड़े दिन बाद मैंने उसको भी छोड़ दिया, 10-12 दिनों में ही पूरी मेडिसिन मेरी छूट गई और मैं इस डाइट प्लान को भी फॉलो करता आ रहा हूँ। ऐसे ही कई बार मन भी करता है मेरा खाने का, मगर टाइम टू टाइम जब मैं अपने मन को मार लेता हूँ कि भाई मुझे तो ठीक होना है, पूरी तरह से शुगर को मेरे को ख़त्म करना है, अब देखते हैं 3 मंथ्स का प्लान जो दिया है इन्होंने मैं उसको फॉलो करूँगा। और बीच बीच में मुझे मन भी करता है खाने का, जैसे मेरे को एक बारी मार्केट मेरी बेटी के साथ मुझे जाना पड़ा, मेरी बेटी ने कहा कि मुझे जो है चाउमीन या कुछ बर्गर खाने का मन कर रहा है, तो बच्चे हैं कई बार मना भी करते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है, मगर वो मानी नहीं, थोड़ा बहुत पापा मैं खा लेती हूँ, पर जब मैंने लेन लगा तो मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी ने अपने मन को मारा कि नहीं पापा कि आप भी, फिर आपका भी मन करेगा खाने का। मैंने कहा नहीं बेटा मेरा मन नहीं करेगा, मैंने अपने मन को मारा, आप खाओ, अगर खाना है तो मैं आपको ले देता हूँ। मैंने उनको ले के दिया और उसने बोला भी कि भाई खाइए, मैंने कहा मैं नहीं खाऊँगा मेरे डाइट, तो उसने कहा ठीक है पापा मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, तो मैंने अपने मन को मारा। कई बार कई लोग ऑफ़र भी करते हैं, किसी के घर जाते हैं कि घर में भाई चाय भी हर कोई रखता है तो उनको पहले से ही मना करना पड़ता है कि मैं चाय पीता नहीं, कोई ना कोई बहाना लगाना पड़ता है। अगर वो आगे नमकीन बिस्किट कुछ रख भी देते हैं तो ऐसे जस्ट थोड़ा सा अपना ऐसे लेके भाई खा लिया, हाँ जी ओके दैट्स ओके, तो इस तरह से मैं अपने मन को मारता हूँ। कई बार समोसे खा रहे होते हैं, कोई कचौड़ी खा रहा होता है तो अपने मन को भाई मैं लेता ही नहीं हूँ, डॉक्टर साहब ने वैसे ही पहले भी मैं कुछ नहीं लेना होता था तो मैं ये कहता था मेरा जो मेडिसिन चल रही है डॉक्टर साहब ने मना किया। तो कई बार थोड़ा बहुत जस्ट ऐसे ही दिखावे के लिए भाई उनको ये ना बुरा लगे कि हमने इतना कहा, इतनी सारी सुनाने से अच्छा है जो मेरे को लगता है कि डायबिटिक पेशेंट है, फिर मैं उनको इस बारे में बताता हूँ, डॉक्टर साहब जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी हैं उनके बारे में बताता हूँ, अपनी डाइट प्लान के बारे में बताता हूँ कि ताकि उनको भी रिलीफ मिले ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इसके लिए पूरी इनकी टीम का, जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं उनकी टीम का, क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम मेरे को फ़ोन किया और मेरी डाइट के बारे में पूछा, जो मेरे को परेशानी आई, कोई जो डिफ़िकल्टी आई, उन्होंने टाइम टू टाइम उसमें जो है थोड़ा सा अमेंडमेंट करके मुझे बताया कि नहीं आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा ले सकते हो। अगर मुझे ग्रीन चिल्ली अच्छी नहीं लग रही तो उन्होंने कहा ग्रीन चिल्ली तो टेस्ट के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं है लेनी है आपको, जस्ट फॉर टेस्ट है, अगर आपको नहीं लेनी है टेस्ट को, आपको नहीं आपको लगता है कि वैसे आपको अच्छी लग रही है तो वैसे लीजिए, तो मैंने वैसे ही फिर उनको फॉलो किया।
चाय की भी मेरी पहले बहुत इच्छा होती थी, हेडेक भी होता था, मेरे को दो तीन दिन हेडेक भी हुआ, पर जो इनकी हुंजा टी है, पहले मेरे को लगता था मैं जो ब्लैक टी या ग्रीन टी मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, घर पे देखते ही मैं दूर भागता था, मगर जब मैंने इनकी हुंजा टी घर पे बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी फ्रेशनेस फील किया मैंने अपने आप में, एनर्जी भी मुझे मिली इस डाइट से। मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ आज भी अपने स्कूल में, अपना वही मैं टीचिंग कर रहा हूँ, वही मैं आप जो पहले काफ़ी टाइम तक घर पे सोया रहता था, आने के बाद थका मतलब थकान सी महसूस करता था, अब मेरे को वो थकान भी महसूस नहीं हो रही। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो अपनी प्रिंसिपल मैम मिसेस अपर्णा गौतम पांडा का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि आप एक बार ही जाइए। तो मैंने वो आने के बाद फिर डॉक्टर साहब का, उनकी टीम का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं सभी से ये कहूँगा जो डायबिटिक हैं या जो भी और प्रॉब्लम्स हैं उससे मतलब डॉक्टर साहब के पास आकर विजिट करें, एक बार ही उनके पास आए जरूर, और उसे आप मन मार के मतलब अपने मन को जो खाने पीने की वो तो कभी भी खाई जा सकती है, मीन्स थोड़ा बहुत अगर आप हेल्थ है तो आप उसे फिर भी ले सकते हो कभी ना कभी टेस्ट, ऐसा ना हो कि वो टाइम ही ना आए कि खाने आज तो हम उसे खा लें कि फिर कभी खा ही ना सकें, ऐसा होना चाहिए कि हम उसे रेगुलर या काफ़ी टाइम बाद भी उसे खाएं तो खा सकें, इतना हम अपने हेल्थ के बारे में हमें सोचना चाहिए। अभी आपका मेडिसिन और ब्लड शुगर लेवल क्या चल रहा है? अभी जो है मैं जब भी चेक कर रहा हूँ बिना मेडिसिन, अब तो मेडिसिन मैं ले ही नहीं रहा, अब मैं जब भी चेक करता हूँ कभी वो मॉर्निंग में तो मेरी अभी 120 आ रही है, 120-125, और जो खाना खाने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद दोपहर में 118 भी आ जाती है, 120 भी आती है, और नाइट में 135 भी, फ्रूट्स भी ले लेता हूँ मैं तो मैं फ्रूट्स भी खा लेता हूँ, उसके बाद भी 130-145, अभी उससे ज़्यादा नहीं गई है, अभी भी मैंने मॉर्निंग में भी चेक किया था तो 120 आई थी, थोड़ी मॉर्निंग की है प्रॉब्लम जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 80-100 होनी चाहिए या 90-100 होनी चाहिए, मैं उसी के लिए ही लगा हुआ हूँ कि मॉर्निंग की जो है मेरी फास्टिंग जो है ठीक। St. John's School, Sector 7, Faridabad. My husband is posted to Delhi. My husband is having diabetes for quite many number of years, and after we were advised by Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary for following this diet that has been designed for his diabetes, he has improved a lot. The medicine that he, the amount of the medicines that he used to take for diabetes has reduced a bit, quite a bit, and he is improving very fast. So I'm very sure that if people follow this diet who are suffering from diabetes, there will be a lot of help. And personally, me also, I was having a little higher triglyceride on following this diet. My triglyceride has come to normal and it's perfectly fine. And I wish Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary and his team a lot of success in their endeavor. And in future also, I know a lot of success stories are going to come up wherein people would get helped and healed with this diet. And wish you all the best. मेरा नाम हिमलता ढोंडियाल है। मैं एक housewife हूँ और 1.5-2 साल पहले मुझे अपने diabetes के बारे में पता चला, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैंने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों को लेना शुरू किया, लेकिन कुछ टाइम बाद भी मुझे उससे फ़र्क नज़र नहीं आया। फिर मैं विश्वरूप जी के क्लिनिक में गई, वहाँ उन्होंने मुझे एक डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए दिया और उससे मुझे उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था, लेकिन मुझे 1.5 महीने में ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया और मेरा शुगर काफ़ी कंट्रोल हो गया। और आज मेरा शुगर जो है, पहले मेरा 221 था और अब आप ये देख सकते हैं 131। शुगर निकला है और इसके साथ साथ मुझे ऑर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम थी और ये डाइट लेने से उस पर भी फ़र्क पड़ गया और मुझे अब घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ देख के मेरे डॉक्टर खुद हैरान रह गए
उन्होंने इतनी जल्दी असर शायद किसी पेशेंट में देखा नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि डाइट लेने से बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत जल्दी असर होता है। मेरा बेटा मार्च का महीना था एंड उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रही थी रात को और थोड़ा वीक हो रहा था, लेग में क्रैम्प्स हो रहे थे, बट फाइनल एग्ज़ाम थे तो इतना हमने कहा चलो कोई बात नहीं दिखा लेंगे डॉक्टर को। तो उसका रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए, वैक्सीनेशन ड्यू थी उसकी 21 मार्च 2014 एंड डॉक्टर के पास गए तो पहले उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोल दिया कि शायद बच्चे की वीकनेस है तो आप विटामिन डी और वो दे दीजिए मल्टी विटामिन एंड तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मैंने जब उनको बताया कि उसको रात को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है तो उन्होंने कहा शायद यूरिन में कोई इन्फेक्शन होगी तो आप यूरिन टेस्ट करा लीजिए। मैंने उनकी क्लिनिक में यूरिन टेस्ट कराया तो एक घंटे बाद उन्होंने कहा था कि आप पता कर लेना क्या है। एक घंटे बाद फ़ोन किया तो डॉक्टर ने कहा कि आप इमीडिएट उसको लेके आओ यहाँ पर, उन्होंने फ़ोन पे कुछ नहीं बताया। उनको लेके गए तो उसके बाद उन्होंने जब ग्लूकोमीटर पे शुगर टेस्ट करी तो उस पर हाई लिखा आया, उन्होंने कहा इसको इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिट करो। फटाफट उसको लेके गए मैक्स हॉस्पिटल और वहाँ एडमिट करा और उसको शुगर टेस्ट करी ब्लड से एंड जब रिपोर्ट आई तो इट वाज 958, तो इट वाज क्वाइट हाई एंड शॉकिंग। तो तब हमें पता चला कि उन्होंने डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसको डायबिटीज़ है और टाइप 1, और उसके बाद उन्होंने बड़े सारे टेस्ट किए और इमीडिएट इंसुलिन पे उसको एडमिनिस्टर कर दिया और उन्होंने बोल दिया अब सारी ज़िंदगी इसको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। और बस नेक्स्ट डे पहले उन्होंने मिनी आईसीयू में रखा जिसको पीकू कहते हैं और नेक्स्ट डे रूम में शिफ्ट कर दिया। फिर उसको सिखाया कि इंसुलिन कैसे लेनी है, दिन में 5-6 बार शुगर टेस्ट होती थी और सब टाइम्स हाई आती थी 400, 500, 300। ऐसे करते करते 3-4 दिन हम रुके, इंसुलिन देनी शुरू कर दी और फिर वो थोड़ी नॉर्मल लेवल पे आ गई। बट हम जो उसको टोटल इंसुलिन यूनिट्स दे रहे थे उस टाइम अराउंड 30 यूनिट्स दे रहे थे, 30 P1 AC टेस्ट आया था और वो 14.7 था। तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी हाई है एंड फिर हमें नेक्स्ट डे डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने हमें समझाया कि डायबिटीज़ क्या होता है, कैसे पैनक्रियास डैमेज हुआ है और हमें सारी चीज़ें उन्होंने समझाई और हमें बताया कि इसकी डाइट कंट्रोल आपने करनी है, मतलब कि लो डेरी फैट मिल्क देना है या विदाउट फैट दही देनी है एंड जो ऑब्वियसली शुगर आइटम तो सारी बंद हो गई थी, फ्राइड फूड भी उन्होंने कह दिया बिल्कुल बंद कर दिया और प्रोसेस फूड भी बंद करवा दिया और बाकी भी कहा कि आपको थोड़ा थोड़ा लेते रहना पड़ेगा और जैसे जैसे आप शुगर टेस्ट करोगे तो आपको ये हाई लो होती रहेगी। तो उस टाइम पे शुरू के टाइम पे बड़ी फ्लक्चुएट करी थी हमारी शुगर, तो अराउंड 17th अप्रैल हम डॉक्टर चंद्रशेखर एक्वा सॉल्यूशन उनके पास मेरा कोई कोर्स कर रहा था तो उन्होंने मेरे को डॉक्टर स्वरूप चौधरी के पास बुला लिया था। मैं इनके पास आया तो इन्होंने हमें बताया, तब उस टाइम इसकी यूनिट्स थोड़े कम हो गए थे, तब अराउंड 8-10 यूनिट्स ले रहा था दिन के। तो उन्होंने हमें ये बताया रॉ फूड प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में, तो हमने नेक्स्ट डे ही शुरू कर दी थी। उसके बाद ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद ही हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला और शुगर लेवल थोड़ी नॉर्मल रेंज में आनी शुरू होगी और अराउंड एंड अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ मे से तो वो शुगर्स मतलब कि क्या होगा बिल्कुल इंसुलिन हमारी बंद होगी, बट वो अब हफ्ते में हमें 2 या 3 यूनिट लगाने पड़ रहे थे जी। एंड अभी ऑफ लेट जो अभी इट्स 4th वीक जिसमें अभी एक ही यूनिट हमने उसको नहीं दिया। ओके जी।
तो अभी हमने टेस्ट कराने हैं, बाकी जो सारे टेस्ट होते हैं वो बट हमने अगस्त में कराने हैं, तो अब अगस्त में फिर टेस्ट कराएंगे मिड अगस्त में, उसके बाद हमें पता चलेगा एग्जैक्टली और लेवल क्या है, बट हमारे जो फास्टिंग शुगर लेवल हैं वो सब नॉर्मल रेंज में। नमस्कार, मेरा नाम हरवीर सिंह बेनीवाल है, मैं रिटायर्ड जज हूँ, मैं हिंडोन सिटी जिला करौली राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं विगत 5 वर्षों से डायबिटीज रोग से पीड़ित था। मैं डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी के संपर्क में आया और उनसे मैंने सलाह ली, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर डाइट प्लान अपनाने को कहा। मैंने उनका डाइट प्लान अपनाया, इस अवधि में मैं प्रॉपर डाइट प्लान पर रहा। मैंने इस पीरियड में रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन किया। 10 दिन बाद मैंने अपने शुगर लेवल की जांच कराई तो बड़े आश्चर्यजनक और सुखद परिणाम प्राप्त हुए। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल। मैं यह भी बताना उचित समझूंगा कि इस अवधि में मैंने डायबिटीज की किसी दवाई का सेवन नहीं किया। मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि विश्व में इतने डॉक्टर हुए हैं लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया कि केवल उचित आहार से ही रोगों का उन्मूलन हो सकता है। डॉक्टर चौधरी ने विश्व की अनेक सभ्यताओं का परीक्षण किया और यह पाया कि जो लोग उचित डाइट प्लान पर निर्भर करते हैं वो शतायु होते हैं। मैं डायबिटीज के समस्त रोगियों को सलाह देना उचित समझूंगा कि वे डॉक्टर चौधरी से संपर्क करें और उनके द्वारा बताए गए डाइट प्लान का अनुसरण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे पूर्णतः रोग मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम अमन है और मैं 14 साल का हूँ। मेरे को डायबिटीज हुई थी 2011 में, तब मैं मतलब मेरा वेट लूज होने लगा था, तो ये हमने हेलो हाँ गो अहेड तो हम डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने मेरे को बताया था कि मेरे को डायबिटीज है और टाइप 1 बताया था, तो उन्होंने मेरे को इंसुलिन दी। तब जब शुरू में मैं इंसुलिन लेने लगा था तो मेरी डोज थी मतलब 6 यूनिट लेता था दिन में 3 बार, और फिर रात को जो लेविमेट था वो 15 यूनिट्स था। और फिर जब मतलब ये ऐसे यही इलाज 3 साल चला, फिर जब मेरे को डॉक्टर रॉय के बारे में पता चला तो जब उनके पास आया तो उन्होंने जो डाइट चार्ट दिया मैं उसके अकॉर्डिंग अब चल रहा हूँ, और अब मेरे को पहले से बहुत बेटर फील होता है और डोज भी बहुत कम हो गया, और अब डोज हो गया मतलब 3 यूनिट्स हो गया, दो बार लेता हूँ दिन में, और रात की जो लेविमेट लेता था वो अब 10 यूनिट्स हो गए। वो अब 10 यूनिट्स हो गए। अच्छा, तो क्या डाइट प्लान दिया है अमन आपको? डाइट प्लान ये दिया कि दूध का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना, और सुबह स्प्राउट्स खाने हैं, और शाम तुलसी बताई है वो मतलब सुबह उठ के वो खानी है, और उसके बाद कोकोनट वाटर। अच्छा, तो अमन एक बात बताइए कि आपको ये डाइट फॉलो करते हुए कोई दिक्कत या परेशानी आती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आर यू हैप्पी विद दिस डाइट? आपको लगता है कि आप इसको खा पाएंगे टू मेंटेन योर शुगर लेवल? हाँ मैम, बिल्कुल। और आपको लगता है कि ये डाइट खाने से कि अभी आप खत्म हो जाएगा, मतलब आपकी टाइप 1 डायबिटीज ही खत्म हो जाएगी? बिल्कुल लगता है। और आपको क्या अच्छा फील होता है? पहले से बहुत बेटर फील हो। आप क्या अब खेलने जाते हैं सब कुछ बच्चों के साथ, आपको देख कर क्या खाने का टेम्पटेशन तो नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है। आप आर यू हैप्पी? आई विल यू मेंटेन दिस डाइट थ्रू आउट? यस यस मैम, आई विल मेंटेन। सो थैंक यू। ठीक, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, थैंक यू। मेरा नाम जयश्री आचार्य है। मैं तकरीबन 4.5 साल से कैंसर से ग्रसित हूँ। अबाउट 4.5 ईयर्स बैक मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसका इलाज किया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी सब होने के बाद करीब डॉक्टर्स ने कहा था कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप, लेकिन 2 साल बाद मेरे को फिर से बोन मेटास्टेसिस हुआ, स्प्रेड हुआ बोन में, स्पाइन में ट्यूमर फिर से निकल आया, जिसका इलाज मैंने फिर दोबारा करवाया। और इसका भी इलाज के बाद ऐसा लगा कि अब हम ठीक हो रहे हैं, तो करीब 2 साल तक फिर से हम ठीक रहे।
किंतु इसके बाद 4-1 साल बाद दोबारा मेरे को फिर से थोड़ा प्रोग्रेशन हुआ है, और तब मुझे महसूस हुआ कि ये एलोपैथिक इलाज से ट्रीट तो कर लेते हैं डॉक्टर्स, लेकिन इसका क्योर मुझे नज़र नहीं आ रहा था और ये बार बार लौट आ रहा है। तो इसके लिए मैं फिर मुझे लगा कि मुझे अल्टरनेटिव थेरेपीज़ का को देखना पड़ेगा। इसी दौरान मुझे मेरे नेव्यू और नीस के द्वारा पता लगा कि ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी यहाँ फरीदाबाद में बैठते हैं, जिनके जो नेचर डाइट वगैरह बताते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे को वीट ग्रास जूस के बारे में मालूम था और मैं पीना चाहती थी, पर मैं सही तरीके से नहीं ले रही थी। तो मैं ख़ास तो उसके लिए आई थी पहले इनको बताने कि मुझे वीट ग्रास जूस लेना है और प्रॉपरली लेना है, तो उसके लिए कैसा करना चाहिए क्या है वो देखने आई थी। बट यहाँ आने पे उनसे मिलने पे पता लगा कि मुझे एक्चुअली उन्होंने पूरी डाइट एक प्रिस्क्राइब की और बहुत सी बातें समझाई, जिससे मुझे समझ में आया कि ये बार बार मुझे लौट के क्यों कैंसर आ रहा है और मैं ठीक नहीं हो पा रही। इसके बाद मैंने बिल्कुल सीरियसली करीब 2 महीने तक नेचर डाइट जो है बताई गई थी, जिसमें कि पूरे 5 पॉइजन्स को छोड़ना था, शुगर, सॉल्ट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, मैदा और वाइट राइस, ये इनको छोड़ के और पूरी वेजिटेबल फ्रूट डाइट लेने के लिए बताया गया। तो वो मैंने करने का प्रयास किया, 2 महीने तक मैंने काफ़ी सिंसियरली किए। नमक मुझसे पूरी तरह से नहीं छूट पाया, लेकिन बाकी मैंने सब छोड़ के और पूरा जैसा बताया था वैसे लेने की कोशिश करी। कभी एक आध दिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन उस सब के बावजूद मुझे कभी भी कमज़ोरी नहीं लगी, बहुत एनर्जेटिक फील होता रहा। वेट मेरा ज़रूर काफ़ी रिड्यूस हुआ, लेकिन मेरे को एनर्जी की कभी कमी नहीं लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा बिल्कुल सारा दर्द चला गया है, मेरा कैंसर भी ठीक हो गया है। कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी तो पता लग जाएगा, बट आई हैव अ गट फीलिंग कि मैं बिल्कुल क्योर्ड हूँ। थोड़ा सा मुझे अभी बस ये लगता है कि कुछ जो थोड़ा हड्डियों में दर्द वगैरह है और इस तरह की चीज़ें, उनके लिए कुछ समय और मुझे थोड़ा इस पर लग के करना पड़ेगा, पर मुझे विश्वास है कि इन चीज़ों से ही सब रोगों का इलाज है। एलोपैथी मेडिसिन आपको सिर्फ जिंदा रख सकती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी सुनिश्चित नहीं कर सकती है। बैंक में मैनेजर का मैनेजर फादर के सिग्नेचर बदल गए यार, इनिशियल चेंज कराओ। मैंने कहा हाँ यार चेंज कराने पड़ेंगे, जब उनका खाता खुला तो हाथ कांपते थे, अब कांपने बंद हो गए। इनको पार्किंसन, पापा ठीक है, पार्किंसन और क्या ठीक हो? सब ठीक है। नहीं भाई फिर भी और क्या, और किस चीज़ की गोली खाते थे आप? शुगर की खाते थे। आप खाते हो? अच्छा, मिठाई खानी बंद हो गई आप? हैं आज भी खाइए, आज भी खाइए, हाँ प्रसाद लाया खाइए, हाँ और किसकी खाते थे? ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर अब ठीक है? गोली खाते हो? हैं कोई गोली खाते हो? कोई गोली खाते हो सर? वैसे कितनी गोली खाते हो आप? एक 1.25 महीने में ही ये ठीक है आपके पास? कितने साल खाई हो? जब से काम छोड़ा था जब चालू हो गया, थोड़ा जब भी चालू हो गया था, जब मेरा काम छोड़ा था। पता नहीं क्या बीमारी है। 13-14 साल से रेगुलर इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लाइक वंस अ मंथ हो ही जाता था मुझे, तो वॉमिटिंग बहुत होती थी और मेरे को छुट्टी भी लेनी पड़ती थी काम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या हॉस्पिटल जाना ही जाना है? मैंने फिर जब सर से पूछा तो सर ने बोला कि आपको मिल्क छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने मिल्क छोड़ दिया बिल्कुल। अब मैं कोई मिल्क और मिल्क नहीं, और मेरे को
आज तक ऐसा मेरे को याद नहीं है कि मुझे माइग्रेन ना हुआ हो किसी, पर अब मुझे जब से मतलब मैंने मार्क से फॉलो करना शुरू किया तो अब मुझे और मुझे ये अनबिलीवेबल सा लगता है। मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया क्योंकि उसको भी ये प्रॉब्लम है, तो मतलब मेरा तो मेरे से ठीक हुआ है। हाँ, और ग्रेन्स भी सर ने बोला था वो भी मैंने काफ़ी कम कर दिया पहले से, पूरे तो नहीं छोड़ पाई मैं ग्रेन्स क्योंकि रोटी तो खाती हूँ पर मिल्क और मिल्क बड़ा इसको कुछ पर सर की वजह से ठीक हुआ मेरा भाई। My name is Aryan Mohanty and I work for an international charity here. I came to know of Dr. Biswarup Chowdhury through a friend of mine, and after I got a heart problem, actually I came and met him in July. I had a 100% blockage in one of the arteries, and then after that followed his diet plan with, of course, with medication and other treatments that I am having. The last 2.5 months I'm feeling much better, energetic, and you know there are some medical improvements as well. I have lost around 12 to 14 kilos in the last 3 months, so I hope it's working well for me. So I would recommend this to anyone who has any kind of problem. He is excellent and wonderful. Thanks. Alok Kumar Sinha, working in LIC and branch manager. My problem was my weight. This was almost 10 increase by 10 kg, around 80. I started on 25th of September. Rather, I consulted Dr. Biswarup Rai Chowdhury after our one function held at MTF, Faridabad. I took appointment with him and I narrated him the problem. The problem was of weight and hypertension. I was taking medicine for hypertension control for the last 1 year. The name of medicine is Amdepine 5 mg of Adela, and I was taking it on a regular basis. On his suggestion of diet plan, I rigorously follow it. I cannot deny that 10-15% plus minus was there, but 85% I followed it for a month, and I realized that after 5, 10 or 15 days my pressure, hypertension, was under control. And after 10-15 days when it was in control, I left the medicine and I am checking it on regular basis. It is still normal, and now for the last 2 days I have shifted on regular food. Although I am using his diet plan issues regularly, that is, I am not taking any tea of milk, and I am using Hunja Chai, which he suggested, even in my office. And now my weight has gone down by 6 kg and I am not taking pills. This is what I feel about his dealings, and I can say that if his diet plan is followed rigorously, one will get the benefit. Thank you for his contribution to me. मेरा नाम राकेश कुमार गंगवार है, मैं आईपी कॉलोनी फरीदाबाद में रहता हूँ, एलआईसी सेक्टर 16 ऑफिस में जॉब करता हूँ। मुझे डॉक्टर साहब के बारे में मेरी बेटी जो एमबीएन स्कूल में पढ़ती है, रुचिका गंगवार, उसने बताया था, और सेक्टर 17 में जो इनका सेमिनार हुआ था उसमें लेके गई थी। मुझे मेरे घुटने में, राइट घुटने में दर्द था, जिसका इलाज मैं 1.5-2 साल से करा रहा था। फरीदाबाद के जो डॉक्टर केसी गुप्ता, डॉक्टर होंडा, जो चार डॉक्टर फेमस हैं, उन सबसे मैंने मेडिसिन ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल मेरा ज़्यादा था, जिसकी दवाई मैं डॉक्टर चांदना से ले रहा था, और उससे दवाई से कंट्रोल रहता था, लेकिन दवाई जैसे ही छोड़ता था तो फिर एज इट इज़ 350-350 हो जाता था। मैंने पिछले 2.5-3 महीने से डॉक्टर साहब के द्वारा सजेस्ट की हुई डाइट ली, तो उसके बाद मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया और 11 किलो करीब वजन कम हो गया है, और अब मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ।
कोलेस्ट्रॉल लेवल बगैर दवाई के 240 तक आ गया है, और तो इस तरह से काफ़ी फ़ायदा है मुझे, ये है। मैं बाकी आगे इसको कंटिन्यू रखने के लिए और प्रयास करूँ। नमस्कार, मैं भूषण चौहान, मैं सहायक शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम में मैं कार्यरत हूँ। दोस्तों, विश्वरूप राय चौधरी जी के विषय में मेरे को पहली बार पता चला सितंबर में। उससे पहले मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता था, मैंने कभी उनको ना तो सुना था, ना ही मैं जानता था कि इस तरह से कभी किसी व्यक्ति को केवल डाइट के द्वारा ठीक भी किया जा सकता है, तो मुझे ये सब भ्रांतियाँ लगती थी। लेकिन जब मेरे सीनियर शाखा प्रबंधक जी जब इस डाइट पे आए, तो मैं उनको अक्सर मैं देखा करता था कि वो किस तरह से इस डाइट को फॉलोअप कर रहे हैं और कैसे इस डाइट को खा रहे हैं। बड़ा मैं सोच में पड़ता था वो कैसे खाते हैं इसको, कि सैलेड के ऊपर कैसे व्यक्ति इस तरह से अपने आप को ठीक कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने जब उनको देखना शुरू किया तो मैं भी उसमें अभ्यस्त हो गया, और धीरे धीरे मैंने भी उनकी डाइट में से कुछ कुछ डाइट लेनी शुरू की। मेरे को लगा कि खाया जा सकता है और ये बड़ा टेस्टी भी है, तो मैंने केवल विश्वरूप जी से मिले बगैर मैंने उस डाइट का सेवन करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं ओपीडी में एक बार उनसे मिला, तब उन्होंने मेरे को बताया कि आपको किस तरह की डाइट खानी चाहिए। हालांकि मेरे को कोई ऐसी डिजीज नहीं थी, एक चीज़ थी कि मेरा बीपी हमेशा जरूर शूट अप रहता था, लगभग 150 से ज़्यादा मेरा बीपी रहता था, बट मैंने कभी कोई मेडिसिन ली, और ये शायद बहुत अच्छा रहा मेरे लिए कि मैंने कभी मेडिसिन ली। क्योंकि विश्वरूप राय चौधरी जी जब मैं उनसे मिला था, तब उनका भी यही का बात उन्होंने की थी कि व्यक्ति को मेडिसिन से बचना चाहिए, और मैं उनको ग्रैंड सल्यूट भेजता हूँ कि उन्होंने ऐसा ख्वाब देखा है कि पूरे समाज को मेडिसिन रहित बनाए। दोस्तों, मैंने जब से ये डाइट लेनी शुरू की तो मुझको लगा कि मैं दिन पर दिन हेल्दी होता जा रहा, और आज मेरा स्टैमिना इतना हो गया कि मैं एक घंटे बैडमिंटन निरंतर खेलता हूँ और मैं वहाँ पर थकता नहीं। ये बहुत अच्छी मेरे अंदर एक एनर्जी जनरेट हुई, और मैं ये चाहता हूँ कि जो अभियान उन्होंने चलाया है वो घर घर में एक विश्व रूप को जरूर खड़ा करना चाहते हैं, और मैं भी उनके ही द्वारा मैं भी समझता हूँ कि मैं भी एक विश्व रूप मैं भी बन गया हूँ और समाज की मैं सेवा करूँ। धन्यवाद। मेरा नाम लीना है, ये मेरी बेटी हर्षिता है, इसका 3 महीने पहले पैर से एक्सीडेंट हो गया था और उसके पैर पे गाड़ी चढ़ गई थी। उसका दो महीने तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहा, पर इसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। फिर हमारे भैया ने डॉक्टर विश्वरूप जी से मिलवाया, और उन्होंने हमें एक डाइट प्लान दिया जिसको हमने 2 महीने तक फॉलो किया, और इसकी इम्प्रूवमेंट अच्छे से अच्छी होने लगी, और अब इसका काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पैर। हम उस डाइट प्लान को अभी तक भी फॉलो कर रहे हैं और उससे इसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसपाल सिंह, और मैं भारतीय जीवन निगम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ फरीदाबाद में, और मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को पहली बार मिला 25 मई 2014 को, जबकि उनका मॉडर्न स्कूल में एक सेमिनार था। दोस्तों, उस समय तो मुझे कुछ जो उन्होंने बताया कुछ समझ नहीं आया, हालांकि उन्होंने कुछ मेडिकल के ऐसे मिथ्स बताए जो उस समय तक मेरे दिमाग में भ्रांतियाँ थी, कुछ दूर हुई लेकिन कुछ नहीं भी हुई। उसके बाद मेरे सीनियर प्राथमिक डॉक्टर महेश कौशिक जिनके थ्रू एक्चुअली मैंने जाना, फिर हमने 29 सितंबर को LIC की तरफ से एक सेमिनार किया, जिसमें एक्चुअली जब उन्होंने बहुत सारी बीमारियों को कवर किया उसको उन्होंने सब कुछ बताया, और तब पूरा कॉन्सेप्ट या पूरी चीज़ें मुझे समझ में आई कि केवल मात्र खाने के द्वारा ही हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हालांकि अभी भी मैंने उनका शुरू नहीं किया था। फिर उसके बाद सेप्टेम्बर मंथ में ही एक डायबिटीज़ के लिए स्पेशली सेमिनार हुआ जिसमें मैंने अपने दोस्तों के साथ अटेंड किया। हालांकि दोस्तों, मुझे शुगर तो नहीं था, लेकिन मैं पिछले 11 साल से लगभग 2001 से मैं ब्लड प्रेशर से पीड़ित था, और मेरा रीडिंग ब्लड प्रेशर का 150-120 के बीच में रहता था, और मुझे रेगुलर मेडिसिन मैं रीपेस AF और लोप्रिन 75 रेगुलरली ले रहा था, और जिस दिन कहीं गलती से मैं नहीं लेता था तो मेरा शरीर मुझे बता देता था कि आपने मेडिसिन नहीं लिया और आपको मेडिसिन की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं अक्टूबर मिड में डॉक्टर विश्वरूप राय जी से उनकी OPD में मिला,
उन्होंने मुझे डाइट प्रेस्क्राइब की और मैंने तुरंत इमीडिएटली 16 अक्टूबर से मैंने वो डाइट लेना शुरू कर दिया और लेने के मात्र चौथे दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस दिन मैंने जानबूझ करके गोली नहीं ली और आप यकीन मानिए कि मुझे पूरा दिन ये महसूस नहीं हो कि आपको गोली लेने की आवश्यकता है और मैंने इमीडिएटली शाम को अपने डॉक्टर से संपर्क किया और अपना बीपी चेक कराया तो बिल्कुल परफेक्ट, जो पिछले 13 सालों में नहीं हो पाया था वो मात्र 3 दिन की डाइट खाने से हो गया और अभी भी मैं रेगुलर उनकी डाइट फॉलो कर रहा हूँ और मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मेरा वेट जो पहले 89 केजी के आसपास था इस समय 84-85 के आसपास है, यानी 4 किलो कम हुआ, जो कि मैं बहुत एक्सरसाइज वगैरह करता था तभी कुछ कम नहीं हुआ। और दोस्तों ये जो एक इलाज है, डॉक्टर विशुभ राय जी से मिला मैं तो उनका एक टैगलाइन है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इट इज़ माई पैशन नॉट माई प्रोफेशन। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे पैशनेट लोग समाज के साथ जुड़े और जो डॉक्टर विशुभ राय जी अपने अभियान के द्वारा एंड ऑफ इलनेस कैंपेन के द्वारा जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस काम को कंटिन्यू रखें और हमारा सारा समाज हम सब मिलकर उनका साथ दें, उनको सफल बनाएं और डॉक्टर विश्व राय जी लंबा जी क्या बोलते हैं दीर्घायु हो और भगवान उनको हर खुशी प्रदान करें। मेरा नाम नरेश दलाल है, मैं हिंदी अध्यापक हूँ उद्योग में और मुझे जो ना चेस्ट में ट्रेन हुआ था 25 दिसंबर 2013 को मैं डॉक्टर साहब से मिला था तो इन्होंने बताया था तो डाइट बताया और डाइट मैंने फॉलो किया और लगभग 1 से 2 महीने बाद ही मुझे पूरा आराम हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खूब एक्सरसाइज करता हूँ, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा नाम संजय गुलाटी है, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रशासकीय अधिकारी के तौर पर कार्य करता हूँ। मेरे को क्रोनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 डॉक्टर ने डायग्नोज करी थी। मैं सबसे पहले 29 अगस्त 2014 को डॉक्टर साहब से मिला था, उनका डाइट प्लान मैंने 2 सितंबर 2014 से शुरू किया और 2 महीने में मुझे काफ़ी आराम है। मेरी कुछ दवाइयाँ जो पहले डेली खाता था वो अल्टरनेट डे हो गई हैं, कुछ दिन में 3 बार खाता था वो दिन में 2 बार हो गई हैं। ब्लड यूरिया मेरे पहले से कम हो गया है, PTH कम हो गया है और यूरिक एसिड भी पहले से कम हो गया है और मेरा वेट 90 किलो से 78 किलो 2 महीने में हो गया, 12 किलो मैंने वेट रिड्यूस कर लिया और पहले से बहुत ही फिट महसूस करता हूँ अपने आप को। नमस्कार, मैं राधा शर्मा एडवोकेट। मैं पहले माइग्रेन से परेशान थी, मैं डेली की 15 से 20 गोलियाँ खाती थी पर मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया डॉक्टर साहब के बारे में तो और लेके भी आए तो डॉक्टर साहब ने जो मेरे को चार्ट दिया था और हुमेंजा टी बताई थी मैं उसी का सेवन कर रही हूँ और मेरे सारी दवाई सारी मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी मैंने और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेम डे डस्टबिन में दवाई? हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला था कि दवाई डस्टबिन में डाल दो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो हुआ भी वही, मैंने अपनी दवाई उसके बाद मैंने कभी यूज़ नहीं की। मैं डॉक्टर साहब की बहुत आभारी हूँ और डॉक्टर साहब का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी बीमारी से छुटकारा दिलाया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम राकेश वर्मा वर्किंग इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर एंड this problem was since last 4 to 5 years I was on medication and I was also suffering from blood sugar which was usually around 130 plus fasting and BP was around 200 or 190 and I was on medication for that also. Luckily one day I met Mr. Mahesh Kaushik, my colleague and friend. He is also working with LIC and he told me about Dr. Vishwaroop Rai Chaudhary and he told me about that some seminar is going to take place in Faridabad on I think 7th of September. I attended the seminar 6th of September. I attended the seminar and after attending the seminar I strictly followed the diet chart which was given by Dr. Vishwaroop Rai Chaudhary. Although I personally didn't meet him but I came to know about his dietary chart through Mr. Kaushik and I strictly followed that. Morning I started taking this sprouts along with some vegetables, raw vegetables, then some fruits in the afternoon. Then in lunch again I have some salad, in afternoon evening snacks I used to take some munja snacks and in night I started taking again this
raw vegetables, salads. And after 3 days, when I got my BP and blood pressure checked, I was astonished to know that my blood pressure, blood pressure came to around 78 and 122-24, which remained at around not less than 90 in any case, and after medication, because I was taking amlodipine 500 milligram for controlling my BP, and after taking that medicine, it remained around 90, 92, 240, not less than that in any case. But after taking these meals and strictly following that, after 3 days, it just came down to 78 and 110, 112, 114. Then I got my sugar level checked, and again, same results. It came at around 196, only 96. And by that time, I was taking medicine. Then I started slowly reducing my medicines. I reduced my sugar medicine because previously I was taking one metformin along with 1 gram glimepiride, and I straightway stopped taking glimepiride, and I was taking this other medicine. And say after 3 or 4 days, I again got my blood sugar level checked, and it was around 90 with reduced medicine. Then I completely stopped taking medicine, and since then my blood sugar level is below 100, because I regularly got it checked, and my sugar level is less than 100. My BP is almost 78, 72, between 78 to 72, and higher blood pressure is around 120, 130, not more than that. And I am feeling very energetic also after taking that. Previously I used to have some problems, digestion problem, I had some headache problem, I had some other problem that I used to get fatigued very early. But now I have started my day. I woke up early in the morning at around 5:30, very fresh in the morning. Then I go for my morning walk, say around for 1 hour. I then go for some yoga exercises, and after that, all the things same. Everything is going on same, but my working style has changed. My energy level has changed. I'm not at all feeling fatigued. I used to go to bed at around 9:30 now, and woke up in the